व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। तो काफ़ी दिन हो गए हैं लाइव करे हुए, तो मैंने सोचा आज लाइव करी जाए। और शायद थोड़ा बहुत लेट होगा। मेरा प्लान था 4 बजे स्ट्रीम करने का, बट मैं थोड़ा देर से सोकर उठा और फिर खाना पीना छोटे मोटे काम निपटाते काफ़ी टाइम हो गया। बट या फाइनली लाइव आ गए 8 बजे, जो कि ज़्यादा जल्दी भी नहीं है बट ज़्यादा लेट भी नहीं है। शायद से हम ठीक ठाक टाइम पर लाइव आ गए हैं। तो देखते हैं उन्होंने स्ट्रीम पर आ चुका है। वेट एक सेकेंड, काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं। 13,000, लेट्स को। आज हम वैसे खेलेंगे माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में एक बहुत अमेजिंग सा मैप मिला है। जो मैप शायद अमेजिंग नहीं, डिफ़िकल्ट ज़्यादा होने वाला है। तो चलते हैं उस मैप में, बट उससे पहले थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं जो इतने टाइम से पॉज हो रखी थी हम सबकी। वेट, म्यूज़िक शायद बहुत तेज़ होगा। यप, सलोनी मेंबर 491, लेट्स गो। थैंक यू सो मच माइन का लाइव स्ट्रीम, लेट्स गो। तो देखते हैं कौन कौन आ चुका है स्ट्रीम पे। 20 गेमर्स, GTA 5 प्लीज़। ओ यार, मैं भी पता नहीं कैसा हूँ यार। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि GTA 5 का वीडियो एक हफ्ते में आ जाएगा, बट फिर किसी एक बहुत अच्छे रीज़न की वजह से वो वीडियो पॉज हुआ। बट अभी एग्जैक्ट डेट नहीं मैं देने वाला, मतलब मैं जानबूझ के नहीं रोक रहा हूँ। बट अब वीडियो जब आएगा तब मैं उसके 1-2 दिन पहले ही बता दूंगा, ठीक है। मतलब हाँ, आने वाला है न्यू वीडियो, इतना आप कह सकते हो। और कल आएगा माइनक्राफ्ट का वीडियो, जो कि मतलब बन चुका है वीडियो, बस थोड़ा सा उसे कंप्लीट करना है, तो वो भी आ जाएगा। बाकी कैसे हो यार सब लोग, जल्दी से चैट में हालचाल बता दो। और स्ट्रीम अगर सही चल रही है तो कोई भी इमोजी ये वाला या ये वाला भेज दो, ताकि मेरे को आइडिया लग जाए। वॉइस भी शायद मेरी ठीक ही जा रही होगी। यप, और कुछ ही टाइम में नहीं ये नहीं रिवील करना चाहिए, यही उस टाइम में। हॉन्टेड हाउस माइनक्राफ्ट वीडियो प्लीज, लेट्स गो। गेमर भाई नंबर 1, हॉन्टेड हाउस का जो मतलब वीडियो है वो इस वीक आने वाला है। उस वीडियो को हमने समझ लो वीडियो नहीं बनाया, बट जो काम तो सारा हो गया, बस वीडियो बनाना है। वो तो भाई अब नेक्स्ट लेवल सीरीज़ होने वाली है, वो बहुत तगड़ी सीरीज़ होने वाली है अपनी। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट उसके बाद जब वो कंटिन्यू होगी तो लगातार उसके एपिसोड्स आते ही रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग का रिस्पॉन्स आया, वैसे यार मैंने 5 लाख लाइक का एम करा था और उस पर 4,36,000 लाइक्स हो गए हैं। मतलब गोल कंप्लीट नहीं हुआ, बट फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन 2 लाख की थी कि मैं बोल तो रहा हूँ 5 लाख और शायद से 2 लाख ही आएंगे, तो बट आ गए। गोल ऐसा कह सकते हो कि हाँ 90% कंप्लीट हो गया है। मतलब 5 लाख का था और 4.5 लाख लाइक ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। जसमीन, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। भाई साइबरपंक खेलना कंटिन्यू कब करो? साइबरपंक यार भी पता नहीं क्यों सच में मन नहीं है। मेन चैनल पर एक न्यू गेम प्ले सीरीज़ आने वाली है। कल नहीं, मतलब मैं तो कल रिकॉर्ड करूंगा, बट वीडियो जब मैं बनाता हूँ उसके अगले दिन आती है। तो ऐसा सीन है, अगले दिन या फिर उसके भी अगले दिन, ऐसे। तो मतलब हाँ, न्यू सीरीज़ जो है परसों से स्टार्ट होगी और बहुत अमेजिंग सीरीज़ होने वाली है। क्या है ना, अभी कुछ नए गेम्स आ नहीं रहे हैं मार्केट में, जो मतलब ऐसे स्टोरी वाले गेम्स होते हैं। जैसे रेजिडेंट ईविल का बहुत ज़्यादा वेट है। हिटमैन तो अब शायद से एंडी हो गया, पता नहीं, कन्फर्म नहीं है, बट क्या पता हिटमैन का कुछ अलग टाइप का सीरीज़ आ जाए, तो एक हिटमैन का वेट है। और GTA का तो खैर है ही, हमेशा ही रहेगा वो तो। और बुली का वेट है, बुली तो मेरे हिसाब से दोबारा आने नहीं वाली। तो काफ़ी सारी और भी गेम्स ऐसी हैं जिसका वेट चल रहा है। और RDR कंटिन्यू करना है, मैं पता नहीं क्यों कर नहीं रहा हूँ यार उसको। वंश भाई वेरी ब्यूटीफुल, लेट्स गो। टेक माई नेम डार्क लीजेंड एक्स, शाउट आउट टू यू ब्रो। एंड एक सबसे ज़्यादा वेट तो आप लोग को करवा रखा है 20 मिलियन सरप्राइज का, जो कि प्लान है, अब 30 पे आना है। आई लव योर होमवर्क, आई लव योर होम एंड योर वर्क। मैं पढ़ रहा हूँ हीना दर्जी, लेट्स गो। हीरो ब्रांड एसएमपी की वीडियो कब आएगी? यार हीरो ब्रांड एसएमपी का भी कोई आइडिया नहीं है सचमुच में। पोस्ट वायर की वीडियो कब आएगी? भाई सब लोग को यार वीडियो का ही वेट हो रहा है। अलग अलग सीरीज, इतनी सारी अलग अलग गेम्स खेल दी है, कोई कंप्लीट कर दिया, कोई बीच में आधी अधूरी छोड़ दी है, पता नहीं यार। बहुत सारा पेंडिंग काम चल रहा है यार मेरी लाइफ में। तो नो साउंड ये बची थी बस एक चीज़ और कुछ। अभी थोड़ी देर में ब्लैक स्क्रीन, स्ट्रीम बंद। सच में हो भी जाती है, पता नहीं। उस दिन ऐसे ही हुआ था जब ओमन वाले चैनल पे मैं लाइव था, पता नहीं क्या हो गया था, PC बंद हो गया। लाइट वाइट भी नहीं गई थी, PC बंद हो गया सीधा। समझ ही नहीं आता क्यों हुआ। मतलब शायद से लाइट का इशू था मेन तो वो, क्योंकि PC इन्वर्टर से कनेक्ट है, UPS भी कनेक्ट है, बट पता नहीं कैसे बंद हो गया, तुरंत चालू हो गया। तो शायद इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहा होगा। भाई आप माइनक्राफ्ट में वार्डन वाला पोर्टल ऑन कर सकते हो? ना वो पोर्टल जब माइनक्राफ्ट अपडेट देगा वो तभी ऑन होने वाला है। बाकी और भी किसी तरीके से अगर वो हो रहा है तो यार वो एक फन के लिए मोड वोड खेल रहे होंगे लोग, वो फन के लिए है, वो एक अलग चीज़ है। बट जो ऑफिशियली जो पोर्टल है वो तो भाई माइनक्राफ्ट वाले ही जब नेक्स्ट अपडेट लाएंगे तब होने वाला है। और क्या मज़ा आएगा भाई, मेरे को तो कन्फर्म्ड है, मतलब कन्फर्म क्या सबको ही कन्फर्म्ड है कि यहाँ एक नई जगह आने वाली है। तो उस अब एक जगह का मतलब ये नहीं होता कि बस एक नई जगह आ गई, तो सिंपल नहीं होती। एक नई जगह पे मीन्स एक नई जगह, नए नए मॉन्स्टर, जैसे नेदर का अपडेट आया था तो उस अपडेट में मेन चीज़ ये थी कि फोर्ट्रेस तो था ही बट ऐसे बेस्टन आया था, अलग अलग बायोम आई थी और काफ़ी सारे नए नए मॉन्स्टर भी आए थे। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि हम लोग नेदरराइट के टूल्स बना सकते थे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर इस साइड भी एक नया पोर्टल आ रहा है तो पक्का नए टूल्स भी आने वाले हैं। मतलब मेरे हिसाब से नेदरराइट से भी ऊपर का कुछ आएगा, तो वो फील अलग है। बाकी काफ़ी सारे लोग स्ट्रीम पर आ चुके हैं, तो चलते हैं हम लोग गेम में या फिर अभी थोड़ी बहुत बातचीत करें। सार्थक भाई कैसे हो, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। गो गेम माइनक्राफ्ट स्टार्ट करें फिर भाई। आज ना मेरे को सचमुच में जितने भी लोग देख रहे हैं ना सबकी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि जो मैप हम लोग खेलने जा रहे हैं कोई सिंपल मैप नहीं है। मतलब इसमें सोचना बहुत है, मतलब बेसिकली क्या है, समझ लो एक जगह है और हमें इस जगह से जाना है दूसरी जगह पे, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे और वो ब्लॉक्स मिलने वाले हमें थोड़े बहुत मिलेंगे, हमें किसी ना किसी जुगाड़ से उन ब्लॉक्स को, मतलब गेम में देखोगे समझ आएगा। बट इतना समझ लो बेसिक कंसेप्ट यही है कि हमें कुछ लिमिटेड ब्लॉक्स मिलेंगे, उन ब्लॉक्स का यूज़ करके अच्छे से हमें एक दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है। तो खत्म होने वाला है वो, मतलब खतरनाक होने वाला है वो चीज़। ये नो साउंड वाले कौन है भाई, पहले तो एक बार चैट में क्लियर करो अगर साउंड आ रहा है तो ये, और अगर नहीं आ रहा तो भी ये, क्योंकि साउंड आ रहा है मुझे अच्छे से पता है। चलो फिर यार चलते हैं। टेक माई नेम प्लीज गेमर्स अप, शाउट आउट टू यू एंड मास्टर एक्स किंग, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर। ये एंड प्रतीक भी आ गया, लेट्स गो। मुस्लिम अली थैंक यू सो मच ब्रो फॉर बिकमिंग अ मेंबर। तो फिर चलते हैं यार गेम में। बस चैट में मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, मैं हमेशा पता नहीं क्या करता हूँ, जैसे गेम में घुसता हूँ चैट में सोने लग जाती है पूरी, तो थोड़ा बहुत उसमें भी रहना है। बाकी यार एक बार चैट में बताओ कि कौन सी ऐसी गेम प्ले सीरीज़ है जो आप लोग सचमुच में बहुत ज़्यादा पसंद करना चाह रहे हो, मतलब मेन चैनल की। क्योंकि मेरा माइंड चाह रहा है कि नई नई गेम स्टार्ट करें, बट बहुत सारी गेम प्ले सीरीज़ ऐसी भी हैं जो मैं पीछे भूल चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि नई नई गेम्स तो मैं खेलता ही रहूँगा भाई, वो आएगी मैं खेलूँगा, मेरा सीन नहीं है। जब भी मतलब क्या होता है ना, हमेशा कोई सीरीज़ अगर मिस होती है तो हमेशा यही होता है कि कोई नई गेम आ जाती है, मैं उसमें घुस जाता हूँ और पीछे वाली छूट ही जाती है। RDR के साथ तो यही हुआ है, मैं दबा के खेल रहा था बट उस टाइम पे साइबरपंक आ गई और अपनी वॉच डॉग्स लीजन आ गई, मैं उन दोनों गेम में गया, मैं पता नहीं कैसे इतनी बढ़िया गेम भूल आया, तो ऐसा सीन हो जाता। फिर रेजिडेंट इविल आई तो मैं ये दोनों भूल गया, तो ये सीन है। GTA, अरे हाँ हाँ, अरे 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 हाँ, मैं तो ये मैं भूला नहीं हूँ, ये याद है। अरे मैं कह रहा हूँ जो मैं भूल गया हूँ भाई, पूरा भर दिया उन्होंने। GTA माइनक्राफ्ट तो यार फिर भी आ रही है। GTA पता नहीं क्यों मैं इस बार तो सच में इतना लेट तो शायद से कभी नहीं करा जितना इस बार कर दिया है। मैं GTA वाली वीडियो मतलब बैठ के समझ लो आधा काम करके उसे छोड़ा है, पता नहीं क्यों छूटी है, छोड़ा नहीं है। कहते हैं यार मतलब एटलीस्ट पहले इतना सीन तो सेट करना है कि एक महीने की 3 वीडियो आनी चाहिए, फिर पहले जैसा करना थोड़ा सा अभी के लिए इम्पॉसिबल है कि पहले एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो, एक दिन छोड़कर एक दिन GTA का वीडियो। बट इस बार कोशिश करूँगा हफ्ते का एक पहले फिट करें, मतलब महीने के 4, हफ्ते का एक भी महीने के 4, ठीक है यार ये भी। तो ये सीन बैठाते हैं पहले, क्योंकि इसमें मेरे को भी मजा आने वाले और आपको भी। बट हो सकता है हाँ बीच बीच में थोड़ी लाइव स्ट्रीम वगैरह कम हो जाए, बट ये चीज़ सेट करते हैं पहले। इस पर अभी अपना नेक्स्ट फोकस इसी पे जाने वाला है। बॉर्डर पुलिस और रस्ट पार्ट 2, अरे रस्ट है, ये अच्छा आइडिया देना, लेट्स गो। गेमर्स न्यूज हेलो सर जी, लव योर फ्री फायर वीडियो। सुमित शर्मा थैंक यू सो मच ब्रो। बाकी भी देखो, बाकी में भी उतना ही मजा आएगा। आयुष यादव थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। लेट्स गो यार अभी गेम में चलते हैं। काफ़ी सारे लोग स्ट्रीम पर आ चुके हैं, तो जो भी स्ट्रीम पर आए हैं सबसे पहले तो यार एक बस लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि स्ट्रीम में मज़ा आने ही वाला है, तो पहले ही दबा दो बटन ताकि और लोगों को भी स्ट्रीम सजेस्ट हो जाए और वो भी आगे स्ट्रीम देखें, मजे करें। फटाफट से चलते हैं गेम में। और इतने टाइम बाद ऐसे, मतलब इतना टाइम में नहीं फिर भी हो जाता है, ऐसे 5-6 दिन बाद भी लाइव करो ना ऐसे लगता है कि कुछ नई चीज़ कर रहे हैं। रेगुलर हो जाओ तो भाई तो पता ही नहीं चलता। आज ऐसा लग रहा है कि हाँ चैट भी में भी ध्यान रखना है, गेम भी खेलनी है, और वैसे तो आज चैट में ध्यान रखना ही पड़ेगा। चीज़ ही ऐसी खेलनी है कि यार आज तो ज़बरदस्ती ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, सबके दिमाग चलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। और बस हमें बस लेवल क्लियर करते जाना है और मैप को पूरा सॉल्व करते जाना है। बाकी बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, उसका साउंड ज़्यादा लगे तो मेरे को अभी बता दो। ओके बहुत सारे लोग आ गए स्ट्रीम पे, वेट एक सेकेंड गाइस, चैट कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी बड़ी। सेटअप टूर एंड हार्डकोर सीरीज कब आएगा? न्यू सेटअप टूर, यप अभी ये जो मेरा, मैं हाँ ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बहुत से लोगों को वो था कि ये जो नया सेटअप चेंज हुआ है, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, आपको ऐसे दिख ही गया होगा, मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट्स डाले थे या फिर कभी इंस्टा स्टोरी या कभी रील में रिवील हो ही गया होगा, तो आपने देखा होगा ये वही सेटअप है। मेरे को पता नहीं कि सेटअप चेंज करने का मन नहीं कर रहा, बट हाँ एक न्यू सेटअप का प्लान है जो कि अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के आएगा, टाइम लगेगा क्योंकि बनने में। फिलहाल अभी बस रूम चेंज हुआ है, कंप्यूटर टेबल सब कुछ वही है जो आपने पहले देखा था, सब वही है, बस ऐसा कह सकते हो कि हाँ रूम चेंज हो गया, छोटे मोटी चीज़ें अपग्रेड हो रही है, जैसे कंप्यूटर अपग्रेड हो गया और छोटी मोटी चीज़ें कीबोर्ड अपग्रेड हो गया, माउस हेडफोन ये सब छोटा मोटा चल रहा है। बाकी कह सकते हो सेटअप एग्जैक्ट वही है, कोई आरजीबी वारजीबी कुछ भरा नहीं है, नॉर्मल है। तो चलते हैं गेम में, एंड गेम साउंड जाएगा, हाँ जाएगा जाएगा। लेट्स गो, माइनक्राफ्ट ओपन कर ली जाए। बाकी हाँ सेकंड चैनल कौन कौन, सेकंड चैनल पे ही हो वैसे तो भी, बट फिर भी इस पे भी आजकल थोड़ा सा रेगुलर होने का ट्राई कर रहा हूँ कि इस पे भी कोई ना कोई नई नई वीडियोस डालते रहें। कुछ टाइम में जो अपना तीसरा चैनल, चौथा चैनल है, सॉरी चौथा तो जो चौथा, तीसरा चैनल टीजी नेटवर्क, वो एकदम खाली पड़ा है, थोड़ा सा वेट करना, उस पर काम चल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा 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 काम चल रहा है, बट उस पर भी हम लोग एक्टिव होने वाले हैं कुछ टाइम में, और उस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ऐसा हो सकता है कि हाँ शायद से ऐसा हो सकता है कि इन दोनों चैनल से ज़्यादा मज़ा उस पर आ जाए टीजी नेटवर्क पे, माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को बस, हाँ सिर्फ माइनक्राफ्ट वाले, बाकी तो चीज़ अलग ही है अपने इन दोनों की, बट सिर्फ माइनक्राफ्ट के लिए उस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोग को। तो एक सेकेंड माइनक्राफ्ट ओपन करके, वर्ल्ड ही नहीं ऐड कर रखा है मैंने वाला। चलो ये ब्लैक स्क्रीन हमेशा दिखती है भाई साहब, टाइम में पहले ऑन कर लो। लेट्स गो, तो हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में। बट हाँ यार गेम में चलने से पहले आप लोग एक बार ये देख लो, जो भी ओमेन लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक राइट साइड वाले कॉर्नर में दिख रहा होगा एक ऑफर चल रहा है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे आपको गेमिंग पेरिफेरल्स भी मिल जाएंगे। एंड दिस स्ट्रीम इज ब्रॉट यू बाय ओमेन इंडिया एंड AMD राइजन, तो जाओ यार चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं दोबारा से ऑन कर दूंगा, उसे रीड कर लेना। फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग गेम में। ये है वो मैप बिल्ड टू दी अदर साइड, हमें बस बिल्ड करके दूसरी साइड पे जाना है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें देखना भी क्या होने वाला है। लेवल्स बहुत सारे हैं, पूरा आगे तक बना रखा है, और ये है लेवल 1, ठीक है, ईजी एज यू थिंक, ईजी होने वाला है ऐसा ये लोग कह रहे हैं, बाकी ठीक है। तो देखो वो है दूसरी साइड जहाँ पर हमें पहुँचना है, और हमारे पास ये कुछ ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहले तो देखो लॉग्स हैं, लॉग से हमारे 4 प्लैंक्स बन जाएंगे, तो 3 लॉग्स हैं, 4 प्लैंक्स होने वाले हैं, 12 ब्लॉक्स। और थोड़ी बहुत ये मेरे को यहाँ पर थोड़ी बहुत रेल भी मिल रही है, बट इस रेल से कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है क्योंकि ये खुद एक ब्लॉक के ऊपर ही लगती हैं। बाकी तो पहले मैं, अच्छा वैसे एक आइडिया है, अगर मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाऊँ और क्राफ्टिंग टेबल से सभी प्लैंक्स का स्लैब बना लूँ तो भी शायद से अपना काम हो सकता है। मतलब 1 2 3, नहीं यार वेट, बहुत सारे ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, स्लैब व्लैब लगा के तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मान लो एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई तो, और क्राफ्टिंग टेबल पे मैंने बना दिए ढेर सारे स्लैब, ये स्लैब हो गए, ये 2 ब्लॉक्स हो गए, ये क्राफ्टिंग टेबल भी खुद में एक ब्लॉक है। तो क्या हम लोग इतने ब्लॉक लगा के दूसरी साइड पे पहुँच पाएंगे या फिर नहीं? तो मैं यहाँ से स्लैब लगाना स्टार्ट करता हूँ। एक मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा हम लोग पहुँच सकते हैं, क्या लगता है आप लोग को? चैट में बताओ थोड़ा सा, और हेल्प भी करना यार इसके बाद, अगर मैं ना कर पाऊँ तो मैं वैसे चैट रीड तभी करूँगा जब मेरे को हेल्प की जरूरत होगी, मैं वरना पूरा ट्राई करूँगा खुद से करने का। यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल लग गई, और साथ से हम लोग नहीं पहुँच पाए भाई, आधा रास्ता हुआ हूँ मैं। वेट, मेरे को लग रहा था कि मैं थोड़ा सा टच होके रह जाऊँगा, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं किसी की मतलब जंप मार के वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, यानी ये वाला मेरे को कैंसिल करना ही होगा, मतलब रीसेट करना होगा। यहाँ पर चल के, लो भाई रीसेट हुआ, यप रीसेट हो गया। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, ये 3 लोग तो मेरे को तोड़ने ही है, पहली चीज तो मेरे को ये समझ आ गई है। इससे ज़्यादा ब्लॉक्स, फेंस, फेंस नहीं, फेंस कितने बनते हैं यार, चैट में बताओ क्या हो सकता है। डर्ट, अच्छा डर्ट भी टूटेगा, वेट मेरे को लग रहा था कि सिर्फ ये जितनी चीजें रखी है वो टूटने वाली है। ओह लेट्स गो, डर्ट भी टूटने वाला है यहाँ पर, ठीक है अब हो जाएगा शायद। स्टोन, स्टोन भी टूट जाएगा भाई, लेट्स गो। स्टोन के बाद नहीं, अच्छा स्टोन कलेक्ट थोड़ी होगा, मेरे को पिकेक्स। अरे ग्रास ब्लॉक्स भी टूट सकते हैं, ये तो ईजी था यार, मैं खाली भी इतनी टेंशन ले रहा था। मेरे को शायद से भी वो स्लैब बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, बट फिर भी मैं स्लैब बना के जाऊँगा ताकि मेरे को ज़्यादा डर्ट तोड़नी ना पड़े। मेरे को भी जितने ब्लॉक पहले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर रखा मैंने, इससे बना लिया प्लैंक्स, ये बन गई क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल को रखता हूँ यहाँ पे और इससे बन जाएंगे ढेर सारे स्लैब्स। अब इस स्लैब को डिवेट क्राफ्टिंग टेबल ले लूँ पहले, और शायद अभी पहुँच जाऊँगा क्योंकि मेरे पास 13 डर्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है यार, मेरा काम हो जाना चाहिए शायद इतने में। वेट डर्ट एरी 1 2 3 ईजी यार, एक ही सेकंड के लिए चैट रीड करिए भाई, एकदम डायरेक्ट सॉल्यूशन भी मत लिखो, थोड़ा सा रुक के लिखो, या फिर मैं मैं चैट ही नहीं रीड करूँगा, एकदम ही दिक्कत आने पे रीड करूँगा। और ओए यार ये नीचे वाली साइड पे को लग गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे इसको। कितने हैं मेरे पास, 5 और बचे हुए हैं, शायद मैं पहुँच जाऊँगा या पहुँच तो चुका हूँ। बट हाँ एक क्राफ्टिंग टेबल है लेकिन वो लगेगा नहीं, यहाँ लगा देता हूँ यार। ये जंप फेल, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि नहीं, ठीक है लेवल 2 आ चुके हैं हम लोग, लेट्स गो चलते हैं लेवल 2 पे। और इस बारी है यहाँ पर ढेर सारा कोल, कॉबवेब है, और ये स्वॉर्ड से तोड़ने पे कलेक्ट होगा ना, कि हाथ से तोड़, हाथ से टाइम भी लगेगा। क्राफ्टिंग टेबल पहले से ही बना हुआ है, प्लैंक्स हैं, प्लैंक से मैं कुछ थोड़े बहुत स्लैब्स वगैरह बना लूँगा। यार इस बार सचमुच मेरा थोड़ा सा हार्ड लग रहा है वहाँ पहुँचना। डर्ट कितनी है, डर्ट भी 2 है, ये हार्ड होने वाला है वैसे। कीप डूइंग कर ही रहे हैं भाई, कर रहे हैं। वैसे यार बंदे ने वर्ल्ड देखना क्या बनाया, चारों तरफ नेदरराइट ब्लॉक्स लगा रखे भाई, इतनी अमीरी सर्वाइवल में आ जाए ना, मतलब ये करने में ना सर्वाइवल वर्ल्ड में बहुत टाइम जाएगा भाई, बहुत इम्पॉसिबल था ये थोड़ा, मतलब बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि भर के नेदरराइट है यार, नेदर बहुत बड़ा है। तो चलो डर्ट यहाँ से ढेर सारी इकट्ठी हो चुकी है, और अरे नीचे बहुत सारा डर्ट है, मैं खाली पीली टेंशन ले रहा था, ये देखो कितना सारा डर्ट है और अंदर भी है। शायद से अगर मैं एक पिकैक्स बनाकर लाऊं ये तोड़ सकता हूँ मैं। कोल नहीं, कोल नहीं टूटेगा। और एक मैंने प्रॉब्लम कर दी, भी ऊपर जाने के लिए भी एक डर्ट लगाना होगा। यहाँ पर भी खैर डर्ट है थोड़ा बहुत। इसके अंदर कितने हो गए, बस 13 डर्ट हो चुके हैं। 13 से मेरा आधा रास्ता बन जाएगा। और कॉबवेब का मेरे को यूज़ लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर कुछ स्लैब, 2 स्लैब्स हैं, इससे भी अपना आधा रास्ता होना चाहिए। तो एक ये ले लिया और एक क्या 2 स्लैब को मिला के एक प्लैंक बनता है? मैंने कभी ट्राई, ये बहुत गंदा टेस्ट होने वाला है भाई ये, नहीं। एक सेकंड, दोनों को अगर ऐसे रख दूँ तो, अरे यार क्यों टेस्ट करा मैंने, छी। वेट, यहाँ से मैं डर्ट आएगी नहीं, ऊपर आएगी नहीं, आई ठीक है। 13 डर्ट हो गई, एक बार ट्राई करूँ, होएगा तो नहीं, वैसे साफ दिख रहा है। मेरे पास 8 प्लैंक्स है, 2 ये हैं, क्राफ्टिंग टेबल भी ले लेता हूँ मान लो। क्या अभी मैं दूसरी साइड पहुँच पाऊँगा या फिर नहीं? वैसे मेरे दिमाग में ना एक चीज़ हो रहा है कि अगर मैं पिकैक्स बना लूँ तो मैं ये 3 कॉबलस्टोन भी यहाँ से ले लूँगा। और एक पिकैक्स बनाने के लिए मान लो मेरे को एक पिकैक्स बना के 3 कॉबलस्टोन मिल रहे हैं, तो 3 कॉबलस्टोन लिए। और एक पिकैक्स बनाने के लिए, उल्टा मेरे ज़्यादा पिकैक्स बनेगी कैसे? पहली बात, मेरे पास उतने स्लैब भी नहीं है, मतलब वो इतने प्लैंक्स ही नहीं है, तो पिकैक्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक आध ब्लॉक छुपा के तो नहीं रखे कहीं, ऐसा हो कि कोल के नीचे कुछ ब्लॉक छुपे हों, क्योंकि इस तरफ में ना एक रास्ता तो जा रहा है। यहाँ पर तो नेदरराइट है, उस तरफ में भी पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं ले रहा यार रिस्क, इतने में पहुँच जाऊँगा शायद मैं। यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं, 1 2, फिर क्राफ्टिंग टेबल, फिर ये। नहीं पहुँच पाऊँगा, अभी सही लग रहा है नहीं पहुँच पाऊँगा। ट्राई करते हैं। 16 नहीं यार, 16 ब्लॉक्स हैं मेरे पास, स्लैब 8 है, हो गया। खाली पीली की टेंशन नहीं लेनी भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लीज़। अरे नहीं हुआ भाई, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, सच में नहीं हुआ ये। वेट यार, ये वाली ट्राई करो जंप मार के, ये होएगा नहीं यार, देख के ही पता चल रहा है। बहुत लॉन्ग जंप मारनी पड़ेगी भाई। एक सेकेंड, क्या करे। वेट, हो सकता है इस कॉबलस्टोन के नीचे और भी कॉबलस्टोन हो, बट हम पिकैक्स बना ही नहीं सकते, तो फिर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा यार, यही करना है मेरे को। ये कॉबवेब लगता है गाइस आप लोग को, कॉबवेब मेरे को चाहिए होगा। वेट यार, मैंने रीसेट करा है, कोल से क्या बन सकता है? यहाँ पर ढेर सारा कोल ब्लॉक। अरे पिकैक्स बनाना है, कोल ब्लॉक बनेगा। अब मैं समझ गया, मान के चलो यहाँ से मैंने ढेर सारे प्लैंक्स ले लिए, ठीक है, एक और यहाँ से मिलेगा मेरे को भाई यही करना है मेरे को, दो। मेरे को पहले पिकैक्स बनानी है, फिर कोल ब्लॉक बनने वाला है उससे। ये समझ आ गया भाई, तभी यहाँ पर इतना सारा कोल, मतलब इतना सोच के चलना है, जो चीज़ दिख रही है वो तोड़नी है ही, मतलब ऐसा जरूरी है। तो यहाँ पर ये लिया, ये बन गई स्टिक्स, स्टिक्स से बना ली मैंने पिकैक्स, और अभी शायद से मेरे को ये सारा अरे नहीं, पहले नहीं, रीसेट करो, स्टोन का पिकैक्स बनाऊंगा मैं। वेट वेट वेट, गलती गलती गलती, एक बार ही और करना है बस मेरे को ये। तो पहले बस यहाँ से ये दो तोड़ना है, बट नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे हाँ यार, मैं क्या गलती कर रहा हूँ आज, स्टोन की वुड के पिकैक्स से मेरे को कॉपर स्टोन तोड़ना चाहिए था, फिर जो एक्स्ट्रा स्टिक्स थी उससे मैं बना ही लेता। बट फिर भी यार, यहाँ पर इतना भी कॉबल स्टोन नहीं है, मतलब यहाँ पर इतना भी कोल नहीं है कि, वैसे तो पहले ये चार बना लेता हूँ। ये बना ली मैंने ये वाला पिकैक्स, अब इससे मैं बनाऊंगा कॉबल स्टोन का पिकैक्स। मैं लास्ट टाइम ना इन दो स्टिक का भी यूज़ कर सकता था, पता नहीं क्यों रीसेट करा मैंने जल्दबाजी में। ठीक है, ये सारा तोड़ते यार, बहुत सारा कोल तोड़ना पड़ेगा अभी मेरे को। तो ये लिया, ये रखा यहाँ पर, ये बन गई मेरी पिकैक्स, और अब इस स्टोन पिकैक्स से मेरे को सारा का सारा कोल तोड़ना है। और कोल तोड़ते तोड़ते मैं आराम से चैट रीड करने वाला हूँ। वेट पहले पता कर लेता हूँ कि मैं बना भी पा रहा हूँ इससे, रुक जाओ। जैसे 9 इकट्ठे करने होंगे ना, 9 से बनने वाला है मेरे हिसाब से, 6 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या ही बनेंगे। बाकी यहाँ डर्ट देखो ना, इसके नीचे डर्ट भी तो मिल रही है, पहले डर्ट नहीं मिलती, अब हो जाएगा। ईजी है ये लेवल, ईजी था, बस मेरे को पिकैक्स वगैरह बनानी थी। लेट्स गो, ईजी होगा। चलो भाई, अब आराम से हम लोग चैट रीड करेंगे। चैट में वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं अपना 100K चैनल वाला मोनिटर सेल कर रहा हूँ, बताओ बंदे चैनल ही सेल कर दे रहे। भाई तूने बनाया ही क्यों था? भैंस की टांग। कुछ भी दिख रहा भाई, मत करो यार ऐसा सुपर चैट भाई। उधर उधर OLX पे जाके डाल दो इसको, चैनल को, बिक जाएगा वहाँ। यहाँ मत बेचो, OLX मत बनाओ भाई प्लीज़ चैट को। एक सेकेंड, ये नीचे भाई मैं सोच ही रहा था नीचे ज़मीन ना हो। वेट, थोड़ा बहुत सोच समझ के कोल तोड़ना है, वरना वो नीचे भी जाने वाला है। वैसे सारा ही कोल तोड़ना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है। यार ये तो ग्राइंड करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ग्राइंड करना पड़ेगा तो बोरिंग हो जाएगा। कोल ले लेता हूँ सारा, आगे डर्ट है, शवल बना लो। ओह भाई आराम आराम से जाना पड़ेगा, सारा लेना है तो पहले ऊपर के ही तोड़ता हूँ, फिर उसके बाद जितने ग्राउंड वाले ब्लॉक्स हैं ना ये तोड़ूंगा, वरना अरे यार सच में हार्ड हो रहा है वहाँ तक। वेट, डर्ट लगा के जाता हूँ ना, पहले ये लगा देता हूँ, अब ये वाला कोल लूँगा। मेरे हिसाब से 3 से 4 एक्स्ट्रा ब्लॉक बनेंगे और इसी में बन जाएगा अपना काम पूरा। पहले बना लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और अभी ऊपर चल के 32 है ना, देखते हैं कितने बनेंगे इसमें टोटल। 3 भाई सारे ही तोड़ने पड़ेंगे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा ब्लॉक आए नहीं है ज़्यादा। डर्ट आई है शायद से, पिछली बार से ज़्यादा डर्ट मिली है मेरे को इस बारी, तो शायद डर्ट से भी अपना काम हो जाए। फिलहाल कोल तोड़ते हैं यहाँ का। वेदांत नेम ले लो, वेदांत ब्रो, शाउट आउट टू यू। डार्ट आजा, लेट्स गो। ए यार नीचे पता नहीं क्यों गिर रहा है इतना सारा कोल, इतना दुख हो रहा, मन कर रहा कूद के कैच कर लूँ सारा का सारा। रैंक सिम्युलेटर का पार्ट 17 खेलो। रैंक सिम्युलेटर में एक नया अपडेट आया, तो हाँ ये अच्छा आइडिया था। रैंक सिम्युलेटर भी एक ऐसी सीरीज है जो कि पहले बहुत खेली थी बट अभी मैं उसे भूल चुका हूँ। ये था भाई बेस्ट बंदा, ये अच्छा आइडिया था। कॉन्टेंट भी मिल गया। नहीं वैसे मेरे को मन तो था खेलने का बट मैं भूल रहा था, मैंने पता नहीं कैसे भूल रहा था, बट हाँ अनइंस्टॉल कर दी थी मैंने, तो मतलब थोड़ा स्पेस खाली करने के लिए, पूरा भर गया था मेरा पीसी। ओके, कोल और आ चुका है यहाँ से, अब टोटल 3 ब्लॉक्स और आ गए हैं, 6 कोल हो चुके हैं। मैं रास्ता बनाना स्टार्ट करता हूँ, कमी पड़ेगी तो मैं आके जो बाकी है ना ये भी तोड़ लूँगा। फिलहाल यहाँ से ये स्लैब, अरे यार हट जाओ, ये स्लैब तोड़ता हूँ। 2 स्लैब हो गए, 20 डर्ट्स हो चुकी हैं और 6 कोल हो चुका है। नहीं यार इतने में भी नहीं हो पाएगा कोल, भाई मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है सारा ही माइन करना है। कोई नहीं, ट्राई करते हैं बिना इसके भी, आधा रहा तो वापस आ जाएंगे। 20 में को एक बारी आइडिया लग जाए हर मैप में, क्योंकि इतना ही करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहाँ पर 6 लगेगा, हो गया शायद से। 21 22 23 24 25 26 27 तो इतना मान के चलो कि हमें हर बारी 27 ब्लॉक्स ही चाहिए होंगे और अपना काम हो जाएगा। मेरे को 27 से ज़्यादा नहीं चाहिए, एक बार को 26 में भी हो जाएगा शायद से। और नेक्स्ट लेवल इजी था, सही है। मैंने सारा कोल माइन नहीं करा वरना खाली पीली की मैंने लग जाती। मैं बराबर माइन करके लाया था जितने में मैं पहुँच गया। और ये लेवल बैरल है, बैरल में बहुत सारा बोन मिल है तो, और बहुत सारा सीड भी है। मैं हेबेल बना सकता हूँ, मेरे को हेबेल बनाना है, बट क्या मैं बोन ब्लॉक बना के पहुँच सकता हूँ? नहीं, बोन ब्लॉक तो यार कितने ही बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे यार वैसे ठीक ठाक। फिलहाल मैं ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना यही करता हूँ। पहले मेरे को हेबेल बनाना है यहाँ, सीड जो सारी सीड भी ले लेता हूँ यहाँ से। मेरे हिसाब से तो यही करना है, ढेर सारी सीड लगाते हैं यहाँ पर अच्छे से और फिर इस पर बोन मील मार के मुझे से पूरा ग्रो करना है। बट वेट, ये थोड़ा लो वे तो नहीं है? मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को बोन ब्लॉक बना के ही जाना हो, मतलब फीलिंग आ रही है मेरे को, क्योंकि सीड तो मेरे को मिलता रहेगा। यहाँ पर एक पेड़ भी है, सैपलिंग थी क्या? इस पेड़ से सैपलिंग मिल सकती है मेरे को, और सैपलिंग का यूज़ करके मैं ट्री को भी जल्दी जल्दी ग्रो करके अपना काम कर सकता हूँ। मिला क्या? ऐसा मेरे को लगा मिला, बट नहीं मिला शायद से। इस वाले लेवल में क्या करना है गाइज, आप लोग को क्या लगता है एक बार चैट में बताओ। बाकी जो लोग भी स्ट्रीम पर नए आए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक का बटन दबा देना। थोड़ा मतलब गोल रखते हैं पहले 1 लाख लाइक का, शायद से कंप्लीट हो जाए, तो जाओ यार लाइक का बटन दबा दो। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी से इसे पूरा कंप्लीट करता हूँ फुल स्पीड में। अभी स्पीड रन वाली बातचीत देते हैं इसमें, ठीक है? ये हो गया, एक्स्ट्रा बोन मिलना वेस्ट हो जाए स्पीड रन वाली चीज़ के चक्कर में। ये आया अपना मस्त, और दोबारा से मेरे को लगाना है। मेरे पास वैसे ना ख़त्म होने वाला है ये, मतलब जितना बोन मिलता ख़त्म होने वाला है जल्दी, तो ज़्यादा हो नहीं पाएगा मेरे हिसाब से काम। यहाँ पर थोड़ा सा और उगा दिया, इसको भी फटाफट से हटाते हैं। अरे वो होगा ही नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बोन मिल खत्म, ये लास्ट बारी थी। अरे उड़ गया भाई, उड़ गया। ये मैंने नुकसान करा दिया शायद से ज़्यादा बोन ब्लॉक का यूज़ करके मैं ज़्यादा ब्लॉक बना पाता। और क्राफ्टिंग टेबल मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, इस वुड को तोड़ के मेरा क्राफ्टिंग टेबल का काम हो जाएगा। बाकी ये आ गया और ये बना लेता हूँ क्राफ्टिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बोन ब्लॉक ही बनाना चाहिए था। ये रखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे और ये रखे यहाँ पर, तो टोटल 3 ब्लॉक बनेंगे पूरे, ठीक है? मैं शायद से थोड़े ज़्यादा ग्रो कर सकता था, मैंने गड़बड़ करी, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, बट कोई ट्राई करते हैं। मेरे को 27 ब्लॉक्स चाहिए है ना, मेन टारगेट हमारा ही है। तो 3 हो गए हेबेल के, और मैंने बिल्कुल गलत करा है। अगर मैं यहाँ से ब्लॉक्स लूँ तो 8 हो जाएंगे ये वाले। इसका अगर स्लैब बना दूँ, मेरे को 27 चाहिए ना, लास्ट टाइम ने काउंट करे थे, तो 12 एंड 2 14 15 16 17 बस। तो ट्राई करना भी। ओ वेट, ये टूटेंगे क्या? ये भी तो टूटेगा। लेट्स गो, हो गया भाई, हो गया काम। नीचे एक वुड भी है जिसको तोड़ने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट मैं उसे तोड़ूंगा। ये थोड़ा, ये भी थोड़ा, ये भी थोड़ा, ये भी डर्ट है, इसके नीचे हो काश, नहीं है। तो हमें कितने चाहिए? 27। ये वुड टूटेगा नहीं क्या? अरे बड़ा मजबूत हो रखा है वो पानी की वजह से। आ गया फाइनली, तो ये भी हो गया, इसके नीचे है। एक सेकेंड, अगर मेरे को ये भी तो ब्लॉक है, तू भी तो भाई ब्लॉक ही है, आजा 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 आजा। ये हो गया, अभी शायद से होने वाला है 27। अगर आप काउंट करूँ तो 15 16 17 18 19 19 एंड 10, भाई हो तो गए 29। क्राफ्टिंग टेबल मैं सोच रहा था क्राफ्टिंग टेबल भी ले लूँगा, बट ज़रूरत नहीं है, अपना काम हो जाएगा भाई। 3 हेबेल यानी बनाने ही थे, वैसे फालतू में टाइम वेस्ट करा। 3 बोन ब्लॉक बना लेता, वो थोड़ा शॉर्टकट तरीका होता, बट कोई नहीं। मेरे को आइडिया नहीं था कि इतना कम उगने वाला है ये वीट से, हेबेल हमें बहुत कम मिलेगा, मेरे को आइडिया नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ये लगाया, यहाँ पर 2 प्लैंक्स लगाए, फिर उसके बाद 13 पड़े अपने पास स्लैब, और फाइनली हम लोग दूसरी वाली साइड पर दोबारा से पहुँच चुके हैं। भाई गेम ना भी थोड़ा थोड़ा हार्ड होते जा रहा है, मतलब हर टाइप के टास्क मिल रहे हैं, पूरे डिफरेंट टास्क हर लेवल में। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। और अरे मेरे को नेक्स्ट लेवल पे भेजो भाई, ये तो वही वाला लग रहा है मेरे को। अच्छा ये अलग लेवल है, मेरे को लग रहा था मैंने आधा पेड़ तोड़ा, ये वही है। तो यहाँ पर ये जिस तरीके से लीव्स लगी है ना, मेरे को पक्का इन लीव्स का कुछ तो काम लग रहा है, और मुझे पता नहीं ऐसी क्यों वाइब। नहीं, यहाँ पर पानी है, पानी। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ पर करना क्या है? वहाँ पर सामने स्टोन तो है बहुत सारा, मैं ये सब इन्होंने दे तो दिया, बट इसका फ़ायदा क्या है? ये ब्लॉक हटाऊं, पानी चाहिए मेरे को तब काम होगा अपना। देखो पानी है ही नहीं है, पानी के साथ मेरे को हो भी चाहिए एक। ये लेवल थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है मेरे को, लकड़ी भी नहीं है कि मैं पिकैक्स बना के स्टोन तोड़ लूँ। सोचना पड़ेगा इसमें क्या किया जा सकता है। यहाँ पर नीचे स्टोन जा रहा है, जो कि यहीं पर ख़त्म भी हो रहा है। वाओ दूसरी साइड चल के देखता हूँ एक बारी। यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं है। क्या करना है इस लेवल में? बोन ब्लॉक, अरे बहुत सारा बोन मिला है ना ये देखो भाई, खाली पीली की टेंशन क्यों ले रहा हूँ मैं। इतना सारा बोन मिला है, भर भर के बोन ब्लॉक बनने वाला है भाई, इतनी टेंशन नहीं लेनी थी। ये आ गया 21 भाई, ये लो हो गया। बोन ब्लॉक से ही अपना काम हो गया, बाकी चीज़ें करनी ही नहीं थी। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। 28 ब्लॉक्स तो यही हो गए, हो गया पार। कुछ नहीं करना था, बोन ब्लॉक उठाने थे और चलना था। खाली पीली मैंने नो डर्ट अलग तोड़ा भाई। और रुको, थोड़ी सी स्पीड ब्रिजिंग की जाए। वैसे मैं थोड़ा सा पास तो हो चुका हूँ स्पीड ब्रिजिंग में, बट ड्रैग क्लिक का यूज़ करके फुल स्पीड में भी करने की प्रैक्टिस करनी है। और पहुँच गए हम लोग दूसरी वाली साइड पे। अब मतलब कोई लेवल ना ऐसे आदत हो गई है डिफ़िकल्ट सोचने की, तो कोई कोई लेवल जो इजी आ जा रहे हैं उसमें भी खाली पीली ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं। तो ये आ गया लेवल 5। और इस लेवल में एक पेड़ है, नीचे आयरन है। 3 आयरन का मतलब 1 पिकेक्स या फिर 1 एक्स। देखते हैं वो तो क्या बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ब्लास्ट फर्नेस में ऑलरेडी 3 कॉबलस्टोन मिला है, जिसको स्मेल्ट करके स्टोन बनाना है। क्या यहाँ क्यों रखा हुआ है ये? नहीं, स्मेल्ट करके स्टोन तो नहीं बनाना। मैं समझ गया, इन 3 स्टोन का यूज़ करके मेरे को 1 पिकेक्स बनानी है और उस पिकेक्स से 3 आयरन लेने हैं। आयरन को स्मेल्ट करना है, बट आयरन को स्मेल्ट करके क्या है ओ समझ गया, समझ गया। जो चैट समझ गई है ना, एक बार जल्दी से अपना स्माइली वाला इमोजी भेज दो, मतलब और पहला वर्ड भेज दो। नहीं मेरे को हाँ पता चल जाएगा कौन कौन समझा। जो चीज़ मैं बनाने वाला हूँ ना, जिससे लेवल पार होगा, उस चीज़ का बस पहला वर्ड भेज दो, पूरा नाम मत भेजना भाई क्या खतरनाक था ये वाला भी, बहुत बहुत मस्त चीज़ है यार ये, मैंने नहीं सोची थी ऐसा भी कुछ आने वाला है। ठीक है, तो पहले मेरे को बनाना है यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं यहाँ पे, और इस क्राफ्टिंग टेबल से मेरे को बनाने हैं प्लैंक्स, और प्लैंक्स से बनानी है स्टिक्स। वेट, स्टिक बनानी है, जैसे स्टिक से बनानी है पिकैक्स। अरे यार पूरा नाम लिख दे, सभी समझ गए इसका मतलब। ठीक है। शेयर्स बनाने का इस हमें, मतलब शेयर्स से क्या होगा, मैं सारी पत्तियां एज इट इज तोड़ लूँगा, और ये बहुत सारी हैं। तो अबे वैसे जल्दी करना, टूटने लग जाते हैं वरना अपने आप ये लकड़ी हटाते ही। तो ये आ गया अपना एक, अबे आयरन को लगा नीचे चले जाएगा, यहाँ पर है जगह। वो कैसा सा ब्लॉक लगाया है, मतलब डर गया था कि नीचे ही पहुँच जाएगा वो। वैसे इतना आयरन की जरूरत नहीं है, मेरा शेयर्स 2 आयरन में ही बन जाएगा। तो इसको रखता हूँ यहाँ पे, स्मेल्ट करा देता हूँ इसको। 2 आयरन से बन गया और लेवल कंप्लीट भाई। कुछ नहीं करना है इसमें, हो गया। ये शायद से पत्ती काफ़ी सारी होंगी, बस ध्यान रखना होगा यार ये नीचे ना गिरे। आराम से चढ़ के तोड़ूंगा ऊपर। ही आ गया क्या, एक हो गया। अरे 2 स्टिक जला दिया क्या 1 आयरन को? मेरे को लगा एक में काम हो जाएगा। शेयर्स लेट्स गो, यही करना था, शेयर्स ही बनाने थे। अब देखते हैं नेक्स्ट कैसा होने वाला है, हार्ड होगा ईजी होगा, बट हाँ। अरे फ्री फायर चैलेंज कौन कर रहा है भाई? ये मत करो भाई, ये वाला सुपर चैलेंज मत करो। लेट्स गो, शेयर्स आ चुका है और देखो इसको तोड़ना है। अरे वाओ, आराम से नीचे मत गिरना भाई, बस आराम से मेरे पास ही आना, मेरी पॉकेट में। ये सारा तोड़ो, पॉकेट नहीं मतलब इन्वेंट्री में। आजा। अरे जा रहा है नीचे यार, वो 1 लीफ चला गया नीचे भाई। छी, मैं कूद के उसको लेकर आऊँ, इसकी भैंस की। इधर आ। अरे लेवल भाई, यहाँ कैसे आ गया मैं? कुछ शेयर चाहिए था। वो लेवल 5 मेरा शुरू से चलेगा क्या अब? यार ये गलत हुआ मेरे साथ। कौन सा था लेवल 5? ये है लेवल 6, ये है लेवल 5। ठीक है यार, वो मेरे को वापस कंटिन्यू करा दो। हुआ क्या? ओ ये मस्त था भाई, वहीं से कंटिन्यू हुआ है। और मेरे पास मेरा ये लीव्स आ गया मेरा, देख रहे भाई। इतनी कंजूसी चाहिए, ये एक चीज़ नहीं मिस करनी। यहाँ से भी ढेर सारा कलेक्ट कर लेता हूँ, सारा मेरे पास ही आना चाहिए। पहले ना साइड के कलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे गिरने का ही टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। और इतना भी क्यों माइन करना है, ऑलरेडी 20 हो चुका है मेरे पास, 27 हो गया, बस बहुत है। खाली पीली एक के लिए मैं रो रहा हूँ वहाँ जाके। और ये तो वैसे भी इतनी आगे से कंटिन्यू होने वाला है, तो हो गया समझने वाला। लेवल भी ईजी था, अब बस नेक्स्ट वाले करने हैं फुल स्पीड में। जल्दी से चलते पहले पीछे वाली साइड पे, और ये वाले तरीके से काफ़ी फास्ट जा रहे हैं हम लोग। या ओ अबे यार, ये ज़्यादा फास्ट जाने के चक्कर में। ये लेवल 3 है, 5 पे जाना भाई। कितने सारे आज एंड करेंगे इसको भाई, पूरा एंड करके बंद करेंगे। बट मैं इतनी आसानी से बोल रहा हूँ, शायद इतना आसान होगा नहीं। ओए वो चले जाता नीचे में। देन तो भाग के चलते हैं दूसरी साइड पे। बीच में एक चेस्ट पड़ा है यार, ये चेस्ट का क्या सीन है? ये पक्का नेक्स्ट लेवल में इसका कुछ तो रोल है। अरे हटोए भैंस की, निकल यहाँ से। ये क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पर आके चीज़ें काम करना बंद हो जाती है। ये क्या है? ये बोनस है क्या? इतना तो मेरी इन्वेंट्री में जगह नहीं है। ये बेमतलब मत दो यार, काम आना चाहिए, बाद में छीनना मत मेरे से। मैं जा रहा हूँ, कुछ नीचे से लेके तो नहीं आना ना। बीकन दिखना कितने सारे लगे हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, कंस्ट्रक्शन यार्ड। ओह हट, अबे दिया ही क्यों था भाई, सब कुछ हटा दिया यार। तो यहाँ पर भाई कितने प्यारे लग रहे थे सारे पिस्टन एक साथ रखे हुए। तो ठीक है, अभी सोचते हैं इस लेवल में क्या करना है। यहाँ पर कारपेट्स हैं और ये कारपेट हमारी स्किन से मैच कर रहे हैं बट हाँ इन कारपेट का यू, इसके नीचे कुछ है, ग्रेवल है, ग्रेवल गिर मत जाना भाई प्लीज। नीचे क्या क्या नहीं आया, ये आ गया, कैक्टस है, कैक्टस पे अरे 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 रुक रुक जा भाई, तेरी ऐसी की तैसी इधर आ, इन्वेंट्री में आ मेरी, तू भी आ। तो चार अपने पास कैक्टस हो गए, तो मतलब चार पाँच कैक्टस हो गए, दूसरा वाला 3 हाइट का था। और यहाँ पर सैंड है, पानी है, कॉरल्स है और स्टिक है, स्टिक मिल गई। और इसके अंदर कुछ है क्या, इसके अंदर भी 6 स्टिक है और इसके अंदर कॉबलस्टोन है और बनगी पिकैक्स, बस पिकैक्स नहीं, मेरे को शवल बनानी चाहिए। तो यहाँ पर ये रखता हूँ एक शवल बनाकर, पहले तो ये सारा निकाल लेता हूँ मैं, जितना भी है डर्ट वर्ट सैंड वैंड सारा का सारा चाहिए होगा मेरे को फटाफट से। अरे अरे ओ भाई एक मिनट इसके, रुको तुम, पानी की वजह से ना ये धीरे धीरे टूटती हैं चीज़ें, तो पहले पानी के इधर का जितना भी है सारा उखाड़ लेता हूँ। नीचे बहुत सारा बेडरॉक है, इसको भी तोड़ लेते हैं हम लोग अपने मजबूत हाथों से टूटता ही नहीं है बेडरॉक। वैसे बेडरॉक तोड़ने के भी तरीके होते हैं, जिन्होंने हमारी सर्वाइवल सीरीज देखी उन्हें पता होंगे, बट बेडरॉक कलेक्ट नहीं होता तो फिर फ़ायदा नहीं है कोई। तो फटाफट से तोड़ता हूँ, और वैसे भी इसमें कौन सा टूटने वाला है, इतनी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सी होती है, TNT वगैरह सब कुछ। अरे ओए पानी पानी पानी, आराम से भाई। यहाँ पर ये ले लेता हूँ, कितना हो गया, अबे क्या कर रहा हूँ मैं, इतने ब्लॉक्स का क्या चार डालूंगा, नहीं वेट चार छोड़ो, सैंड और ग्रेवल हवा में थोड़ी टिकेंगी। नहीं 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 कुछ तो सोचना है भाई इस लेवल में। क्राफ्टिंग टेबल दिया है, ओ समझ गया, मुझे इसे स्मेल्ट करना है, बट स्मेल्ट करने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए होंगी कुछ। कोल वोल दे दो यार 10-15, कोरल तो कलेक्ट ही नहीं होगी, कोरल पता नहीं किस लिए दे रखी है। ड्रॉपर क्या हो सकता है गाइज, मैं ग्लास बना सकता हूँ, मेरे को समझ तो आ रहा है। कारपेट का यूज़ है कुछ तो, कुछ आइडिया तो भाई, मेरे को वहाँ जाना है। मेरे पास बहुत सारा सैंड है, बहुत सारा ग्रेवल है, बट ये सारे ऐसे ब्लॉक हैं कि इनको सहारा चाहिए हवा में लगने के लिए। इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये मतलब ऐसे नीचे गिर जाएगा, देखो मान लो यहाँ पर मैंने इसे प्लेस करा है, नीचे गिर जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसे लगाने का। ऐसा क्या लगाऊँ कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, सोचो। सैंड स्टोन, अरे वेट, सैंड स्टोन तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर मैं बना दूँ सैंड स्टोन, ये अच्छा आइडिया था। 9 सैंड स्टोन बन गया है, और ग्रेवल से तो ऐसा कुछ बनने नहीं वाला। 3 और 9, मेरे पास टोटल 12 ब्लॉक्स हो चुके हैं, और 5 कैक्टस हैं, और कैक्टस के ऊपर मैं कारपेट लगा सकता हूँ, बट कोई वो नहीं है। क्या होगा यार ऐसा, ग्लास पेन, ओ थोड़ी बहुत तो मैं स्मेल्ट कर ही सकता हूँ ना, मेरे पास 8 स्टिक है, जितने स्मेल्ट हो सकते हैं एटलीस्ट उतना तो करूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं यार कितना ही कर। अरे रुको पहले सैंड निकालो सारा। अरे यार पानी, दिमाग मत खराब कर थोड़ी देर यार, मेरे को माइन करने थे भाई पानी यार हटेगा ही नहीं। रुको यहाँ से पहले थोड़ा बहुत ये निकाल लेता हूँ, मेरे हिसाब से ग्लास पे नहीं बनाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ से ढेर सारा सैंड ले लेता हूँ, एक ऊपर चढ़ के करना चाहिए यार, बहुत स्लो हो रहा है, यहाँ से करूँगा जल्दी हो जाए। ओए नीचे नहीं भाई, नीचे कैसे फेंक रहा है। ये हो गया, सारा सैंड आ चुका हमारे पास, और जितना भी ग्लास पेन बन सकता है, मतलब ग्लास बन सकता है, ग्लास बना लेता हूँ, और उस ग्लास से ग्लास पेन बना लूँगा। ठीक है, तो ये रहा अपना, इसके अंदर डाली 8 स्टिक, यहाँ पर डाल देता हूँ सैंड, और नहीं ग्लास पेन बनाऊँ या सैंड स्टोन तो ज़्यादा नहीं बनेंगे, ग्लास पेन ही बनाता हूँ मैं, जितना स्मेल्ट हो जाएगा उस हिसाब से। एक ग्लास पेन बनाने की रेसिपी क्या होती थी यार, मैं तो भूल ही गया, आएगी भी नहीं अभी, क्योंकि तो ग्लास लिया ही नहीं था ना अब तक, अब आ जाएगी शायद से, अब आ गई होगी ग्लास पेन की रेसिपी, बट एक से नहीं आएगी, और चाहिए होंगे क्या। नहीं ग्लास पेन की रेसिपी क्या होती है भाई, लाइन से 3 रखने होते हैं क्या, 2 से रख के देखो, 2 से तो नहीं बनता, 3 ही चाहिए होता है शायद से। आजा जल्दी से, एक ग्लास और आ जाए यार, और हो जाएगा अभी मेरे को ऐसा लग रहा है। 12 एंड 5, 17 ब्लॉक्स अपने पास ऑलरेडी हैं। ग्लास पेन ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ऐसे बनता था ग्लास पेन, नहीं अरे वाह, स्टिक्स ख़त्म भाई साहब, मैंने गलत बना लिया था। और कुछ है स्मेल्ट करने का भाई, तो कैक्टस से आग लगती है, मैंने इससे क्यों लगेगी। अरे कारपेट यार, क्या कर रहा हूँ मैं, कारपेट भी तो जलाने के काम आते हैं। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, मैं समझ गया। बट बहुत कम जलेंगे इससे मुझे मालूम है, बट फिर भी ठीक ठाक तो हमें ग्लास मिलने ही वाले हैं। इन ग्लास में 6 ग्लास, समझ गया समझ गया, उसकी तरह बनेगा ये, मतलब शायद प्रेशर प्लेट की तरह। ओके तो मेरे पास लेकिन 6 ग्लास कलेक्ट ही नहीं होंगे। हो जाएंगे। अरे नया वाला कारपेट भी गया और फाइनली 3 ग्लास। अरे हो जा, नहीं यार 1 ग्लास से हम लोग रह गए। फ्लिंट से आग लगती है क्या? नहीं यार, और क्या रहा? ग्रेवल से लग जा यार, लग जा इससे। नहीं यार वुड की होती तो लग जाती। इसके अंदर क्राफ्टिंग टेबल इसके अंदर क्राफ्टिंग टेबल भी तो लकड़ी की होती है, इससे तो आग लगनी चाहिए यार। रुक जाओ भाई प्लीज, जला दे यार, जला दे। ओ जल गई। क्राफ्टिंग टेबल मजबूत है, देख रहे हो कितनी मस्त आग लगी है। अभी तो और सैंड होती वो भी जलेगी, अभी तो 6 की जगह जाते। अबे रुको, क्लास पेन किससे बनाऊंगा लेकिन ये तो रीसेट करना पड़ेगा यार। क्राफ्टिंग टेबल तो खुशी खुशी जला दी मैंने, बाद में याद आया। रुक जाओ, मैं पहले वहां जाने का ट्राई करता हूँ। रुक जाओ ठीक है, क्योंकि होना चाहिए भाई, होएगा। 9 ब्लॉक्स यार लगा दिया। मेरे को तो डर ये लग रहा है कैक्टस के ऊपर कैसे भागूंगा मैं। ठीक है ये लग गया। मेरा कारपेट नीचे गिरा था क्या यार? वो सब ठीक है भाई। ये मस्त जलाई क्राफ्टिंग टेबल। 6 ग्लास हो गए अब, लेकिन ये किसी काम के नहीं है, मतलब लगाने के काम आएंगे शायद। पहुंच जाऊं मैं। ये स्कैम करा है मैंने अपने साथ ही, इतना खतरनाक वाला सोचा भी नहीं यार एक बार भी क्राफ्टिंग टेबल लगाने से पहले। सीधा ब्लॉक चाहिए तो ये हाथ क्या हो गया मेरे। ठीक है 5 ब्लॉक, किसी कीमत पे नहीं पहुँचूंगा यार वहाँ। और ये कैक्टस लगेंगे क्यों? सैंड के ऊपर लगते हैं। ये क्या कर रहा हूँ मैं? रीसेट। अरे इनको भी तो लेके चल सकता हूँ वैसे मैं, मैंने बनाया भी तो, लेकिन ये शवल है, हाथ से टूटेगा। एकदम मजबूत पत्थर है भाई ये। 2 ब्लॉक्स ये हो जाएंगे वैसे, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी थोड़ा सा मैं समझाऊँ, रीसेट करते हैं। थोड़ा सा महंगी बातचीत आने वाली है। अरे थोड़ा भाई आ गया। अरे क्या हो गया? हेलो, रीसेट क्यों नहीं हुआ ये? बैक टू हब नहीं, रीसेट करो और मेरे को स्टिक वापस दो। ये वाला मेरे को शायद से एक बार बैक टू हब जाकर आना होगा, कुछ तो बग हो गया। वापस से लेवल 6, यही था ना? लेवल 6 ही पे थे ना कंस्ट्रक्शन? यस यही था, तो शायद अभी सही चले। ये अब ठीक हो गया तो मेरे पास। अरे क्या हो गया भाई, एक ही आई है, ऐसा कैसे हो रहा है? कोई नहीं, सोच समझ के थोड़ा सा। पहले सैंड के ऊपर अगर मैं ये लगाऊं यार, इसका भी ना कुछ तो यूज़ है कैक्टस का, जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस मैप में उसे कैसे यूज़ करना है। ग्रेवल है, ग्रेवल फ्लिंट मेरे को मिला था लास्ट टाइम। ग्रेवल से मेरे को नहीं लगता कि ग्रेवल से क्या क्या हो सकता है यार। सैंडस्टोन के स्लैब्स बनाने चाहिए थे। समझ गया। ये अच्छा आइडिया दिया ना। फिलहाल पहले ना सैंड, रुक जा। अरे लग गई आराम से। ये लिया बस, ये कूद के वापस। पहले तो डालो भाई, स्टिक्स डली भी है ना यहाँ पर। मैंने लास्ट टाइम, एक सेकेंड, अबे मैंने लास्ट टाइम शवल कैसे बनाई थी? इसमें थे कोबलस्टोन ना, इसमें ये रे वही मैं सोच रहा था। लास्ट टाइम मैंने शवल बनाया कैसे ले, तो अभी मैं शवल और पिकेक्स दोनों बनाऊँ। पिकेक्स का क्या यूज़ था? मैं पिकेक्स क्यों बनाने जा रहा था? मैंने कुछ तो सोचा था, पिकेक्स पता नहीं मेरे माइंड में। अच्छा पिकैक्स से मैं ये 2 ब्लॉक्स तोड़ सकता था, बट इन 2 ब्लॉक्स को करेक्ट करने के लिए मेरे को 3 कॉबलस्टोन बर्बाद करने पड़ेंगे, तो पिकैक्स तो किसी काम की नहीं है। इससे बढ़िया कि ये लगाते हैं और एक शवल बना लेता हूँ दोबारा से। वैसे ज़रूरत तो शवल की भी नहीं है, हैंड से भी टूट सकता है, बट टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैं इसी से तोड़ने वाला हूँ। ये तो मतलब बनाना ही है, ये एक बेसिक है। और ग्रेवल मेरे को नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मैं इस बारी ग्रेवल नहीं कलेक्ट करूँगा। सच में कोई आइडिया नहीं ग्रेवल का क्या यूज़ होने वाला है यहाँ पर। शायद से वैसी मस्ती के लिए रख दिया बंदे ने, छुपाने के लिए थोड़े बहुत ब्लॉक। ये देख रहे हो, मतलब अगर मैं नहीं कलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो अभी मेरे को तोड़नी पड़ रही है, क्योंकि माल उसी के पीछे पड़ा हुआ सारा का सारा। तो अभी स्टिक है मेरे पास, इस स्टिक से मैं ग्लास पेन बनाऊं, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ अगर बनाऊंगा तो फ़ायदा नहीं है शायद। और क्राफ्टिंग टेबल नहीं तोड़नी, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी का रखना है। तो ये मेरे पास 2-3 कोबलस्टोन है, इनके भी स्लैब्स बन जाएंगे, तो 6 ब्लॉक तो यही हो गए। और हमेशा ये चीज़ का याद रखना है कि स्लैब्स में मैक्सिमम बनाऊँ। पहले जितने भी ग्लास बन पा रहे हैं ना, पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं सबसे ज़्यादा, फिर बाकी चीज़ को। अरे यार पानी को सुखा देता हूँ, रुको। ये ग्रेवल इसीलिए मिली है ताकि हम लोग पहले पानी सुखा दें यहाँ का। उसके बाद इसे पानी ने सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा भाई। एक वाटर बकेट बन जाती है, भी पार हो जाता है, साइड से लटक लटक के चले जाता पानी लगा लगा के। आराम आराम से लेते हैं। आ गया ढेर सारा सैंड। कैक्टस कैसे लगाऊंगा यार, मेरे को लग रहा है कैक्टस ना लगना है कहीं, तो किस तरीके से कैसे ये समझना है बस हमें। तो कितना आया ग्लास, 2 ग्लास, ये लो ये भी रखो और 2 ग्लास मैं ले लेता हूँ। सैंड अपने पास सारा कलेक्ट हो गया, कैक्टस हो गया, क्योंकि कैक्टस को लगाने के लिए सैंड चाहिए होगा और सैंड भी हवा में लगने नहीं वाला, उसको भी कोई ब्लॉक चाहिए ही चाहिए। तो ये ले लेता हूँ और वहाँ पर कुछ यूज़ होगा कैक्टस का शायद से। ठीक है, इसके अंदर ये डाल देता हूँ और मेरे हिसाब से इस बार भी नहीं होगा, ये नहीं होने वाला। सैंडस्टोन बनाकर शायद से अपना काम हो, बट किसके अंदर कितने हैं, 1 ही ग्लास तो आएगा ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि 6 ग्लास नहीं हो पाएंगे। मैंने लास्ट टाइम इससे ज़्यादा कैसे करा था, मैंने क्राफ्टिंग टेबल डाल दी थी क्या? हाँ क्राफ्टिंग टेबल तो डाली थी, बट फिर भी 5 मैंने नॉर्मली कर लिए थे कुछ। तो इस बार अच्छा, इस बार स्टिक कम मिली है ना, पिछली बार स्टिक भी तो 4 मिल गई थी। तो ठीक है, मेरे हिसाब से अब यही लास्ट ऑप्शन बचा है कि ओ सॉरी हाँ यही लास्ट ऑप्शन है कि सैंडस्टोन बनाओ, सैंडस्टोन के स्लैब्स बना दो। और अरे भाई 24 हो चुके हैं, 24 तो यही हो गए भाई साहब, यही करना था हमें। चलो फाइनली लेवल क्लियर हो गया भाई ये वाला। सच में इसमें इतना टाइम लगा दिया, पिछले के 2 लेवल में इतना टाइम नहीं लगाया था जितना टाइम इस अकेले इस वाले लेवल में हमने लगा दिया। ठीक है, कॉन्क्रीट कैक्टस हवा में लग जाएगा ऐसे, अच्छा ऐसे करके लगेगा ना, बट उसके लिए सैंड भी तो चाहिए होगा ना यार। समझा नहीं मैं आप क्या कहना चाह रहे हो। कैक्टस हवा में तो फिलहाल अभी तो पहुंच गए, अभी तो चाहिए ही नहीं इस वाले लेवल के लिए। नेक्स्ट के लिए रेडी रहो, अभी यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, बस यही करना था मेरे को। और ये 3 ब्लॉक, अरे रुको रुको रुको, पहले इस साइड चलता हूँ और यहाँ पर 1 ब्लॉक लगा के ऊपर। लेट्स गो, फाइनली लेवल 6 पे बहुत टाइम लगा दिया भाई। और वेट, लेवल हार्ड होते जा रहे हैं थोड़े बहुत। और इस बारी कैल्प है मेरे पास, स्मोकर है मेरे पास, पक्का मुझे इन कैल्प को स्मेल्ट करके कैल्प ब्लॉक बनाने हैं। क्राफ्टिंग टेबल भी दे रखा है, साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड का कुछ तो यूज़ है, सोचना पड़ेगा। साइन बोर्ड हवा में तो नहीं लगते, देखना पड़ेगा साइन बोर्ड किस लिए। बाकी कैल्प है ढेर सारा, इन कैल्प को मैं फटाफट से नीचे से तोड़ देता हूँ जितना भी है, सारा का सारा। नीचे सैंड भी है, मेरे को शायद से सैंड भी यूज़ करना है, मेरे को लग तो ऐसा रहा है कि हाँ सैंड शायद से मुझे यूज़ करना है। अरे टूट जा भाई, बहुत टाइम ले रहा है। तो पहले सारा ये कैल्प लाओ, कैल्प डिस्पॉन नहीं होना चाहिए। अरे बंदा डिस्पॉन हो जाएगा, रुको पहले बाहर आ जाता हूँ मैं। ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, इस क्राफ्टिंग टेबल में बाद में जाएंगे, पहले स्मोकर के अंदर फिशिंग रोड, ये क्यों दिया है? ठीक है, तुम कुछ करो क्या, कुछ मिलेगा? ऐसा नहीं होता यार। मेरे को फिशिंग का मेरे सबसे मेरे को नहीं आइडिया क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्या मैं किसी को खींचने का काम आएगा? कोई है तो नहीं, लेकिन इधर सैंड खींच लूँ ऊपर। उनको थोड़ा ना यार ऐसा करना कि बाहर निकल के मैं इसे तोड़ूँ तो जल्दी जल्दी टूटेगा। अगर मैं इसे यहाँ पर खड़े होकर तोड़ूँ, अरे रुको ग्लास टूटेगा, ग्लास टूट जाएगा बट कलेक्ट नहीं होगा। अरे रुको रुको रुको, साइन बोर्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है साइन बोर्ड का यूज़ तो है, मतलब शायद से ना लिमिटेड यहाँ पर। अरे उसमें भी तो लगाना है मेरे को कैल्प, जल्दी जल्दी होगा ना। ओ शवल है भाई साहब, पहले ना सारी चेकिंग करनी है हर बार, हर मैप में पहले आकर ना सारा एरिया चेक करना है, उसके बाद काम करना है, स्टार्ट करना है। मैं सीधा ही शुरू हो जाता हूँ चीज़ें बनाना। तो कैल्प इकट्ठा हो जाएगा, कैल्प ब्लॉक बन जाएंगे, साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड सारे के सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। फिशिंग रोड का क्या यूज़ लग रहा है गाइस, एक बार मेरे को चैट में बताओ, मेरे को फिशिंग रोड का नहीं समझ आया इस वाले मैप में क्या हो सकता है। यूज साइन बोर्ड इन साइड ऑफ ब्लॉक एंड स्किप अ ब्लॉक। ओ समझ गया, हाँ ये अच्छा आइडिया है। मतलब आइडिया नहीं, मेरे हिसाब से ये करना ही करना है। मतलब साइन बोर्ड लगाकर हम लोग, साइन बोर्ड भी एक ब्लॉक की तरह काम कर जाएगा, मतलब हवा में एक स्पेस से ज़्यादा जंप मार लेंगे हम लोग। साइन बोर्ड बीच में स्किप करा देगा एक ब्लॉक को, ठीक है मैं समझ गया। बट स्किप करा के, हाँ समझ गया करना क्या है वो मेरे को आइडिया लग चुका है। और इसमें ना पता सैंड का भी कुछ तो यूज़ है। यहीं ऊपर से माइन करता हूँ, जल्दी टूटेगी, आराम से एक ही बार में नीचे आके कलेक्ट कर लूँगा। अरे यार इतने लेवल पे कैसे मेंटेन रह के माइन करूँ मेरे को इस भाई, वेट नीचे ही चल के करना पड़ेगा आराम से। थोड़ा बोरिंग हो जाता है यार पानी के अंदर आकर ये सारी चीज़ें तोड़ना, देखना कैसा अजीब सा लग रहा है। रुको एक काम करता हूँ, एक साइड की अगर मैं हनी सुखा दूँ, लेकिन ये तब भी भर जाएगा ना, ये पूरा इन्फानाइट बना पड़ा है। पानी तो रुकने नहीं वाला, दरवाज़ा बनाना पड़ेगा यहाँ पर। एट हो जा, यहाँ से चल के माइन करूँगा ना तो जल्दी टूटेगा। हो जा, तो कैसे किस्तों में टूट रहा है भाई ये। जल्दी जल्दी हो भाई। हाँ कुछ इस तरीके से। अब मैं समझ जाता तेज कैसे करना, पहले ऊपर आके फिर ऐसे नीचे जाते जाते दबा के रखना, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे जाते जाते। मतलब बोरिंग तो नहीं है, एटलीस्ट तेज टूट रहे हैं थोड़ा। मतलब एक टास्क हो गया सैंड तोड़ना भी हो जा। पता नहीं कितनी सैंड यहाँ से मिली है। सैंड स्टोन तो नहीं बनाना है इस सैंड का, मेरे को इतना तो पता लग रहा है। क्या लगता है सैंड स्टोन बना के स्लैब बनाने चाहिए या फिर साइन बोर्ड के ऊपर सैंड लग जाएगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्राई करूँ साइन, मान लो ये साइन बोर्ड है, इस साइन बोर्ड को अगर मैं यहाँ लगा दूँ ठीक है, तो क्या इसके ऊपर सैंड लगेगी? वो लग गई लग गई लग गई लग गई लग गई। देखो साइन बोर्ड के ऊपर सैंड लगती है, तो ये एक तरीके से अपने लिए एक्स्ट्रा ब्लॉक है। क्या लगता है गाइस कैसे करना चाहिए? मेरे पास ब्लॉक्स काफ़ी सारे कलेक्ट हो चुके हैं, बट पहले तो मैं कैल्प बना लेता हूँ। मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। स्मोकर ने इस ये वाले ने तो सारा ही कर दिया, थोड़ा सा आधा काम इसको भी दे भाई, उन्होंने ज़्यादा ही लोड ले रखा है। ये ले ले। तो कैल्प ब्लॉक बन गए हैं अपने पास, टोटल 7 कैल्प ब्लॉक हैं और 7 कैल्प ब्लॉक और 12 साइन बोर्ड, 21 सैंड। हाँ फिशिंग रोड का लेकिन यूज़ अभी तक नहीं समझ आया। सैंड स्टोन के स्लैब बनाओ, सब लोग सैंड स्टोन के स्लैब बनाने के। ग्लास पेन स्मोकर से थोड़ी बन जाएंगे ग्लास पेन, फैंस की कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? स्मोकर थोड़ी बनाएगा भाई, कुछ भी हो जाए। मेरे हिसाब से तो नहीं बनाने, मैं स्मोकर उठा के फेंक दूंगा अगर उसने ग्लास पेन बना दिए, ग्लास बना दिया तो। नहीं बनाया, ये नहीं बना पाएगा यार। मतलब फर्नेस या फिर ब्लास्ट फर्नेस से ही होएगा। फिलहाल यहाँ पर आ चुका है ढेर सारा कैल्प, फाइनली 18 कैल्प और आ गया भाई। तू और दे दे 3। वैसे 3 का करूँगा क्या मैं? ब्लॉक तो अभी भी 2 ही बनने हैं इनसे। डन, तो और आ चुके हैं 2। अब चलना है, स्टार्ट करना है, बट अभी भी मैं थोड़ा बहुत डाउट में हूँ। क्राफ्टिंग टेबल आके ले लूँगा अगर कम पड़े ब्लॉक तो। मान के चलो पहले मैंने यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाया ठीक है, लगा दिया। इस साइन बोर्ड के ऊपर यार अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, स्लैब बनाऊँ या नहीं। नहीं, रिस्क लिया जाएगा। सैंड लगा दी, एक ये लगाया, फिर यहाँ पर ये लगाया और फिर यहाँ पर एक सैंड लगा दूँ। लग जा, लग गई। ये शायद ऐसे हो तो जाना चाहिए। पहले ना सैंड से ही जितना काम हो रहा है ना सारा कर देता हूँ। ये इधर पीछे से आकर लग गई। अभी मैं तो पहाड़ चढ़ जाऊंगा ऐसे। पता नहीं वहाँ पहुँचते ऊपर ना पहुँचे, ये लिमिट है यहाँ पर। वेट, जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ मेरे को लग तो रहा है मैं मस्त वाली गलती कर रहा हूँ कोई तो। मेरे को यहाँ पर ना नीचे उतरना, समझ गया। इस तरीके से जाऊँगा तो मैं हाइट भी नहीं बढ़ेगी। ढूंढ तो रहा हूँ तरीके, ऐसी बात नहीं है। ये लगाया, पता नहीं पहुँचूँगा बट देखी जाएगी। यहाँ पर लगाया एक ब्लॉक और आगे नीचे। भाई सच में लेवल अजीब से होते जा रहे हैं, कैसे अजीब अजीब ब्लॉक में। कैल्प भी लगाना पड़ रहा है तो सैंड भी मिल रहा है, और यहाँ पर लगेगा एक और कैल्प। मैं पहुँच जाऊँगा यार, इतने कम ब्लॉक यूज़ करके देख रहे हो मैं कहाँ तक आ गया, तो शायद से मैं वहाँ पर भी पहुँच जाऊँ। ये लगा देता हूँ मान लो, वेट, ये और इसके नीचे साइन बोर्ड लगाई हुआ है। भाई ये बड़ा अजीब लेवल हो रहा है। क्या लगता है गाइस, एक बार चैट में बताओ पहुँच सकता हूँ या फिर नहीं। सब लोग लिख रहे हैं यू कैन जंप। अच्छा, सैंड की जरूरत ही क्या है। हाँ ये भी आइडिया तुम्हारा अच्छा है। मैं खाली पीली सैंड को जबरदस्ती ना यूज में ला रहा हूँ। आया, अबे नहीं, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। वापस कलेक्ट होगा, मैं इसे तोड़ पाऊंगा? नहीं टूटेगा यार ये, अब नहीं पहुँच पाऊंगा मैं। ये गलती से प्लेस हो गया मेरे से, मैंने इसे करा ही नहीं था, मेरे को ये करना था। अब नहीं पहुँच पाऊंगा भाई, बट ठीक है। अरे ठीक है भाई, ठीक है कोई बात। मैं खाली पीली एक तो सैंड लगाता हुआ जा रहा था, मैं ज़बरदस्ती सैंड को यूज़ में ला रहा था। वैसे मेरे पास एक क्राफ्टिंग टेबल है एक्स्ट्रा, तो शायद एक कैल्प के जगह मैं क्राफ्टिंग टेबल यूज़ कर पाऊँ। ये लगाया कैल्प, यहाँ पे मारी जंप और उड़ रहा है भाई मेरा प्लेयर तो बिल्कुल ही आज फॉर्म में है फुल। ये गया इधर, अरे रुक जा, यहाँ पर, यहाँ पे और फिर यहाँ पे ठीक है। एक लगाया साइन बोर्ड, डन। यहाँ पर मेरे को क्राफ्टिंग टेबल लेकर आना चाहिए, आराम से भाग के चलता हूँ। ये ले लेता हूँ यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल। पता नहीं यार ये होने वाला है या फिर नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। स्मोकर आएगा क्या? आजा ओए। हाथ से तोड़ने पे स्मोकर नहीं कलेक्ट होता, मैं रिस्क ले लेता हूँ। चलो क्या पता आज हो जाए। और मैं, अरे यार रुको रुको रुको, अब हो गया लेवल हो गया। सैंडस्टोन स्लैब परफेक्ट, अभी हो जाना चाहिए। 3 स्लैब और नहीं, सैंड से थोड़ी बन जाएंगे। सोच रहा हूँ सैंडस्टोन कैसे बच गए 3। अभी हो जाना चाहिए, बाकी भाग के चल के ही देख के पता चलने वाला है। आराम से क्या हो गया आज, भैंस की इतना नकली सा पार्कोर नहीं हो रहा। मतलब खतरनाक चीज़ें खेलो ना, फिर इजी चीज़ मिस हो जाती है। टर्न यहाँ पे पहुँच गए। अब मेरे को लगाना है दोबारा से ये, और इसके आगे लगने वाला है स्लैब। अरे यार सिंपल था भाई ये तो, हली पीली में। मतलब हर लेवल है थोड़ा बहुत सोचने का ही सीन है सारा, सारे लेवल हो जाएंगे। एक और साइन बोर्ड लगेगा यहाँ पे, और इधर आएगा ये, और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं एकदम आगे तक। 3 स्लैब और लगाते। क्राफ्टिंग टेबल की भी जरूरत नहीं थी, फाइनली कर तो दिया भाई, एक ही बार में कर दिया। ऐसी बात नहीं है, दूसरा ट्राई नहीं करा तो। ओ ओ ओ, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है, बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस। क्या इसके अंदर नेदर राइट पिकेक्स तो नहीं है? ब्लैकस्टोन ब्लू आइस, ब्लैकस्टोन ब्लू आइस का मतलब इनफाइनाइट बेसॉल्ट फार्म क्या ये? लेकिन बायोम तो नेदर वाली थोड़ी है। कुछ तो है इधर ऐसा। चेन 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 कॉबलस्टोन, और कुछ छुपा तो नहीं रखा ना इधर? चेस्ट वेस्ट तो नहीं है? एंशिएंट डेब्रिस तो तोड़ नहीं पाऊंगा। ये क्रिम्सन है, इसको तोड़। अरे उससे कुछ होगा भी नहीं तोड़ने से। ये तोड़ूं? लैंटर्न है, प्लैंक्स है, ऊपर प्लैंक्स है। प्लैंक चाहिए मेरे को, तो ये प्लैंक ले लिया मान लो। 2 प्लैंक हो गए। कहाँ जा रहा है भाई? ये रहा लावा में मत चले जाइए। हो यहाँ पर कुछ है क्या लावा में? चेस्ट वेस्ट नहीं। क्या हो सकता है इस लेवल में? ब्लू आइस तो नहीं रखनी मेरे को। अबे इनफाइनाइट कॉबलस्टोन हाथ से माइन करना पड़ेगा ना, मान के चलो। मैं यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल ऑलरेडी है, यहाँ से अगर मैं 4 स्टिक बना लूँ और इसको तोड़ दूँ। नहीं, इसको तोड़ने से पहले ये रख दूँ। नहीं, मैं कुछ गड़बड़ करने वाला हूँ शायद, पता नहीं, ठीक भी हो सकता है। मान लो इसको तोड़ दो। कलेक्ट हो भाई प्लीज, जलियो मत। जला। ओ इनफाइनाइट जनरेट होगा अब ये, ठीक है भाई। बट ये कलेक्ट करने के लिए मेरे को यार पिकेक्स बनानी पड़ेगी ना। और 1 सेकेंड, ओ भाई ये मेरे को कैसे नहीं पता था। 1 सेकेंड हो गया गाइस, हो गया। अरे उसमें कैसे जा रहा है भाई? जल रहा है, जल जा रहा है यार, कलेक्ट ही नहीं हो रहा। मैं नीचे उतर के भी करने लग जाऊंगा। मैं हटियो नीचे, मेरे को नीचे लाओ भाई। अबे भाई ये लो, चल आजा। अरे 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 मजाक कर रहा था। ओए रुक जा, भैंस की मर जाऊंगा मैं तो। पानी। अरे भाई 1 सेकंड चल गया, ठंडा हो रहा है भाई। अरे यार निपट गया। भाई ये गलत बात है, तो कलेक्ट नहीं हो रहा था। ये तोड़ दूँ क्या? 1 सेकेंड, मैंने ना थोड़ा सा बनाया भी गलत। इधर खड़े हो जाऊँ तो मैं यार। कलेक्ट होना सारा अभी होगा शायद, एकदम चिपक के बैठा हूँ मैं। अब सारा कलेक्ट होने वाला है, ठीक है भाई। अगर नहीं भी हो रहा तो दूसरी साइड चले जाएगा, बट लावा में नहीं जाने वाला अभी कुछ भी। तो मेरे को टोटल 29 चाहिए थे, आई थिंक सारे हो जाएंगे। और मैं इससे बेसॉल्ट के स्लैब तो नहीं बनते शायद। हाँ, बेसॉल्ट के स्लैब नहीं बनते। और क्या करना चाहिए भाई? टेक्नो भाई जिंदाबाद। ये ढूंढ लिया ना तरीका। तो जाओ यार, लाइक कर दो यार। स्ट्रीम पर कितने लाइक हो गए? 66K लाइक यार, इतने सारे लोग दिख रहे हैं। 64K पीपल्स आर वाचिंग। और लाइक जितने देख रहे हो उन्होंने ही कर रखा, बट दूसरे फ़ोन होते हैं शायद, तो दबा दो। और चैनल पर जो भी नहीं हो सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल हाँ, बहुत सारे ब्लॉग्स आ गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं, और शायद इतने ब्लॉग्स में मैं दूसरी वाली साइड पे जा पाऊँगा। 28 लेट्स को। और कुछ नहीं करना था इसमें, स्लैब भी बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब हम यही ब्लॉक लगाकर वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मैं यार क्यों मजे में स्पीड रनिंग वो ट्राई कर रहा हूँ। आराम से चल लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा फोकस मार के। कोई नहीं, मैं नहीं अब तो मैं लेट के जाऊंगा बिल्कुल। ये देखो ये पीपीपी में कितना अजीब लगता है यार ये चीज। आजा। हो गया गाइस, पहुंच गए हम लोग दूसरी वाली साइड पे। बचे हैं क्या ब्लॉक? 1 2, ये हमारी जंप, और फाइनली ये वाला लेवल भी एक बार में कर दिया। लेवल 9, लेट्स गो। ओह इतने सारे कॉब्स। चल कर मैं नेदरराइट शॉर्ट स्कल तोड़ूंगा पहले। 2 तो ब्लॉक यही होगा। स्कल पे मेरे को हम लोग कूद सकते हैं, ये मेरे को पता है। और पक्का मेरे को कॉब तोड़ने तभी मेरे को शॉर्ट मिला है। अरे टूटोए इसको क्या होगा भाई आज? अरे ये बचा रहेगा टूटने से, ऐसा भी होता है। मैं तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? यहाँ खड़े होकर तोड़ पाऊंगा? अच्छा कुछ ऐसा है कि मैं इधर नेदरराइट मतलब इस वॉल के उधर खड़े होकर नहीं तोड़ सकता। चलो फिर ठीक है, यहाँ से तोड़ते हैं। ढेर सारी स्ट्रिंग्स मिल जाएगी, ढेर सारी स्ट्रिंग्स का यूज करके मैं वूल बना सकता हूँ, और थोड़ा बहुत वूल यहाँ पर पड़ा भी है, और शायद से ये हिंट के लिए है। डन, तो वूल हो गए बहुत सारे, और क्या होगा? चलकर है हमारे पास एक नीचे क्राफ्टिंग टेबल है ना, क्या पड़ा था? हाँ, 4 क्राफ्टिंग टेबल हैं, तो 4 क्राफ्टिंग टेबल के लिए ये पहले तोड़ ही देता हूँ ना क्राफ्टिंग टेबल सीधा। मेरे को लग नहीं रहा इनका यूज़ है। और नीचे कॉन्क्रीट भी है। पहले तो क्राफ्टिंग टेबल से ना जितना स्ट्रिंग है ये बना लेता हूँ। वूल कितना वूल आया? 7 हो गया ना टोटल। इधर भी यार बहुत सारा, पहले सारा तोड़ ही देते हैं। हो गया भाई, ये वाला लेवल भी हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कारपेट वूल से कारपेट का क्या करूँगा? कारपेट हवा में थोड़ी लग जाएंगे। ऐसे तो मत बोलो भाई, तुम तो नुकसान करा रहे हो। यहाँ पर नीचे लोड स्टोन भी है, बट लोड स्टोन तोड़ थोड़ी पाएंगे। मैं बस वूल ले लेता हूँ यार, वूल बहुत सारा हो जाएगा। कितना हो चुका है अभी? बस 10 to 9 हो गया, तो 10 बन जाएगा। ढेर सारी स्ट्रिंग भी तो आ चुकी है। कारपेट का लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, क्या पता सही हो सकता है। स्मेल्टिंग के लिए कुछ है क्या? करना ही क्यों है स्मेल्ट? मेरे को लग नहीं रहा कारपेट का यूज़ है। 4 ब्लॉक ये हो गए, 5 ये हो गया, और सारा मैंने स्ट्रिंग भी तोड़ लिया। पहले तो ये बना लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा और बन जाएंगे ब्लॉक। 19 हो गए। 2 स्कल भी हैं। रेल का तो कोई यूज़ नहीं, ये तोड़ लेता हूँ पहले। शलकर हो गया। 20 ब्लॉक्स, 22, 23, 24 ये हो गए। टूट जा भाई, क्राफ्टिंग टेबल से मजबूत कुछ नहीं होता भाई, इसके ऊपर ही होता है। इसको तोड़ूंगा पहले, तब तो टूटेगा नहीं। क्राफ्टिंग टेबल में टाइम लगता ही है। ठीक है, क्या लग रहा है यार अभी क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा बराबर ब्लॉक्स हैं। 19, 20, 22, 26 ब्लॉक हो रहे हैं। क्या जा पाऊंगा? मेरे को लग रहा है वो थोड़ी सी ना जगह आगे है, शायद से हम लोग कर सकते हैं। लगाना स्टार्ट करता हूँ वूल। ये तो कलेक्ट नहीं होगा कॉन्क्रीट की, हो जाएगा। हाथ से तोड़ने पे कलेक्ट होता है। हो जाए यार, ब्लू कॉन्क्रीट गायब हो गया, नहीं होगा वो कलेक्ट। चुपचाप से सीधे वूल लगा के आगे चलते हैं, देखते हैं लेवल पार हो पाता है या फिर नहीं। स्कल के आगे ब्लॉक लगाओ। ओ समझो, बट चीज़ तो वही है ना। स्कल तो मैं वैसे यूज़ कर ही लेता, वो तो मैं समझ गया था। ये तो मेरे को पता था, इसका कोई वो नहीं है। ये 2 ब्लॉक की जगह यूज़ होना ही था वो। चल कर लगा देता हूँ, शायद से हम लोग पहुँच जाएंगे। 4 क्राफ्टिंग टेबल भी बची है ना अभी अपने पास। 1, 2, 3, 4 पहुँचा मैं? नहीं पहुँचा यार, पहुँच के भी रह गया हूँ मैं। अरे यार, पीछे से वूल तोड़ के ले आऊँ? आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ये तो इसका तेरी ऐसी की तसी। इधर आ जा। आई, आ गई ना? नहीं तो नीचे गए, चले के बगल में खड़े हो गए, तोड़ा। हो गया गाइस, हो गया, हो गया। ये पीछे से तोड़ के लाने वाला, पता नहीं चीट तो नहीं था ये, क्योंकि कुछ ही एरिया देखो मैं यहाँ पर नहीं तोड़ पा रहा। उस एरिया से शायद से मैं तोड़ सकता ही था, तभी वो टूटा। मेरे को एक और तोड़ना पड़ेगा क्या? ये तो एक एक्स्ट्रा ब्लॉक लगा के भी नहीं पार हुआ। ये टूटेगा, ये भी टूट जाएगा, और कलेक्ट हो जाएगी। और वापस नीचे आ जाऊंगा कूद के। तेरी कलेक्ट हो, वापस आया, आ गया यार। ये बड़ा गलत सीन है। चलो अभी लेवल क्लियर हो चुका है। ये वाला लेवल थोड़ा सा था डिफिकल्ट टाइप, बट नहीं भी था। और इस बार ही मेरे को जंप मार के जाना है इधर, और फाइनली हम लोग ने लेवल क्लियर कर लिया। पीछे से 2 वूल तोड़ के ही लानी थी शायद। और ये क्या है? जस्ट में एक पिकैक्स, और नीचे क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ पर आयरन के 2 ब्लॉक, और हमें जाना है वहां पे। क्या बात कर रहे हो भाई, पीछे कुछ छुपा तो नहीं रखा? ये लेवल तो क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा किसी कीमत पे होगा। आयरन के 2 ब्लॉक्स से 18 आयरन इंगेट्स मेरे को मिल जाएंगे, बट उसका क्या बनेगा यार? ये तो सच में सोच में डाल देने वाला लेवल आ गया भाई। या तो ये बहुत सिंपल ही होगा। एंड पल तो नहीं पड़ी कहीं यार? कुछ तो है इस लेवल में अलग। पिकैक्स मेरे को आते ही मिल गई है। ये वाला लेवल गाइस डिफिकल्ट है। थोड़ा सा आइडिया दो क्या करना है। मेरे को दूसरी साइड जाना है, और मेरे पास सिर्फ एक चेस्ट है, मेरे पास 2 आयरन के ब्लॉक्स हैं, क्राफ्टिंग टेबल है, चेस्ट पूरी खाली है, चेस्ट में पिकैक्स थी जो कि मैंने ले ली, और यहाँ पर एक ग्लास है येलो कलर का और चेन है। आयरन इंगेट्स ही आ रहे हैं मेरे माइंड में आयरन से। चेन, ओहो हिंट के लिए चेन लगाई थी भाई साहब, बंदे खतरनाक तो हो भाई तुम सब। चेन मैंने सोचा ही ना। वेट मेरे को यार ये तोड़ना है, बट चेस्ट हटा दूंगा, मेरे को उस साइड जाना है तो यार नीचे ना गिर जाए, नीचे मत गिर जाएगा, जाएगा तो पक्का। मैं आ रहा हूँ नीचे लेने आ रहा हूँ, रुक जा 2 मिनट में कूद के आऊँगा। ये भी क्या यार अलग 2 बार जाना पड़ेगा, पहले इसके लिए एक बारी, एक आया ना हाँ, दूसरे वाले के लिए दोबारा से नीचे। ये इधर है, आजा, आ गया। चलो 2 हो चुके हैं मेरे पास और इससे मैं बना लेता हूँ ये। और भाई इस चीज़ पे कोई हंसेगा नहीं, मैं चेन का रेसिपी भूल गया हूँ। ये होता है नहीं, मैं पहले खुद से सोच के बनाऊँगा चेन का रेसिपी। ये नहीं, ये होता होगा पक्का, पक्का ये है नहीं, ये 2 पे नहीं। यार चेन का रेसिपी क्या होता है? नेगेट से बनता है क्या? कुछ लोग लिख लें आयरन बार या ट्रैपडोर। आयरन बार नहीं, आयरन बार तो नहीं है, तो चेन ही पक्का, चेन ही लेना है। मैं चेन का रेसिपी भूल रखा हूँ। अच्छा थोड़े बहुत 2 नगेट्स से ही होते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़े थोड़े करके बनाने वाला हूँ क्योंकि देखो वैसे ना पहले 2 ही को कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, इससे ही बहुत सारे आ जाएंगे। और इसको मैं रखवाता हूँ यहाँ पे, ये रखे ऊपर, ये रखे नीचे। ये बन गया टोटल 9 चेन एंड अभी 9 नगेट्स और ले लेता हूँ नीचे ऊपर। ये भी बन गए काफ़ी सारी चेन, 13 चेन हो गई है। और अब और तो बन नहीं पाएगी, नहीं एक और बन जाएगी शायद से, क्योंकि ये आ जाएगा और ये बीच में जाएगा, ये ऊपर, ये नीचे, एक चेन और आ गई। बाकी ये नगेट से वापस ब्लॉक तो बनने नहीं वाला, ये वेस्ट ही है। तो 14 चैंस मेरे पास हो चुकी है और ये लेवल कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसमें 27 ब्लॉक चाहिए मेरे को वहाँ तक पहुँचने के लिए। क्या करें, पीछे का तोड़ के ले आऊँगा 2 मान लो। आयरन बार ही करना है क्या? मेरे को लग रहा है सब लोग आयरन बार लिख रहे हैं। आयरन बार का रेसिपी क्या होता है? 16 बन जाएंगे सीधा, वो भी अरे यही करना है, 6 में सीधा 16 बन रहे हैं। रीसेट हो गया, हो गया होगा। आयरन बार था। अरे चेन लगी हुई थी उधर भी, पीछे लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है, तो मेरे को लगा ये हिंट के लिए है। ठीक है ठीक है भाई, आयरन बार वाले जीत गए। चेन वाला आइडिया अच्छा था लेकिन मैंने सच में सोचा नहीं था चेन बनेगा। और यार मेरे को वापस नीचे जाने का मन नहीं है, भैंस की चेस्ट तोड़ के मैं इसके ऊपर जाऊँगा। बट तू निकल, इसका कोई काम वाम तो है नहीं चेस्ट का, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एक बार आयरन बार बन गए तो हम लोग वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। और एक चेन, और भाई वो चेस्ट देखो कितनी बदतमीज है, ऊपर ही बैठी हुई है। मैं सोच रहा था इसको नीचे फेंक दूंगा, तो यहाँ से भाग के जाना पहले इसके ऊपर। ये तोड़ा, अब हो जाएगा गाइस अपना काम, आयरन बारी करना था। ये आ गया, अब मैं बना लेता हूँ इससे ये, और ये बन गए ढेर, अरे वेट, ये बन जाएंगे ढेर सारे आयरन बार। भाई 48 आयरन बार आ गए भाई, जीत गए भाई। आयरन बार एकदम सही था, टेढ़े मेढ़े भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं। अभी फुल स्पीड में लेवल क्लियर होने वाला है, सबसे मेन चीज़ यही थी और हमने वो भी कंप्लीट कर दी। अभी शायद से हम लोग आधा मैप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। एक बारी बाहर चल के देखता हूँ टोटल कितने लेवल है और कितने लेवल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। क्या खतरनाक था भाई, ये सोचने में मजबूर करने वाला था थोड़ा सा। मतलब अगर मैं चैट नहीं देखता शायद थोड़ा सा टाइम लगता आयरन बार तक पहुँचने में, बट फिर भी हो गया लेवल। नेक्स्ट लेवल होने वाली है वेयर इज द लिमिट। ओह, यहाँ पर हमें बैम्बूज मिले हैं, कुछ बैम्बूज से स्कार्फ फोल्डिंग बन सकता है। और हाँ मेनली तो स्कार्फ फोल्डिंग ही बनेगा, इसके अलावा क्या ही बनाएंगे। नीचे कुछ है, ये ब्लॉक्स भी कलेक्ट होएगा, बैम्बू भी कलेक्ट, बैम्बू 2 कलेक्ट हुआ है बस। वाह 2 ही है क्या? 1 2 सबसे ऊपर वाले को नहीं गिनते क्या? मैंने कभी ट्राई तो करा नहीं। गिनते हैं, गिनते जितने दिख रहे हैं उतने कलेक्ट होंगे। तो बैम्बू अभी भर भर के आ रहा है, सारा तोड़ लेता हूँ। बैम्बू नीचे नहीं जाना चाहिए यार, प्लीज़ नीचे मत आओ। क्या हो रहा है? शायद सारा ही कलेक्ट हो रहा है। नहीं ऊपर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ले लेता हूँ भाई, ये काम आएगी। ये सेम उसी की तरह यूज़ कर लेंगे हम लोग, साइन बोर्ड की तरह। तो ये वाला लेवल हो गया। स्कार्फ फोल्डिंग ही बनानी है क्योंकि स्कार्फ फोल्डिंग क्यों नहीं, हाँ स्कार्फ फोल्डिंग। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसको ऐसे लगा के इसके ऊपर बैम्बू लगाऊँ, नहीं बैम्बू ऐसे नहीं लगेगा। मैं स्कार्फ फोल्डिंग का रेसिपी हमेशा ही हो गया भाई, सारी रेसिपी भूल रहा हूँ मैं। एरी स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग मेरे को मिल गया है और 6 बन जाएगी इससे। 2 स्ट्रिंग मिला है, यानी मैं टोटल 12 बनाने वाला हूँ। 12 स्कार्फ फोल्डिंग हो गई। इस बैम्बू से और स्ट्रिंग है क्या कहीं छुपा छुपू के रखी हो? लग तो नहीं रही देखने में। ये रही है बहुत सारी स्ट्रिंग है यहाँ पर दिख रही। ये रही एक और है, नहीं ठीक है, तो दो और बन जाएगी और शायद से अपना काम हो गया, इतने में हो जाएगा। टोटल 18 हो चुकी है और 9 मेरे पास डॉट है कंप्लीट भाई लेवल। ये तो बहुत तेज भक्के जाने वाला है। ये लगाऊंगा मैं यहाँ, नहीं इसके ऊपर लगेगी ये यूँ और आगे की तरफ में जाते। अरे नहीं, वेस्ट कर दी मैंने एक, मतलब मेरे को आगे एक डर्ट लगानी चाहिए थी पहले चल के और इसको आराम से प्लेस करना है मेरे को। यहाँ पे ये लगा डर्ट और दोबारा से ये लगा के फुल स्पीड में आगे। 7 ब्लॉक्स लगते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार 7th नीचे गिर जाता, सॉरी, बट फिर भी अपने पास 8 डर्ट है तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ, अरे यार नीचे गिर गया मैं, हो जाएगा यार ये लेवल, उतना हार्ड नहीं था। और मेरे पास एक स्ट्रिंग और बचा हुआ है तो वो स्ट्रिंग मैं यहाँ पर लगा कर, अरे इधर नहीं आगे स्ट्रिंग लगाना है। इस पर क्राउच नहीं कर सकता, नीचे चलने जाने लग जाऊंगा मैं। तो एक स्ट्रिंग यहाँ पर लगा कर मैं एक ब्लॉक और आगे जा सकता हूँ। अरे नहीं जा सकता। कुछ और तरीके से लगानी होगी। उसके ऊपर ब्लॉक लग जाएगा बट उस पर नहीं लगेगा, तो हटा ही देता हूँ इसको मैं। इसके आगे ही लगाते हैं डर्ट आराम से एक, और अभी क्राउच करके पहले वहीं तक चलते हैं। शायद से हो नहीं हुआ यार ये लेवल, बहुत पीछे हूँ भी मैं। ये देखो कितना दूर है। नहीं मैंने गड़बड़ कर दी, शायद से 2 जो मैंने नीचे गिरा दिए ना वो मेरे को चाहिए रहेंगे तभी होता। हाँ नहीं होगा, मेरे को नीचे कूदना पड़ेगा अभी, कुछ और ऑप्शन नहीं है। रीसेट करते से, हाँ करना तो इसी तरीके से था बट क्योंकि स्ट्रिंग दी है, बैम्बू दिया है, तो स्कार्फ फोल्डिंग तो बननी है। ठीक है, और भी इसमें कुछ होना है यूज़ का सब फीलिंग आ रही। अरे यार तो नीचे पहले चले जाए आ गया वापस। एक स्ट्रिंग कहाँ है? अरे म्यूज़िक चलाओ, म्यूज़िक बंद हो गया, काम स्लो हो गया थोड़ा, बढ़ा के डन। अब बताओ भाई मेरे को एक आइडिया दो यार। स्कार्फ फोल्डिंग, स्कार्फ फोल्डिंग तो बना ही रहे यार। दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ लेवल। पहले मेरे को तोड़ना है नीचे का सारा 9 ब्लॉक्स मेरे पास ये वाले आ जाएंगे। स्कार्फ फोल्डिंग भी ठीक ठाक बन गया था। शायद से वो जो 2 स्कार्फ फोल्डिंग मैंने नीचे गिराई है वो वाली मिस्टेक भी नहीं करनी, तभी ये लेवल कंप्लीट होने वाला है। क्राफ्टिंग टेबल पे पहले सारा का सारा ये रहा एक स्ट्रिंग, ये कलेक्ट कर लिया। स्कार्फ फोल्डिंग में रखा ये और ये बन गई 6 स्कार्फ फोल्डिंग। वेट 3 और बनेंगी ना, तो 24 स्कार्फ फोल्डिंग बन चुके हैं। अरे लास्ट टाइम मैंने कम बनाई थी ना, एक स्ट्रिंग मैंने यूज ही नहीं करी थी। अभी हो गया 5 6, बस ये नीचे नहीं गिरानी। मैं तुरंत ना एक डर्ट लगा के आगे बढ़ूंगा आराम से। बाहर आकर ये डर्ट लगाई और दोबारा से रखकर फिर आगे की तरफ में, बस वापस से ऊपर चल के एक और डर्ट लगानी है और फिर दोबारा से स्कार्फ फोल्डिंग। और शायद से गाइस इस बार हम सच में पहुंचने वाले, शायद से नहीं सचमुच में पहुंच ही जाएंगे। 6 बची और 7 डर्ट भी है, उल्टा बच जाएंगी। लास्ट टाइम सोचते सोचते कर रहे थे इसलिए टाइम लग गया, बट इस बारी पूरा लेवल कंप्लीट हो चुका है। बस 6 ये और लगानी है, डन। अब बस भाग के जंप मारी कंप्लीट। एक ही बार में स्टेक हुई बट दूसरी बार में निपटा दिया। क्ले हेरिंग, ओके क्ले का कुछ तो सीन है यहाँ पर। क्ले से हम लोग क्या बना सकते थे? पाउडर बनता है और पाउडर से कॉन्क्रीट। पानी होना चाहिए लेकिन उसके लिए सिल्क टच उसमें लगा हुआ है। शायद से इस सिल्क टच से हम लोग केक को एज इट इज कलेक्ट कर, अरे इसमें ही लगा था ना, केक कलेक्ट नहीं होगा। इसको हाथ से तोड़ दूंगा तो ये तो वेस्ट हो ही जाएगा। वैसे कि होगा नहीं यार, मैंने केक वेक नहीं कलेक्ट करा है ऐसे कभी, तो इसलिए एक सेकेंड मेरे को लग रहा है मैं केक वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ और भी पड़ा है क्या यहाँ पर? ब्लेज है बहुत सारा, क्ले पाउडर स्मेल्ट कर। यार केक का कोई यूज़ तो नहीं था, क्या लग रहा है गाइस आप एक बार चैट में बताओ। मेरे को पता नहीं क्या फील आ रही है, शायद से क्ले का कुछ यूज़ था, पता नहीं ऐसी क्या फील आ रही है। ओ क्ले का कह रहा हूँ सॉरी, अपने इस केक का यूज़ था। फिलहाल फ्लावर पॉट्स मिल चुके हैं और स्मेल्ट करने के लिए ये क्ले मिला है, तो क्ले को यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर भी डल जाएगा, ढेर सारा है इसके अंदर। और ये सिल्क टच क्यों मिला यार? वाह नीचे चला गया वो, तू मत नीचे जाइयो, कूद के आना पड़े भाई। सारे नीचे जा रहे हैं, ये देखना लगी बदतमीज़ है। कलेक्ट हो, यहाँ पे बैठ के करूँगा ना एकदम कॉर्नर में, शायद तभी होगा। नहीं हो रहा अभी भी, क्या करे यार। ब्रिक अच्छा समझ गया मैं। नॉर्मल ब्रिक्स बनाने हैं मेरे को क्ले से, बट कितने बन जाएंगे इससे? 21 बन जाएंगे वैसे, अच्छे खासे तो बन जाने चाहिए। 9 यहाँ से मिल गए। ब्रिक के स्लैब भी बनेंगे। वेट एक सेकेंड, ये बन गए ब्रिक्स। ब्रिक्स से स्लैब भी बनने वाले हैं, और ये थोड़े बहुत चीजल वाले हैं, इससे भी अपना काम होएगा। मान लो ये 3 ले लिए मैंने, 3 से स्लैब बना लिए, 6 ये हो गए। 2 मेरे पास ये भी हैं, जो कि अभी नहीं। फर्नेस भी ले सकता हूँ मैं, ये भी ठीक है यार। एक तो ये नीचे बड़े गलत कर रहे हैं। अरे वाह, कुछ कलेक्ट हुआ। 5 है मेरे पास ये, मान लो। चल के और उठाता हूँ, एक एक करके जाना पड़ेगा। ये आ गया 6, ये हमारी जंप। और वेट, इधर को जंप मारनी है। ये आ गया 7, और इस तरफ में 3। इधर तो दोनों सारे एक साथ आ जाएंगे। हो गया 10 हो गया सीधा 7 से। बस एक लास्ट बचा है, एक नहीं 2 है वो, तो ये भी मेरे पास हो गए 12 ब्लॉक्स एंड 6 स्लैब्स। तो यहाँ से ये ले लेता हूँ। 5 ब्रिक्स ये हो गए, 4 ये हो गए। हो गया यार, अपना काम हो गया शायद। ये तो बहुत सारे ब्लॉक हो गए। उल्टा ये लगाए, और यहाँ पर इन 3 से 12 स्लैब्स हो गए। 12, 12, 24। चेस्ट भी है मेरे पास, और 2 फ्लावर पॉट भी हो गया। और इतनी आगे से वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है शायद से। और अगर कुछ रहा भी तो मैं क्राफ्टिंग टेबल लेने वापस आ जाऊँगा। फिलहाल फटाफट से चलते हैं, ब्रिजिंग करते हुए। टर्न 3 स्लैब्स और लगाने हैं मेरे को। परफेक्ट। एक चेस्ट बाद में लगाऊँ, चेस्ट एकदम एंड में लगाऊंगा। अभी यही लगाता हूँ। चीजल से शायद से मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता इन्हें। तो यहाँ तक पहुँच तो गया हूँ मैं। 2 पॉट्स लग जाएंगे ये वाले। पॉट्स के ऊपर क्लाइंब होता है शायद से, हाँ होता है। ये एक और पॉट लग गया, और सामने एक चेस्ट। अरे नहीं जा पाएगी सामने। चेस्ट 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 लग जा, इधर लग जा। नहीं लगेगी यार, चेस्ट तो नहीं लगने वाली। लगी लगा दी। नहीं जा पाऊंगा लेकिन अभी भी सामने। एक ब्लॉक और चाहिए। फर्नेस ही तोड़ के ले आता हूँ, हो जाएगा। मान लो ये फर्नेस, इसमें से यार यही बन चुका होगा। फर्नेस को क्यों तोड़ना, यही बन गया। तो यहाँ से थोड़ा बहुत और कलेक्ट कर लेता हूँ। मेन तो ब्रिक्स थे, थोड़ा जल्दबाजी में जाने के चक्कर में पॉट वॉट सब कुछ लगा दिया, वरना ब्रिक्स से ही अपना काम हो गया था। 6 स्लैब और आ गए, और ये हो गया डन। चलो भाई, ये वाला लेवल भी कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा था इसमें, काफ़ी सारे अलग अलग ब्लॉक लगे। फ्लावर पॉट, चेस्ट, और अपने ये स्लैब्स भी लगी रहे हैं। 6 ये लग गए, और फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। डन। अब आ चुके हैं लेवल 13 पे। बट लेवल 13 पहले चल लेते हैं, लेवल 13, और इसके बाद एक बार ना चलते हैं हब पे। और दे, अरे अभी यहीं पहुँचा मैं तो सोच रहा था कम से कम आधा लेवल हो गया होगा टोटल इसमें। फिर तो 50 लेवल्स तो होंगे अगर 13 यहाँ तक है। हाँ भाई, सच में 50 लेवल्स इसके अंदर हैं भाई। ये तो बहुत बड़ा है। नहीं, अरे मैं उल्टा जा रहा हूँ वापस को। ये कौन सा है? लेवल 8, और इस तरफ में लेवल बटर। मैं कंप्लीट करने वाला हूँ कैसे? लेवल 10। हाँ, हम लोग उस एंड वाली साइड पे थे। मेरे को लग रहा था वो स्टार्ट वाली साइड है। तो हम थे लेवल कौन से पे थे? 13 पे। मेरे को याद नहीं हम लोग कौन से लेवल पे थे, बट इसके बाद शायद से 4 से 5 लेवल और बचे और गेम एंड है। मेरे को याद दिला यार कौन से लेवल में, भूल गया अचानक से। लेवल 11 था क्या? बैरियर्स द लिमिट। नहीं, ये तो नहीं था। लेवल 12 है। क्ले वाला भी नहीं था। लेवल 13 ही था मेरे हिसाब से। हाँ यही था। लेवल 13 ही था। यप, ये नहीं खेला। यहाँ पर स्नो है, स्नो और पिकैक्स नज़र आ रही है मेरे को यहाँ पर, एक साफ। तो आयरन इकट्ठा कर लेता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल नहीं है। अगर एक मैं शवल बना लूँ तो ये मैं सारा का सारा स्नो कलेक्ट कर सकता हूँ। वूल के नीचे स्ट्रिंग है। और भाई ये क्या था? ये तो स्कैम है। एक मिनट, आराम से लेना। वूल के नीचे स्ट्रिंग इसीलिए ताकि मतलब वूल कह रहा हूँ, कारपेट के नीचे स्ट्रिंग इसीलिए ताकि कारपेट हवा में टिके रहे। तो ये सारे के सारे कलेक्ट कर लेता हूँ, स्मेल्टिंग के काम आएंगे। और यहाँ पर कुछ स्टोन ब्रिक्स हैं। ढेर सारा स्नो है, उसके अंदर आयरन है, और पम्पकिन। क्राफ्टिंग टेबल होना चाहिए यार एक। छुपा के तो नहीं रखा। हटाऊँ क्या स्नो? वेस्ट हो जाएगा लेकिन यार स्नो हटाना भी। पूरी देर तेज कैसे टूट रहा हाथ से स्टोन ब्रिक्स। ये रहा क्राफ्टिंग टेबल पड़ा था यहाँ पे। पिकैक्स बनाओ या शवल चाहिए वैसे मेन। नहीं, पिकैक्स या तो कंफ्यूज करने के लिए। अगर मैं एक शवल ही बनाऊँ और उस शवल से सारी स्नोबॉल कलेक्ट कर लूँ। अरे समझ गया। मेरे को स्टोन ब्रिक्स भी तो कलेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो शायद से शवल एक मतलब ऐसे बस नहीं यार, इस वाले मैप में स्नो का मेरे को लग नहीं रहा कोई ज़्यादा यूज़ है। अगर मान लो इस स्नो से, एक तो इतने सारे ये स्ट्रिंग है कलेक्ट भी नहीं होने, हो रहे हैं कुछ कुछ तो। नहीं ये रीसेट करने का, इसमें को लग रहा है स्लैब बनाना है इसमें। स्नो गोलेम, अबे यहाँ ये रखा है गोलेम से, लेकिन क्या होगा? ढेर सारा स्नो मिल जाएगा। स्टोन ब्रिक स्लैब तो मेरे को समझ आ रहा है, उससे हो जाएगा। बट फिर भी आप लोग एक बार कह रहे हो तो मैं स्नो गोलेम बना लेता हूँ। और मैंने कभी स्नो गोलेम बना के देखा नहीं है अपने माइनक्राफ्ट सीरीज में, मेरे को आइडिया भी नहीं है बनता कैसे है। स्नो गोलेम गोलेम की तरह बनता है क्या? मान लो ये ले लिए, 1 2 और ये रख दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको कार्व करना पड़ेगा ना, शीयर्स चाहिए होंगे उसके लिए। 2 आयरन मेरे पास है, मान लो ये चाहिए होगा। टूट गया क्या पम्पकिन? ये रहा है, इसको रखा यहाँ पे, ये कर दिया। अब बनेगा, अब बन जाना चाहिए, बनना तो चाहिए। मैं इसे प्लेस ही नहीं कर पा रहा है इस पर। अच्छा मैं इधर खड़ा भी तो गलत जाऊँ यहाँ से। ओ बन गया। स्नो दे भाई, तेरे को स्नो लाने के लिए। इसको शायद से अगर मैं इधर उधर खींचूंगा तो ये स्नो देगा मेरे को। इधर आ, इधर। अबे क्या घोचू? वो गया। हाँ यही तो चाहिए था। रुक जा। ये बहुत बढ़िया बंदा है भाई, दे। इसके नीचे की हटा दूँ, मारने ना लग जा भाई। उतर नीचे उतर। यस यही करना है। मतलब मेरे हिसाब से ना स्टोन ब्रिक स्लैब से भी हो ही सकता था वैसे काम, बट ठीक है मैं यहाँ से स्नो ब्लॉक बना लूँगा बहुत सारे। पर ये काम थोड़ा लंबा चले जाएगा भाई, तो टाइम लेने वाला अच्छा खासा। कहाँ गया? अरे अभी तो बहुत तेज। इधर नहीं, इधर मैं तोड़ नहीं सकता मेरे भाई। ओ सॉरी, हाँ इससे पंगे ले लूँ। मेरे को मार, मेरे को इधर आ। इधर हूँ मैं। आजा। हाँ इधर आके मार। इधर हूँ। आ रहा है। मार नहीं रहा पर। अरे आजा यार नीचे, वो जहाँ पर गया हुआ भाई उधर के ब्लॉक ही नहीं टूट सकते। साइड के 2 ब्लॉक, हाँ वो तो हटा दिए, बट स्कैम हो गया। अबे नीचे उतर ओए। यार क्या करूं इसका मैं? नीचे उतर पे हैंस की। और मर गया। अरे यार रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है इस बारी मैं समझ गया हूँ। मेरे को यहाँ से मान लो ये 2 मिले, इन 2 से मेरे को शवल बनाना। पिकेक्स वाले तरीके से हो जाएगा यार, स्टोन ब्रिक्स वाले से। बट फिर भी ये अगर मैं यहाँ से आराम से तोड़ूँ, ये आ गया। वेट, ये तोड़ना पड़ेगा। ये रहा स्टोन ब्रिक्स और ये लगाए यहाँ पर। ये बना शवल कलेक्ट करा। और मेरे को बनाना है शीयर्स से कर दिया इसे काव कुछ इस टाइप से। एंड अब इसको मैं तोड़ लेता हूँ फटाफट से। ये आ गया अपने पास पम्पकिन, और इसके ऊपर रख देता हूँ सीधा। अच्छा एक स्नो कम है क्या इसमें? वेट, तब भी मेरे को स्नो ब्लॉक तो बनाना ही पड़ेगा ना। ये ब्लॉक है ही नहीं, स्नो है डायरेक्ट। तो यहाँ से पहले मैं बना लेता हूँ 2 ब्लॉक। और ये रखा और इसको दोबारा से तोड़ के रखना पड़ेगा। अच्छा आजा, बन गया। चलो ऊपर ना चाहिए यार, इसको मैं ऊपर आने से रोकना है। यहीं रहे, यहीं पे मुक्का मार दूंगा रख के। घूम उधर, चल उधर। यार इसका रास्ता कैसे ब्लॉक करूं? जंप मार देता यार ऊपर को, आने नहीं दूंगा इस बार में से। और ये चल क्यों नहीं रहा है? चलना है भाई तेरे को। गलत जगह बना दिया कैसे मैंने? इसके लिए स्नो लगाता हूँ रुको। अरे स्नो बॉल को फेंक दी, रुक जाओ। अबे यार एक गोलेम वाली चीज़ तो बड़ी बेकार है भाई। इन्फाइनाइट स्नो तो मिल रहा है। जाओ यार इसका सेटअप करना पड़ेगा पहले। इसको इधर लाना है। 1 ब्लॉक लगा देता हूँ इसके लिए। और ये भी हटा दे। ओए नहीं ऊपर मत जा ओए। अरे बहुत कमज़ोर है यार ये तो। सच में गोलेम इतने कमज़ोर होते हैं? वेट यार क्या करूँ कि वो ऊपर ना जाए? कारपेट्स को यहाँ लगा दूंगा तो मैं कुछ प्लेस ही नहीं कर सकता हूँ। बट फिर भी वो इतनी जंप तो मार ही लेगा ना। क्या किया जाए? मैं उसके लिए रास्ता पूरा ब्लॉक नहीं, एक बार रीसेट करता हूँ। एक तो उसने पता नहीं क्या करा भाई, इधर पूरी स्नो लगी रह गई, हट भी नहीं रही। यहाँ पर भी ब्लॉक्स लगे रह गए हैं। जो पहले मैं चैट रीड करता हूँ यार दोबारा से। एक बार सब लोग बताओ भाई, उसके नीचे से माइन करो कि नीचे से माइन करूँ। बट ओ तो फिर वहां पर वो नीचे नहीं गिर जाएगा? मेरे को लग तो रहा है कुछ तो सही कह रहे हो तुम लोग। ये शायद से बना ही, मेरे को कारपेट हटाने ही नहीं चाहिए। समझ गया। इस बार मैं शायद थोड़ा सा समझाऊँ। चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ, बना कर देखते हैं दोबारा से। मेरे को शवल की तो अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सीधा ये हटाकर मेरे को यहाँ से एक शेयर बनाना है, ये बन गया, और इसको तोड़ना है और ये कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी मैं इसी तरीके से करने वाला हूँ। मैं ये कारपेट नहीं हटाऊँगा। अरे वेट यार, शवल चाहिए ही होगी, ये तो मैं भूल ही गया था। तो मान लो एक शवल ली, ये लगा दी, और इस शवल से मान लो मैंने ये माइन कर दिया। और मेरे को दो ब्लॉक्स बनाने हैं, तो यहाँ से पहले तो हटा देता हूँ सारा का सारा स्नो हटा कर। मैंने ये दो ब्लॉक ले लिए, मान लो ये बन के चार ब्लॉक लगाया। इसके नीचे ये वाला तोड़ के वापस प्लेस करना है। और अब अभी 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 होना चाहिए, मैं इसके नीचे से ही माइन करूँगा। मैंने सच में गोलम के साथ कभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे, ये वाला माइन कर। तो अच्छा ये कह रहे थे, अरे यार ये तो मैंने सच में नहीं सोचा था भाई। लेट्स गो, ये करना था भाई। इस वाले लेवल को खेल के यार सच में बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं। ये मेरे को अभी सच में नया सीखने को मिला, मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट कभी इस गोलेम के साथ कभी खेला ही नहीं। अपना काम वैसे हो ही गया है गलती से मरा यार वो, काश अपना काम हो जाए भाई। इतने ब्लॉक्स में 16 ब्लॉक तो ये बन गए, मान लो एक ही हिट में मर जा रहा है भाई वो, बहुत बहुत कमज़ोर है बेचारा। यहाँ पर ये लगे 23 और 28 ब्लॉक हो गए। ठीक है भाई, हो गया अपना काम, हो गया। सही है, मर गया गोलेम। चलो भाई, इन्फेनाइट बन गए। इस तरीके से करना था, मेरे को समझ आ गया। बहुत ईजी था यार लेवल, बट वही है, मैंने कभी ना सच में स्नो गोलेम के साथ कभी कुछ नहीं करा। मैं तो अपने वर्ल्ड में लेकर भी नहीं आया स्नो गोलेम को कभी, तो इसलिए मेरे को पता ही नहीं था बिल्कुल। बट ठीक है, मस्त है स्नो गोलेम, इन्फेनाइट स्नो खड़े खड़े भाई। लेट्स गो। तो ये आ चुके हम लोग दूसरी साइड पे, और अच्छा खत्म हो गया था, वही मैं कहूँ लग क्यों नहीं रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो है गॉड स्पीड। ओह, इसमें क्या करना है ऐसा? बायोम टेम्प 0। अच्छा जी, इससे कुछ हिंट है क्या? शुगर केन है, बोन मिल पड़ा है क्या? बोन मिल तो नहीं है। आइस पिक सेल्फ टच लगा हुआ है, कोबल स्टोन है, वाटर बॉटल्स है, स्पॉन्ज है, लावा है, ब्रूइंग स्टैंड है। यार ये क्या होगा? मेरे को पोशन बनाना है, पोशन बनने वाला है कोई। शुगर केन से मेरे को मिलेगा शुगर, और कौन से पोशन में शुगर डलता है? गॉड स्पीड, क्या स्पीड मिलेगी उस पोशन से? स्पीड वाला पोशन चैट रीड करनी पड़ेगा इसमें। गाइस जल्दी बाकी आए यार, जिसने लाइक का बटन नहीं दबाया जल्दी से आगे स्ट्रीम को लाइक कर दो। 1 लाख लाइक कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 15,000 लाइक और चाहिए। और जो भी चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना भाई, ये 2 ब्लॉक से ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या पीछे से तोड़ और आगे लगा दो अरे भाई मेक बेसॉल्ट। ओ इनफाइनाइट बेसॉल्ट, समझ गया मैं। उसके लिए लावा वहां पर जाएगा, तो पहले मेरे को ये सुखाना है पानी। स्पॉन्ज से मान लो पानी सुखा दिया, अब मैं वापस से स्पॉन्ज का यूज़ तो कर सकता हूँ। अलावा यहाँ जाएगा उधर को भाई, हो भाई नहीं ऐसे नहीं। इन्फिनिट कोबल स्टोन बन सकता है, बट मेरे पास पिकैक्स नहीं है। ये किस लिए दिया? ये कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों से। आइस पिक क्या है ये? आइस पिक, अच्छा मैं इससे आइस उठा सकता हूँ। ओके, अब इस आइस को मेरे को लगाना है इधर। वो लावा को इधर मेरे को बंद करना है। मान लो लावा जाएगा इधर से, बना बेसॉल्ट। नहीं यार, ये ब्लू आइस ही है ना। पहले तो यार मैं इससे ना पानी निकाल लेता हूँ। पानी मेरे पास अभी भी है। वेट, क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ तो ऐसा बना है यार इसमें जो मेरे को समझ नहीं आ रहा। बेसॉल्ट क्या लिख रहे हो आप लोग? मैं बेसॉल्ट वाला नहीं आइडिया, मैं मेरे को नहीं बन लूँ कैसे बने। वाटर बकेट, कोबलस्टोन तो इन्फिनाइट बन जाएंगे। इन्फिनाइट, अच्छा इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लूँ पहले, बट इससे तो पानी निकल जाएगा। नहीं, ये तो टूटेगा ना इससे, नॉर्मली तोड़ने से। बट यार इसमें आइस पिक लिखा है, यानी मेरे को पानी उठाना है यहाँ से। मान लो पहले मैं पहले तो यार लावा निकाल के जो पहले पानी ले लेता हूँ। पानी को वेट, फिर को यहाँ पर रखना है। एक सेकंड, स्पॉन्ज कहाँ है? ये रही। स्पॉन्ज लेकर पहले मैं रख देता हूँ यहाँ पे, नीचे रख देता हूँ पानी। मेरे को पानी तो मिल जाएगा मेरे को। कॉबलस्टोन जनरेटर का फ़ायदा नहीं है ना यार, पिकैक्स है ही नहीं अपने पास, बहुत टाइम लग जाएगा। 3 कॉबलस्टोन है बट स्टिक्स नहीं है। स्पॉन्ज भी आ गई, वाटर बकेट में पानी भी आ गया, ब्रिंग स्टैंड, पोशंस, बॉटल सब कुछ मिली है यार। पहले तो इनमें तीनों में पानी भर लूँ मैं, ठीक है। ब्रिंग स्टैंड रख देता हूँ, जो जो चीज़ें ऐसे लग रही है जिसका यूज़ होना चाहिए वो कर देता हूँ, यहाँ पर ये डाल देता हूँ। और मैंने क्या स्कैम कर दिया, एक और है क्या ब्लेज? नहीं, ब्लेज रॉड से ब्लेज पाउडर बना के मेरे को इसमें डालना था। बट पोशन कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा। अगर मैं ये तो ऑब्सीडियन बन जाएगा अगर इस तरीके से डाला है, कट होना चाहिए, यहाँ पर लगा देता हूँ। अरे हाँ, यहाँ पर ये इन्फाइनाइट तो बन जाएगा। कोबलस्टोन फार्म, सब लोग लिख रहे हो कोबलस्टोन फार्म, बट यार स्टिक ही नहीं है ना। पिकैक्स कैसे बनाऊंगा? हाथ से थोड़ी तोड़ूंगा बैठ। अरे 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 अरे, पानी 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 इधर, बस हाथ से नहीं तोड़ना होगा यार। वेट, शुगर का कुछ तो यूज़ है। ये ब्रूइंग स्टैंड वगैरह कुछ यूज़ होगा यार। स्विफ्टनेस, शुगर केन तोड़ के मेरे को ये मिल जाएगा, मालूम है। ये ले लिया और इससे मेरे को शुगर क्राफ्टिंग अच्छे से तो नॉर्मली बन जाएगा। ये एक शुगर आ गया, बट नेदर वाटर और शुगर सब कुछ है। मैंने ब्लेज जला दिया ना स्पॉन्ज से, वो सुखाने के चक्कर में। स्पॉन्ज स्पॉन्ज मिला था, मेरे को लगा करना होगा यूज़। रीसेट करते हैं इसे, पहले जो एक बेसिक चीज़ है ना पोशन बना कर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ने वाला पोशन से अपना। ये ले ली ब्रिंग स्टैंड, नेदर वॉट और 3 बोतल, ये सारे कोबलस्टोन, आइस पिक, आइस पिक नहीं हो। और अब इसको रख दिया, मान लो यहाँ पे 3 बोतल पानी भरा, यहाँ से तीनों को लगा दिया इसमें। और ये जो ब्लेज रोड है, फर्नेस यार मेरे को ऐसे लग रहा है दिखावे के लिए है। ब्लेज रोड कंफ्यूज करने के लिए मेरे को लग रहा है इसमें कुछ चीज़ें बनाई गई हैं शायद से। 2 ब्लेज रोड आ गई, ब्लेज रोड रखी यहाँ पे। और ये डाला इसमें पहले नेदर वॉट और फिर उसके बाद मेरे को डालना है शुगर। यही करना है, इसके अंदर अपना पोशंस बन जाएंगे स्विफ्टनेस वाले। स्विफ्टनेस स्पॉट बना दो, वही कर रहा हूँ भाई। चलो यही करना है, यही करना है। रुक जा, पहले तो ये कर लूँ यार। ये थोड़ा ही कंफ्यूज करने के लिए, क्या सच में इसका कोई यूज़ है? लग तो रहा है। 6 कोबलस्टोन मिले हैं, ये मिला है आइस उठाने के लिए। पोशन और स्विफ्टनेस से भी क्या ही हो जाएगा, तेजी तो भागूंगा, वहां तक थोड़ी पहुंच जाऊंगा। इतना काम मैंने ठीक करा है शायद से, बट अब जो आगे का काम है ये लावा बकेट वाला। लावा बकेट कहाँ थी? ये रही, लावा बकेट और स्पॉन्ज। ये पोशन ऑफ स्विफ्टनेस तो बन गए हैं, 3-3 मिनट के हैं भाई तीनों। और क्या हो सकता है? स्पॉन्ज से वाटर निकालो। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये मैंने रीड करना है। स्पॉन्ज से वाटर निकालो फर्नेस में। वाटर निकल जाएगा, वो तो कोई सीन ही नहीं है। वाटर तो इजी है यार निकालना, क्यों उसके लिए वो ख़राब करना है? स्मेल्ट भी करने की जरूरत नहीं है वो तो। मैं ये देखो, इसमें क्राफ्टिंग, ओ इसमें क्राफ्टिंग टेबल है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। स्मेल्टिंग के काम आ सकते वैसे क्राफ्टिंग टेबल, बट स्पॉन्ज से, स्पॉन्ज में है ही नहीं वाटर ऑलरेडी। अगर मेरे को पानी चाहिए तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ना, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है अभी। क्या होगा? कुछ बेसॉल्ट वाला तो नहीं होने वाला। बायोम टेम्प 0, गो डाउन विद वाटर, गो डाउन विद वाटर। नहीं, नीचे थोड़ी होगा कुछ। एक बार चाह के देखो, लग तो रहा सही कह रहे हो। वेट, पहले मैंने यहाँ पर ये लगा देता हूँ ताकि एक बेमतलब का कोबल्स। अरे यार, ये तो मैंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, मैं ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ तक सूख जाएगा। अब मेरे को अब तो यूज़ करना ही पड़ेगा, अब स्पॉन्ज में डालना ही पड़ेगा। और लावा को जल्दी से हटा देता हूँ वरना यूज़ नहीं होगा ये। स्पॉन्ज नहीं लगानी चाहिए तुमको। वेट नहीं यार, और कुछ नहीं है, हम नीचे ही चलते हैं एक बारी इसका यूज़ करके पानी का। और ये मेरे को बिल्कुल गलत डिसीजन लग रहा है, सच में ही गलत है। कुछ भी नहीं है यार नीचे, एकदम नीचे आके स्मोकर थोड़ी यूज़ कर लूँगा मैं। चल के देखो, क्या पता कुछ पड़ा हो, खाली है। नीचे थोड़ी रखेंगे यार। नहीं, ये भी गलत हो गया मेरे को लग रहा है पूरा। यार ये जो बना हुआ है ना ये कुछ ऐसा टनल सा, इसका कुछ तो यूज है यार। गो फ्रॉम साइड ऑफ वाटर, सच में ये तो मैंने सोचा था पहले। वैसे ऐसा ना हो कि आगे जाके प्लेस नहीं हो रहा, ये ज्यादा अच्छा आइडिया यार। इतना फिर क्यों सब दे रखा पोशन वोशन। शिफ्टनेस पी लूँ क्या, तेज जाऊंगा, रुको। ओह यार ये तो हो गया लेवल फिर क्लियर। ओए भाई आराम से भाई, नीचे नहीं गिरना अभी। एंड टाइम पे आके बच गया, गिर ही गया था ऑलमोस्ट। वैसे अंदर अंदर से चलता हूँ। ये मतलब यार बिना पोशन के भी जाता, कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं इन लोगों ने हमें इतना। अरे पानी का ग्लिच हो गया क्या, कहाँ चलेगी। अच्छा मेरे पास ही कलेक्ट है। ये देखो यार यहाँ ब्लॉक आ गए हैं, बीच से जाना पड़ेगा। यहाँ ब्लॉक्स आ गए हैं, मैं मतलब इनविजिबल ब्लॉक हैं और मैं आगे नहीं जा पाऊंगा पानी लगा के। ये ठीक है, हुआ स्ट्रीम चल रहा है क्या। एक सेकेंड मेरे को दिखा रहा है स्ट्रीम बंद हो गया। पानी है बेटे, एक बार गेम पॉज करना पड़ेगा। चल तो रहा है। हेलो 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 चैट, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। शायद से नेट गया था। ऑफलाइन तो नहीं लिख रहा ना कोई। इस तरीके से गाइस होना तो नहीं चाहिए। बाकी अभी स्ट्रीम बंद हुई थी क्या, कि मेरे को ऐसा लगा मेरा नेट गया। और हम लोग इसके आगे भाई ये वाटर नहीं लगा सकते बाय द वे, तो इस कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। इस तरीके से नहीं करना शायद से लेवल, मेरे को लग तो नहीं रहा ये लेवल इस तरीके से होने वाला है। और लो भाई सारा का सारा नीचे जा चुका है। नहीं यार ये तो गलत तरीका है, ये इस तरीके से तो मतलब ये कोई सेंस ही नहीं है यार। मेरे को लग रहा है एक ग्लिच हो सकता है जिस तरीके से आज बीच से मैं निकल भी जाऊँ, ऐसा नहीं है कि होएगा नहीं। और वो क्या हो गया, कुछ और ही तरीका है जिस तरीके से हमको लेवल कंप्लीट करना। और वो देखो भाई जितना भी पाउडर था उसको हम लोग कॉन्क्रीट बनाकर आ गए हैं। यहाँ पर ही कोई सीन है यार, ये इधर जाएगा मान लो, ये तोड़ना ही है मेरे को। इसमें कुछ तो है, ऐसा नहीं होगा इतनी सारी चीज़ें दी हैं। अरे मैं इसकी मर ही जाऊँगा। अच्छा अच्छा हो गया भाई, हाफ हर्ट, गिर के भी मर सकता हूँ मैं। साइन बोर्ड आया है, पैक डाइस आई है। पैक डाइस और इनफाइनाइट वाटर बन जाएगा आप लोग कह रहे हो। अनलिमिटेड वाटर इज इक्वल टू अनलिमिटेड आइस, टेम्प 0 डिग्री। ओह ये क्या कर दिया मैंने। रीसेट रीसेट रीसेट। मैंने सच में 0 टेम्प वाली चीज़ नहीं समझ रहा हूँ। पोशन बनाना तो जरूरी है मेरे को लग रहा है। मान लो ये ले लिया मैंने। इसका क्या सीन है यार, मेरे को एक बार चैट में एक्सप्लेन करो। आइस फार्म, अगर इधर मैं वाटर लगा दूंगा तो तुम कह रहे हो पानी वो जमेगा। आइस टू कोबल, ये बेसिक सी चीज है जो कि सच में जिन्होंने मतलब वन ब्लॉक स्काई ब्लॉक ज्यादा खेला उनको पता होगी। इन्फानाइट कोबल स्टोन, इनफाइनाइट कोबलस्टोन मिल तो जाएगा बट वो टूटा हुआ थोड़ी मिलेगा। रिमूव डर्ट, डर्ट हटा दी मान लो मैंने। बायोम 0 टेम्प, यानी इधर का पानी जमना चाहिए। यार कोबलस्टोन जनरेटर जो लोग लिख रहे हैं वो एक बार मेरे को एक्सप्लेन करेगा। अगर मैंने कोबलस्टोन जनरेटर बना लिया तो मैं कोबलस्टोन तोड़ूंगा किससे, हाथ से तोड़ूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तीन सारा ये है, तू निकल वे। आइस पिक, अच्छा अगर पानी इधर रखूंगा तो वो जमेगा। नहीं यार मैं कुछ गलत ही सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो ये लावा, पहले रुक जाओ पोशन बना लेता हूँ। पोशन एक सिंपल है, वो बनाना ही बनाना है मेरे हिसाब से, तो उस पर अभी फटाफट से लगा ही देते हैं। ये लिया यहाँ पे बॉटल से मैं भर लेता हूँ पानी, तीनों को लगा देता हूँ यहाँ पे नेदर वॉट, और फिर उसके बाद शुगर डालना है, ये भी रख ही देता हूँ ऊपर, हो जाएगा तब रख देंगे। इन्फानाइट आइस ब्लॉक फार्म बनाओ स्पॉन्ज को लावा से सुखा के। स्पॉन्ज ऑलरेडी ड्राई है, मैंने यार आइस ब्लॉक फार्म कभी नहीं बनाया इसलिए शायद मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। बेसॉल्ट जनरेटर, बेसॉल्ट जनरेटर, बेसॉल्ट जनरेटर भी एक बार को मान लो बन गया, बट कलेक्ट कैसे होगा बेसॉल्ट? मैं कुछ तो बहुत बेसिक सी चीज है जो मिस कर रहा हूँ। ये सब में कुछ भी नहीं है इसके पीछे। भाई ये वाला लेवल तो हार्ड हो गया भाई कसम से, एक छोटी सी चीज़ ना पता होने की वजह से। 3 मान लो स्विफ्टनेस कलेक्ट कर ली है। वैसे हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं स्मेल्टिंग के लिए। इन्फानाइट वाटर फार्म देख के आता हूँ मैं, वेट, इन्फानाइट वाटर फार्म कैसे बनता है इनको तब, क्योंकि ये लेवल को उसके वो समझना जरूरी है अगर ये लेवल कंप्लीट करना है तो, कि इन्फानाइट सॉरी वाटर फार्म नहीं, इन्फानाइट आइस ब्लॉक फार्म। तब भी चीज समझ आएगी। इन्फानाइट अच्छा, जिस एरिया का टेम्परेचर, ओ समझ गया मैं, तो ये वाला लेवल शायद हम लोग आइस को इनफाइनाइट बना के कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ ऐसे होने वाला है, और इसे करने के लिए पहले मेरे को इनफाइनाइट वाटर भी बनाना होगा, बट अगर मैं स्पॉन्ज यूज़ करूँगा तो वो ये वाला पानी भी पी जाएगी। मुझे ना किसी तरीके से ना इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाना है, और मतलब जो भी पानी यहाँ पर आएगा शायद से वो पानी जम जाएगा। हाँ यही होना है। तो अगर मैं एक कोबलस्टोन यहाँ पर रख के जल्दी से सुखा दूँ तो ये वेट होएगी, वेट हो गई, ये वेट हो गई। और अगर अभी मैं इसे करूँ, तोड़ूँ, तो मेरे पास शायद से एक वाटर बकेट और आ जाएगी। यस आ जाएगी, आ जाएगी। अभी इनफाइनाइट वाटर सोर्स तो समझ लो बन चुका है, और मेरे को ऐसा करना है कि इस जगह पर, यार ये वाला कोबलस्टोन टूटे, ये टूट जाएगा भाई, कलेक्ट नहीं होगा, लेकिन यप ये टूट चुका है। यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ, ये 4 का एकदम मस्त एरिया बन गया। यहाँ से मेरे पास स्पॉन्ज भी वापस आ चुकी है और ये पानी भी मिल गया। अगर अब मैं इधर पानी डालूँ तो ये मेरे को कलेक्ट हो जाएगा, और शायद से, यार ये इतनी सिंपल सी चीज़ करनी थी, टूट गई। अबे ओए ये क्या था, सिर्फ 3 ही कलेक्ट होने थे क्या? यार ये भी नया सीन है यार। मेरे पास पोशन ऑफ स्विफ्टनेस तो है, और क्या कर सकते हैं अब भाई बता लो। मेरे हिसाब से करना तो यही था, पोशन ऑफ स्विफ्टनेस भी है, पानी भी इतना सारा करा, ये कलेक्ट नहीं होगा अब, इनफाइनाइट तो हो चुका है बट अब कलेक्ट नहीं होने वाला इससे ज़्यादा, क्योंकि उसकी लिमिटेड हेल्थ थी अपने पास, जो आइस पिक था हो जो थी अपनी। अब वहाँ तक जाने के लिए मान लो मैं पोशन ऑफ स्विफ्टनेस पी के जंप मारूं तो इतनी आगे थोड़ी चले जाऊंगा, जाके देखता। ये तो मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे को बस एक जंप बूस्ट तो ही मिला है ना, स्पीड, स्पीड सॉरी, जंप बूस्ट नहीं स्पीड, बट नहीं, क्या क्या ट्राई क्यों कर रहा हूँ मैं? थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगा के मैं आगे जा सकता हूँ। वेट, एक साइन बोर्ड यहाँ लगेगा, एक ये यहाँ लगेगा, यहाँ मेरे को लग रहा है। वेट मैं नीचे जाऊँ, बच गया। दो ब्लॉक्स मान लो ये हो गए, एक डर्ट हो गई, और इसके अलावा कुछ भी कलेक्ट नहीं हो सकता यहाँ से। ये हो जाएगा एक कलेक्ट, इसके नीचे कुछ हो काश, नहीं फर्नेस तो नहीं होने वाले कलेक्ट। फर्नेस एंड बैरल तोड़ो, वही ट्राई कर रहा हूँ, शायद हो जाए भाई, बट मेरे को आइडिया तो नहीं है कि ये मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आइस का ही कुछ सीन यार, मैंने कर तो दिया, मेरे हिसाब से करना तो यही था वो, क्योंकि हाँ ये देखो नहीं कलेक्ट हो गई। स्पॉन्ज भी लग सकती है, क्राफ्टिंग टेबल भी लग सकती है, कॉबल स्टोन भी लग सकता है, 4 ब्लॉक्स ये भी हैं हमारे पास। और कॉबल स्टोन यार मेरे को स्लैब बनाने चाहिए थे, और आइस को मेरे को बीच बीच में लगाना था शायद, नहीं बीच बीच में लगा क्या फ़ायदा। एंड में 3 आइस लगी, हो गया शायद से। इसके अगले बार मैं कर दूँ ये लेवल, आधे रास्ते आ गए, क्योंकि अगली बार मेरे पास ये 6 ब्लॉक रहेंगे। 6 क्यों, मेरे पास 6, समझ गया अब मैं पूरा समझ गया कैसे करना है। ठीक है, रीसेट अब हो गया। ये वाला आप कोई नहीं रोक सकता कंप्लीट होने से पहले, तो सारा कलेक्ट कर लूँ मैं। अब डन है भाई, बस तुम देखते जाओ। ये कलेक्ट कर लिया मान लो मैंने सारा। सबसे पहले तो ना, सबसे पहला काम मेरे को यही करना है कि इससे बना लें 6 स्लैब। इसका कहीं यूज़ नहीं करना मेरे को, ठीक है। तो मेरे पास अभी 12 स्लैब्स बनाने हैं, और इसको पहले मैं वापस तोड़ देता हूँ, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल का मेरे को लगता नहीं अब यूज़ है। अब मेरे को ये इनफाइनाइट एरिया बनाना है वाला, और उसको बनाने के लिए पहले मेरे को ये बैरल तोड़ना चाहिए। अरे नीचे मत फेंको, मेरे को ये कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत कम है, मैं ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकता। मेरे को अभी इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाना है, तो सबसे पहले मैं बैरल तोड़ता हूँ। अब इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, बैरल की भी जरूरत नहीं, क्राफ्टिंग टेबल से भी अपना काम हो जाएगा। मेरे को पानी रोकना है बस, और स्पॉन्ज, ये रही। पानी रोकते ही मेरे को स्पॉन्ज लगानी है। पानी रोका, स्पॉन्ज। अरे यार थोड़ा सा लेट हो गया मैं, वेट पहले तोड़ना होगा, वरना वो वहाँ तक का पानी सुखा देगा। तो ये पहले तोड़ता हूँ, तुरंत लगानी है मेरे को ये। अरे वो इतनी मजबूत क्यों होती है क्राफ्टिंग टेबल। ये लगाई और ये स्पॉन्ज लगा दी, स्पॉन्ज वेट हो गई है, अपना पिछला पानी भी बच गया। ये एक नया तरीका भाई इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाने का, ठीक है। यहाँ से मैं इसको तोड़ देता हूँ, और अब मेरे को लगानी है ये स्पॉन्ज को ड्राई करना है लावा लगा के। और जब तक ये हो रहा है तब तक मैं ये अपना पोशंस बना लेता हूँ सारे। ये पोशन बनाने के लिए वेट ब्रूइंग स्टैंड रखता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर डाल देता हूँ 3 बोटल नेदर वॉट। एंड लगानी है मेरे को ब्लेस पाउडर। ब्लेस पाउडर के बाद मेरे को लगाना है इसके अंदर शुगर, ठीक है। तो स्विफ्टनेस वाले पोशन बन जाएंगे। और यहाँ से अपने पास वेट स्पॉन्ज और ड्राई स्पॉन्ज आ चुके हैं, और ये आ गया वाटर। इस ब्लॉक को तोड़ के मेरे को ये वाला ब्लॉक भी तोड़ना है ताकि ये कलेक्ट हो जाए। मान लो एक ब्लॉक अपने पास हो गया। ये क्या इस बार ये एक में ही कैसे टूट गई? ये क्या हुआ यार, इस बार तो अपनी हो एक ही ब्लॉक में टूट गई। अब तो और नहीं हो पाएगा ये लेवल। सिर्फ एक आइस कलेक्ट करने थोड़ी बनाया था ये बना भी दूंगा कोई फायदा ही नहीं है, कलेक्ट ही नहीं होगा ये। लास्ट टाइम कैसे इतने सारे ब्लॉक्स टूटे यार, गलती सीन हो रहा है भाई। इसकी हेल्थ इतनी कम है, और अटैक स्पीड और अटैक डैमेज, ठीक है सीन है यार। इतनी जल्दी कैसे टूट रही है? अच्छा मैंने उससे क्राफ्टिंग टेबल तोड़ा था। ओह मैं है कि इसको मैं यूज ही नहीं कर रहा भाई। क्राफ्टिंग टेबल तोड़ने की जैसे उसकी हेल्थ कमजोर हो गई। अच्छा जी, उसने कौन सा तेज तोड़ने में मदद करी थी यार, इतनी धीरे टूटा था। चलो ठीक है, बैरल खा लिया, पहले बैरल तोड़ता हूँ मैं। अब आराम से, अब हाथ से ही काम करने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, और क्राफ्टिंग टेबल दे दो भाई तुम। पहले तो यार ये मैं पोशन बना लूँ। वैसे हर बार ही बना रहा हूँ पोशन, पर कोई यूज़ नहीं हो रहा है, उसका रीसेट करना पड़ रहा है बार बार ही, ठीक है। ये रखा यहाँ पे बना प्लेज, इस बार होना चाहिए भाई प्लेज, इस बार ही हो जाइए। 3 बॉटल्स हैं, और ये इसको हटाओ भाई, इसको हॉट बार से हटाओ, तू ऊपर रह, तेरा यूज़ ही नहीं होना। ये 3 बोटल यहाँ लगा दी, इसके अंदर डाला नेदर वॉट एंड इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाना है। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे और स्पॉन्ज यहाँ पे वेट हो गई है। स्पॉन्ज को पिकर अप पिक डालते हैं इसके अंदर विद लावा बकेट। एंड वापस से मेरे को क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट करना है। इस बारी मैंने कहीं नहीं यूज़ करा, मेरे को कम से कम 5 ब्लॉक तो मिले यार, 2 में ही टूट जा रही है वो, ठीक है। अभी ये हो चुका है, यहाँ से यह आ गया शुगर, इसको शुगर दे देता हूँ मैं। ये भाई और नीचे क्या क्या बच गया, घेरा वेट, ये रखा, इसको डाला इसमें। अभी क्राफ्टिंग टेबल रखना है यहाँ पर, ये बन गए स्लैब्स। अरे उसी टाइम बना लेने चाहिए, तो बार बार मैं तोड़ के अलग से करता हूँ काम। तो क्राफ्टिंग टेबल कलेक्ट हो चुका है। इनफाइनाइट वाटर सोर्स इस बारी बन जाएगा क्योंकि अपने पास पीछे वहाँ वाटर बकेट भी आ चुकी है। सब इस बारी एकदम सही तरीके से हुआ है। देखते हैं कम। अरे भाई क्या हो गया सच में? अरे मैं नीचे खड़े होकर तोड़ता हूँ, शायद ऊपर खड़े होने के तोड़ने कुछ ऐसे हो रहा है। खत्म ही नहीं हो रही थी भाई। तो बैरल एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं तोड़ के कलेक्ट कर सकता हूँ जल्दी। तो इसको रखता हूँ यहाँ पे, ये तोड़ देता हूँ। और अभी मेरे को तू आ जा भाई, ठीक है 10-15 कलेक्ट होने चाहिए। एक हो गया, ठीक है एक हो गया। आ जा भाई स्पॉन्ज ले आओ, ठीक है यहाँ पर पहले स्पॉन्ज दूर कर लो भाई, पता लगा गलती से प्लेस हो जाए और बैंड बच जाए। ये एक और रखा, दोबारा से 2 हो गए, दोबारा से 3 हो गए, 4 हुए भाई, एक एक्स्ट्रा हुआ है बस। ठीक है ये होगा नहीं होगा। चलो पोशन ऑफ स्विफ्टनेस आ गए हैं, 4 स्नो है एंड एक बैरल है, डर्ट है और वाटर भी कर ही लेता हूँ क्योंकि जंप मार के जाऊँगा तो शायद से वाटर से कुछ ना कुछ तो हेल्प होएगी। तो वाटर भी है अपने पास, रुक जाओ वाटर तो इनफाइनाइट है तो 20 से कलेक्ट करता हूँ। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड 12 20 और साइन बोर्ड 21 ब्लॉक्स हैं। बहुत रिस्क है भाई इस वाले लेवल में। तो अगर मैं जंप मार के वहां लैंड कर दूं तो मैं वाटर से भी ऊपर आ सकता हूं, यानी इस तरफ से चलूंगा तो शायद से लेवल कंप्लीट हो। तो सबसे पहले ना स्लैब से ही शुरू करते हैं क्योंकि स्लैब तो एज इट इज लगने हैं, उसके बाद आइस, एंड में आइस लगाऊंगा। ठीक है स्लैब, साइन बोर्ड, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें पहले ही खत्म कर देता हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसके बाद हम लोग अच्छे से चीज़ें लगाने वाले हैं। तो ये हो गए। ये वाला स्लैब लगाने से पहले ना साइन बोर्ड लगा देता हूँ, ये लगाता हूँ साइन बोर्ड, डन। उसके बाद इसके आगे एक स्लैब, जंप मार के इस स्लैब पे। अब मेरे पास ये सारे ब्लॉक्स बचे हैं उल्टे सीधे और ये ढेर सारे ये बचे हैं। तो काश ये मेरे को वहाँ तक पहुँचा दे बस। ये एक लगाया, दूसरा, तीसरा एंड बैरल। अब इस बैरल के बाद अपने पास से 4 आइस बची है। पोशन ऑफ स्विफ्टनेस पी कर मैं जंप मारूंगा अभी नहीं। 1 2 3 4 काश ये मेरे को पानी तक पहुंचा दे। पोशन ऑफ स्विफ्टनेस पी लिया है। वाटर बकेट में अपने हाथ में रखूंगा ताकि सामने पानी लगा पाऊं तो लगा दूं। और यप भाई साहब ये लेवल सच में मज़ेदार था भाई। अभी हो गया है शायद से कंप्लीट। मेरे को इस तरीके से साइड जाना है भाई। फाइनली कर दिया गाइस, लेट्स गो। इस बात पे तो भाई 1 लाख लाइक कर दो भाई। हो गया फाइनली हो गया। लंबा लेवल था बट कर दिया कंप्लीट फाइनली। और पोशन ऑफ स्विफ्टनेस अभी तक चल रहा है अपना, लेट्स गो। अभी कितनी देर तक चलने वाला है? ओ 2.5 मिनट और चलेगा ये भी ठीक है। बाकी ये वाले लेवल में बैरल में एक शवल है, शवल से मेरे को एक ग्रेवल चाहिए, ठीक है। नीचे स्टोन है तो आराम से मैं इसे माइन कर सकता हूँ, बट एक ग्रेवल भी ग्रेविटी ब्लॉक है तो इसे हवा में नहीं लगा सकते, इसके लिए भाई ग्रेविटी काम करेगी ठीक है मैं इसको सारा हटा देता हूँ। बट इससे होने क्या वाला है ये सोचना होगा क्योंकि फ्लिंट ही मिल रहा है एट द एंड और ग्रेवल मिल रहा है। कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए होगी जिसके साथ में इस ग्रेवल का यूज़ कर सकूँ कि यहाँ से ढेर सारा माइन तो हो चुका है। अरे 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 1 सेकेंड, बस ग्रेवल ही था। मैं सबसे सोच रहा हूँ कुछ निकलेगा अच्छा। स्ट्रिंग लगी हुई है क्या छुपा के? दिख तो नहीं रही भाई। ये भी तोड़ देता हूँ। मेरी इन्वेंट्री में कुछ आया है क्या? चेक करूँ। स्टोन टूटेगा। ओह वेस्ट हो जाएगा लेकिन क्या करे इसमें? 47 ग्रेवल आ चुका है। क्या लगता है गाइस चैट में बताओ। ओह बट इस इतने में बन जाएगा? कैसे बनता था ये वाला डर्ट? कोर्स डर्ट, समझ गया मैं किस चीज की बात कर रहे थे लोग। बट वो बनता कैसे है यार मैं भूल गया। क्राफ्टिंग टेबल भी तो नहीं अपने पास, उसकी रेसिपी क्या होती है? 1 सेकेंड, इसका रेसिपी होता है 2 डर्ट एंड 2 ग्रेवल। ओह 2 डर्ट एंड 2 ग्रेवल से इस क्राफ्टिंग टेबल में भी बनेगा क्या ये? अच्छा ऐसे ऐसे में रखना है, ठीक है। तो मान लो ये 4 बन गया। अब बन गया। ये तो बिल्कुल ठीक बताया, ये तो मेरे हिसाब से बनाना ही था। यहाँ पर कहीं छुपा के क्राफ्टिंग टेबल और भी है कुछ नीचे, दिख तो नहीं रहा ऐसा। एक मिनट, कुछ भी नहीं है फिलहाल तो ऐसा। डर्ट प्लस ग्रेवल, हाँ समझ गया, वो हो गया। ट्राई पार्कोर ऑन लैंड। ओ ये पक्का फेल होने वाला आइडिया, बट अगर मान लो नीचे चले भी गए ऊपर कहाँ से आऊंगा? नहीं, क्लाइम करके आ सकता हूँ। ट्राई करते हैं भाई। मैंने लगाया ब्लॉक, मैंने एकदम टाइम पे लगाया भाई। पार्क और पास हुआ, मेरे को नहीं पता पार्क और पास हुआ था भाई। ये कुछ इस बार नहीं लगा पाया क्योंकि स्मोकर था, तो ऑब्वियसली राइट क्लिक उसके ऊपर होगा। यार ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नीचे जाते ही ना मेरे हैंड डिसेबल हो जा रहे हैं। ये देखो ग्रेवल लग रहा है, बट अबे भाई उल्टा ग्रेवल अलग वेस्ट हो रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना। कहीं स्ट्रिंग विस्ट्रिंग या फिर कुछ हो छुपा के? नहीं। शवल इट, प्लेंटी तो मिलेगा उससे। इसको शवल करूं? अरे रुको, ऐसा तो नहीं होगा, मैं गलत ही कर रहा हूं। नहीं, शवल करो कोर्स डर्ट को। शवल उससे क्या मिलता है मेरे को? मैंने सच में करा तो है बट कभी ध्यान नहीं दिया इस पर क्या मिलेगा। करते रहता हूँ, चलो 3 बारी और ट्राई कर लेता हूँ। क्या पता नॉर्मल डर्ट भी निकला एक्स्ट्रा, फिर 2 डर्ट निकला है। वैसे हो नहीं रहा है भाई कुछ। ऐसा कुछ होएगा ही नहीं। कोर्स डर्ट को तोड़ो, यूज शवल एट डर्ट। राइट क्लिक, तोड़ो क्यों लिख रहे हो? हैश की, ये तो पाथ बन जाएगी। अभी वापस डर्ट बन जाएगी। अरे समझ गया। ओह भाई तुम जीत गए भाई। समझ गया, अब मैं समझ गया। चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये टाइप की गेम खेल के ना माइनक्राफ्ट की एक बेसिक चीज़ भी समझ आ जाती है। तो यहाँ से ये करा तोड़ा और फिर से अच्छा ग्रेवल को कन्वर्ट करने का तरीका मिल गया भाई। अगर एक शवल भी होनी चाहिए लेकिन इसके लिए, तो यहाँ पर दोबारा से रखता हूँ इसको इधर। और अबे यार मैंने एक तो शवल की एचपी इतनी कम कर दी है, पूरा होने से पहले मेरे को लग रहा है टूट जाएगी। कोई नहीं, शायद से हो भी जाए, बट कोई नहीं यार। जा ठीक है, दोबारा से। अरे नहीं, फिर से वही गलती कर रहा था मैं। मेरी शवल टूट जाएगी भाई। मैं पता क्या गलती कर रहा हूँ। मेरे को ना एक काम करता हूँ बस, डर्ट और वैसे भी नहीं। हाँ मेरी शवल टूट जाएगी यार, रीस्टार्ट करना पड़ेगा ये लेवल। मान लो यहाँ से दोबारा से 25 मिलेगी है, और अगर मैं 25 सारी की सारी ऐसे रख दूँ और मैं इसको वापस से ये करूँ, टूट गई ही यार। थे कितने ब्लॉक्स अभी मेरे पास? 19 को तो गिनो ही मत। 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाई हैं तो अच्छे खासे ब्लॉक्स। हाथ से तोड़ू क्या? नहीं यार, रीस्टार्ट ही कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं जाएगी। अब चीज़ तो समझ आ गई है तो ये हो जाएगा, ज़्यादा लंबा लेवल नहीं है। फटाफट से शवल कलेक्ट कर ली और इस शवल से मेरे को सारे के सारे ये तोड़ने हैं। ठीक है, हो गया गाइस। थोड़ा सा लंबा लेवल था बट हो गया। हाथ से तोड़ो डर्ट को। समझ गया वे। थोड़ा सा टाइम बचा रहा था इसलिए मैं शवल से तोड़ रहा था, बट कोई नहीं, इस बार ही हो जाएगा यार। शवल से तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस लास्ट में मैंने ग्रेवल पे ही कई बार ही तोड़ा, और मतलब डर्ट को ही रख के 5-6 बार तोड़ देता ना, इसलिए इसकी हेल्थ बहुत कम हो गई थी। बट अभी मैं हाथ से ही तोड़ूंगा, बस शवल का यूज़ उसमें ही करने वाला हूँ। तो इतना तो कर ही सकते हैं। एक सेकेंड। चलो ये हो गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना। ये दो डर्ट यहाँ पे रखी, ये यहाँ पे रखा, ये आ गया चार। इसको रखवा देता हूँ यहाँ पे और अब मैं इसको ये करूँगा और हाथ से ही तोड़ूंगा। ठीक है, बस परफेक्ट है। थोड़ा सा टाइम जाएगा बट सही है। और मेरे हिसाब से अगर मैं शॉवल से भी तोड़ूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट पहले एटलीस्ट 20 कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे इसको। तो पहले ये रखा यहाँ पे, ये रखा यहाँ पे, फिर आधा इधर आधा इधर, ये होगा 8 और। तो इस 8 को भी यहाँ पर रखते, एक एक ही साथ तोड़ूंगा। वेट नहीं करना तो पड़ेगा, उसके बाद में क्योंकि एक्स्ट्रा बना ही नहीं सकता। तो फुल स्पीड में इसे कर देते हैं और अभी दोबारा से नहीं, ऐसे तोड़ूंगा। आधी हेल्थ हो चुकी है, शायद नहीं तोड़ना चाहिए मेरे को इससे। तो इनका शवल है ना बहुत तेज, इसकी एचपी लो हो रही है। बेंडिंग वुंडिंग थोड़ी लगा है जो ऐसे इन्फाइनाइट सी रहेगी। दोबारा से यहाँ का जा रहा हूँ, 8 रखा यहाँ, फिर आधा इधर आधा इधर, दोबारा से आगे 16। तो 16 को भी यहाँ पर रखवा देते जल्दी से। भाई सही में ये तो काफ़ी सारी नई नई, एक तो स्नो गोलेम वाली मेरे को पता चली मस्त, और एक ये वाली। मतलब मेरे को इतना तो पता था कि स्नो गोलेम जहाँ पर भी चलता है वो स्नो छोड़ता जाता है, बट हाँ वो था कि वो कारपेट के ऊपर नहीं जाएगा, वहीं अटका रहेगा और हम लोग इन्फाइनाइट स्नो खड़े खड़े निकालते रहेंगे। लैग 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 क्यों निक रहे हो भाई। 1 लाख लाइक कंप्लीट, लेट्स गो गाइस, तालियां हो जाए भाई चैट में। डन। तो ढेर सारा डर्ट हमने कलेक्ट कर लिया। ये वाला लेवल के बाद एंड करते हैं स्ट्रीम को, क्योंकि थोड़ी बहुत भूख लगने लग गई है। मेरा मैंने कुछ खाने पीने जाऊँ मैं भाग के, और अभी मेरे पास 32 डर्ट आ चुके हैं, और की जरूरत ही नहीं है, इसी में पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ शवल यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हो इतनी सारी एक्स्ट्रा डर्ट आ गई। फटाफट से चलते पीछे की तरफ। अरे कोई नहीं, हो जाएगा, हो गया। इसको लास्ट लेवल अगर तुरंत समझ आया तो ठीक है, वरना मैं भागूंगा कुछ खाने के लिए। अरे यार मैं ये वाला बटन क्यों दबा के रख रहा हूँ। मेरी ना आदत थोड़ी सी सीधा वाला स्पीड ब्रिजिंग करने की, साइड एंगल से फास्ट होता है बट मेरी आदत नहीं है फास्ट वाले तरीके से। ये देखो मैं ऐसे गिरते रहता हूँ, बट अगर मैं बैक होकर करूँ तो फुल स्पीड में जाते रहूँगा। हो ही गया अभी तो लेवल, वैसे एक्स्ट्रा फालतू डर्ट लगा के भी पहुँचूंगा भाई। चलो 16 लेवल पर हम लोग आ चुके हैं, और अभी कितने लेवल बचे हैं टोटल, एक बारी बैक हब पे जाके देखता हूँ। एंडी हो गया वैसे यार, 20 लेवल से क्या 17-18 लेवल्स ही हैं। ये लास्ट लेवल है, कर ही देते हैं, पूरा एंड करते हैं इसे। ये रहा 16, बस 16 जल्दी हो जाए यार, अगर कोई भी लेवल अटकाएगा ना तो फिर भूख बढ़ जाती है अचानक से। ट्रैप चेस्ट है, इसमें से मैं ओ समझ गया मैं क्या करना है। 2 पिस्टन, बोट मेरे बैठने के लिए है। मेरे को वो बनाना है रॉकेट सा, रॉकेट नहीं अपने लिए हम लोग कार बनानी है, माइनक्राफ्ट की कार बनानी है। और वो कैसे काम करेगी, रुक जाओ समझ गया मैं। 1 2 3 4 5 6 ये मेरे को चिपकाने के लिए है, इसके ऊपर मैं अपनी बोट रखूंगा। पिस्टन आपस में एक दूसरे, भाई ये थोड़ा सा वैसा वाला लेवल आ गया। ठीक है मैं करता हूँ इसे। सबसे पहले तो मेरे को एक ये यहाँ पर लगाना है। ओ इधर प्लेस क्यों नहीं कर पा रहा मैं, वेट क्या मैं इसको इधर लगा सकता हूँ। यस ये यहाँ लग गया। यार एक तो मैं तोड़ नहीं पाऊंगा कुछ भी, इसमें यह है कि ऑब्जर्वर ना थोड़ा अलग तरीके से प्लेस करा जाता है। अगर मैं 2 साइड ये लगाऊं, नहीं, इसकी मेरे को देख कर आना पड़ेगा किस तरीके से बनता है। पता तो था मेरे को, मैंने बनाया है कई बारी, बट ये डायरेक्ट गलत डायरेक्शन में प्लेस हो गया तो मैं इसे तोड़ूंगा कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तोड़ूंगा तो सीधा ये नीचे जाएगा या मैं नीचे जाऊँगा। चलो अभी लगाता हूँ जल्दी से, एक बारी बना के ट्राई करता हूँ, आधा दूर ही बने। अरे देखो उल्टा फेस हो गया, टूट रहा है ये, जल्दी टूट भाई। चेस्ट पे बनाऊँ, हाँ ये आइडिया भी अच्छा है। चेस्ट के ऊपर ही रख के बनाऊँगा तो मेरे को एक ब्लॉक की हाइट मिलेगी यहाँ पर, हाँ हाइट भी मिलेगी प्लस एडवांटेज भी। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक ये लगा दूँ, और उसके बाद मेरे को स्टिकी पिस्टन ना अपोजिट फेस में लगाने हैं। थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। ये दोनों तो लगने नहीं वाले एक दूसरे में चिपक के। ये अगर मान लो ऐसे लगा दूं, दूसरा वाला स्टिकी पिस्टन इसके अपोजिट में लगेगा, तो यानी एक ब्लॉक और होना चाहिए आगे। और ये मेरे को तोड़ना है प्लस कलेक्ट भी करना है। और ये स्टिकी पिस्टन ऐसे लगना चाहिए, ये स्टिकी पिस्टन ऐसे लगेगा और एक यहाँ पर ये लगना है। और ऑब्जर्वर जो लगेगा उसका फेस इस साइड होना चाहिए, यानी अगर मैं ऐसे प्लेस करूँगा तो शायद से वो गलत हो जाएगा। और मैं अच्छा आगे आकर प्लीज़ यार वो इसे नीचे जाके मैं प्लेस कर नहीं सकता, थोड़ा सा आगे होकर ही बनाना चाहिए था मेरे को, फिर से ऑब्जर्वर प्लेस नहीं होगा यहाँ से। ये देखो ये गड़बड़ है, अगर यार यहाँ से प्लेस हो जाए। एक सेकेंड, नहीं इस तरीके से भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे को थोड़ा और ही आगे होकर बनाना पड़ेगा। दोबारा से रीसेट करते हैं, मतलब चेस्ट से एकदम ही आगे बढ़ के बनाता हूँ इस बारी। वेट, अरे हो जाओ। तो एक मान लो ब्लॉक लगाया मैंने यहाँ पर, लग जा भाई। ओ ये नहीं लगता क्या ऐसे करके? नहीं, फिर तो ऊपर ही लगाना पड़ेगा ना यार, तो फिर से वही वाला सीन हो जाएगा। हाँ मैं थोड़ा सा ना आगे ही चलता हूँ ऐसे करता हुआ ना। पीछे का तोड़ा, ये वाला भी तो, अरे यार नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा डन, परफेक्ट। अभी शायद से हो जाएगा कंप्लीट। ये लगाया यहाँ पे और एक यहाँ लगेगा, फिर ये वाला मेरे को नीचे गिर जा रहा है भाई। ले कलेक्ट हुआ, हाँ हो गया। ये लगेगा यहाँ, अब ये तोड़ना पड़ेगा यार। डन, ये आ गया। अब मेरे को एक लगाना है इसके अपोजिट में, तो अपोजिट में लगाने के लिए वो इधर लगेगा, तो इसको इधर से आके शायद मैं लगा सकता हूँ। एकदम सही। इसके आगे अब होना चाहिए स्लाइम, तो एक स्लाइम दूसरी स्लाइम। ये वाले को हटाना है मेरे को, नीचे चला गया बट कोई नहीं, इससे हो जाएगा मेरा। देखिए अब एक ऑब्जर्वर मेरे को लगाना है इस तरफ का फेस करके, एक ऑब्जर्वर लगाना है उस तरफ का। यार ऑब्जर्वर का ना फेस का ही सीन है सारा। ये वाला भी नहीं लगेगा, शायद एक ब्लॉक पीछे आके लगाऊं तो हो जाए। नहीं इसको लगाना ही उल्टा है ऐसे। वेट पहले ये लगेगा, इस तरफ से लगाऊंगा तो फेस इस तरफ रहेगा। बस ये टूट जाए, इसके बाद अपना काम होगा। ये कलेक्ट तो होता है ना, बस ये देखने और शायद से हो जाएगा। ये लेवल इजी है बट हाँ थोड़ा सा वही है, एकदम याद होना चाहिए कैसे बनेगा। वाह, ऑब्जर्वर एक बार भी गलत नहीं लगना चाहिए, मेरे को याद है। ये वाला लगाना है इस तरफ से, ये वाला लगाना है इस तरफ से। ठीक है, हो गया काम। एक बारी और बस रीसेट करना है और इस बारी डन है सब कुछ। पहले इसमें सारा सामान निकाल लेता हूँ मैं। सामान निकाल के हमको ऊपर बैठना है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे को चलना है कुछ इस तरीके से, पीछे के कलेक्ट करने हैं वापस वापस से। ये वाला भी कलेक्ट, वाह भाई वाह, चला गया नीचे। ये वाला आजा, ये आ गया। डन, एक और तोड़ना है, एक ही बार में चल के ले लूँगा। अगर नहीं चल लेता हूँ भाई, पता चला गायब हो जाए तो एक एक्स्ट्रा दिक्कत आ जाएगी। गायब भी होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लगेगा एक ब्लॉक और एक ब्लॉक यहाँ पे। देन इसको तोड़ना है। अरे भैया रुक जा रुक जा, आजा। हाँ दोबारा से चलते हैं, हो जाना चाहिए इस बारी। एक यूँ लगेगा, पीछे से आकर एक पिस्टन यूँ लगेगा। यहाँ पर लगेगा स्लाइम, वो भी दो। इस तरफ में लगेगी, यार ये वाला लेवल थोड़ा सा टाइम दे गया। एंड ये वाला ऑब्जर्वर प्लेस करना थोड़ा सा अजीब हो रहा है मेरे को। दो बारी शायद से नीचे कूदना पड़ सकता है बट ठीक है, कर देता हूँ मैं, हो जाएगा कम से कम। ये यहाँ पर लगाता हूँ, ये कलेक्ट नहीं होगा ठीक है, बट अभी ऑब्जर्वर सही लग जाएगा। वापस चल के उसे ले आते। हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया। आ गया मैं ऊपर, ये ले लेता हूँ वापस से। ओ यार चल क्यों गया ये? उसके आगे से ऑब्जर्वर कैसे लो चल गया, बट अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, काम ही अभी भी करने वाला है। बस मेरे को उधर वाला ऑब्जर्वर भी नहीं तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसने सच में उसे पुश कर दिया ना। ट्राई करता हूँ शायद से हो जाए। अगर मैं ये वाला ऑब्जर्वर भी लगा दूँ तो एक इधर आएगा। यार एंड में छोटा सा मिस्टेक कर दिया, पूरा करने के बाद मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से रह गया। दोबारा बनाना पड़ सकता है मे बी। आ ये भाई वो ये लग उसके ऊपर जंप ही टेढ़ी होती है ना। परफेक्ट। अब मेरे को ऐसे समझ लो एक सेंसर मारना है बस। ये बोट रख देता हूँ इस पर। अच्छा नहीं एक ये भी तो गायब है, ये भी लाएगा ऐसे। ये के लेकर आना पड़ेगा ये। और अब बस मेरे को इसके आगे वो प्लेस करना है और चीज़ अपनी चल जानी चाहिए। चल गई चल गई चल गई। अरे इधर को नहीं उधर को नहीं। अबे यार चला तो दी मैंने बट उल्टी चल गई। मेरे को उस वाले को सेंसर मारना था। ये तोड़ूंगा तो यार नहीं ये मैंने उल्टा कर दिया। रीसेट 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 हो गया गाइस, लेकिन इस बार ही हो गया है। करना तो ऐसे ही है। अरे रीसेट ये क्या, ये तो बचे रह गए बट मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है मेरे को जाना तो वहीं पड़ेगा अभी भी। तो यूँ मारता हूँ जंप और ये ले लेता हूँ। हो गया गाइस, वैसे लास्ट टाइम वाली गलतियाँ नहीं करनी। एक जंप यूँ, थोड़ा सा आगे चलना है पहले। पहली चीज़ तो ये पीछे वालों को वापस से कलेक्ट करना है। ये वाला यार कलेक्ट ही नहीं होते यार, नीचे चले जाते हैं। इतना दुख होता है भाई कसम से। एक आ गया शायद से, नहीं आया एक भी। दो बारी जंप मारनी पड़ेगी। चैट एक बारी बताओ करना इसी तरीके से है ना। हाँ हनी ब्लॉक नीचे है, मैं मालूम है ले आया मैं सारा। तो अभी ठीक है मेरे को जाने पहले ऊपर। यार है तो सिंपल सा बट नीचे बार बार ब्लॉक गिर रहे हैं इधर उधर। एक भी मिस्टेक हो रही है ना ऑब्जर्वर की। तो वो चल गया था लास्ट टाइम मशीन, पहले सीधी चली बट फिर बैक साइड में उल्टी चल गई। सारा मेहनत खराब हो गई भाई। तो इस बार नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लगाया एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक। मैं एक काम करूंगा ना, इधर वाला ऑब्जर्वर एकदम एंड में लगाऊंगा। तो अगर मशीन बाई चांस हल्की फुल्की भी चली तो उस डायरेक्शन में ही चलेगी। तो ये मैं तोड़ देता। अबे दो कैसे टूट गए। अरे यार कसम से छोटी छोटी चीज़ के लिए दो दो बार नीचे जाना पड़ेगा। अब बचाएगा दोनों ब्लॉक, दोनों कलेक्ट हो गए। नहीं एक दो, अच्छा ऊपर लगा हुआ एक। वाह एक बार तो बेमतलबी। ये ब्लॉक लगा गए मेरे आँखों के आगे, इसकी वजह से और जंप मारने में टास्क हो गया एक। ठीक है तो पहला यहाँ पर आया मैं और एक कदम और आगे चल ही लेते हैं। अब ये लगा देता हूँ यहाँ, इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को लगाना है पिस्टन इस तरफ का फेस करके इसको। अब एक दूसरा पिस्टन लगेगा इस तरफ का फेस करके, तो उसके लिए यहाँ पर ब्लॉक लगाकर ये वाला पिस्टन लगा देता हूँ। ठीक है अब ये कलेक्ट कर लेता हूँ सारा। एंड इसके आगे लगाना है मेरे को ये चीज़ डन। अरे नहीं हाँ सही है क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है तो और इसके पीछे की तरफ मेरे को लगाना है एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर लगाने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स चाहिए होंगे जो कि नीचे गिर गए हैं। तो ये लेकर आता हूँ मैं भाग के। तीन ये हो गए और एक ये पड़ा। आजा हो गया डन। अब वापस जाना है चेस्ट के ऊपर। ये कैसा टास्क हो गया, चेस्ट ऐसी जगह पे अटक गई है ना, मतलब इनकी वजह से। इसलिए तो ऑब्जर्वर लगेगा इधर। तो एक दो ब्लॉक ये थोड़े, ये वाला एंड में लगाना था, मैं फिर हरकत कर रहा हूँ। ये वाला एंड में लगाना है, पहले इधर का ऑब्जर्वर लगाते हैं। तो एक ब्लॉक लगाना है इधर, दूसरा लगाना है इधर। ये हटा देता हूँ और ये लगा ऑब्जर्वर इधर, ये तोड़ देता हूँ। ठीक है चलो अब मस्त है, अब हो गया बस ये लेकर आना है मेरे को नीचे से। इतने सारे जो गिरे पड़े हैं ना, एक आ गया और दूसरा ये रहा, ये भी आगे दो वहाँ पर और पड़े हैं आगे, ये भी ले आता हूँ। डन तो चारों वापस आ चुके हैं मेरे पास। अब चलते हैं ऊपर। इसके आगे लगने वाले हैं ये। ठीक है एक लगेगा यहाँ पे और इसमें लगेगा ऑब्जर्वर। यहाँ पर मेरे को रखना है अपना बोट, बैठना है, इसको तोड़ना है। चल गई भाई गाड़ी फाइनली हम लोग जा रहे हैं भाई। अरे भीड़ तो नहीं जाऊँगा मैं, वैसे भीड़ भी गया तो अब कहीं जाने नहीं वाला। हमने कंप्लीट कर दिया भाई, लेट्स गो। ये वाला भाई एक अलग ही था थोड़ा सा बट, अरे मैं नीचे ना गिर जाऊँ बोट से उतर के, उनको डर इस चीज़ का। ओ पहुँच गया, बच गया अंदर पहुँच गए हम लोग भाई फाइनली। लेवल 17 समझ लो ये लास्ट लेवल है। इसके बाद 18 है, वो लास्ट है बाय द वे, ये सेकंड लास्ट है। और ये वाला लेवल में क्या करना है, इस पे हेबेल पड़ेगा तो ये उग जाएगा। और बोन ब्लॉक एरा ये टूटेगा, हेबेल से मैं बहुत सारी वुड बना लूँगा। ये तो ईजी है, हो गया भाई। इससे ईजी, अगर इससे मैं बोन मिल बना पा रहा हूँ तो इससे ईजी लेवल कोई भी नहीं है भाई। बहुत ईजी लेवल था। आया अरे कलेक्ट ही नहीं हुआ वो बोन ब्लॉक, हैंड से नहीं कलेक्ट होते यार। मेरे को एक तो चाहिए होगा कुछ। ये मैं तोड़ना नहीं चाह रहा यार, इसका कुछ तो है। मॉस तो कलेक्ट हो ही गया तो टेंशन नहीं है। अगर इन सबको मैं एक जगह लगा के ऊपर जाऊं तो कुछ है क्या ऊपर? दिख तो नहीं रहा ऐसा कुछ खास। क्या है ये? किस लिए है ग्लोबेरीज? इसे खाना तो नहीं होगा पक्का। नीचे भी कुछ नहीं है। ओ शलकर 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 है, लगाए लगा लगा शलकर दिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का शलकर हुआ है, क्या हिडन चीज है पक्का। उस शलकर में वुड का कोई तो मटेरियल है। वेट, उस शलकर को एक्सेस करने के लिए मैं यहीं से ऐसे कर सकता हूँ। ये हो गया वुड का भाई पिकैक्स। इस वुड की पिकैक्स से मैं एक बोन ब्लॉक ले सकता हूँ। हो गया अपना काम। ये बोन ब्लॉक आ गया। इस बोन ब्लॉक से ढेर सारा बोन मील आ जाएगा। इसको मेरे को रखना है यहाँ पे। इस पे मारना है बोन मील और मॉस ही मॉस हो जाएगा पूरे में। ये अरे नहीं, ये हटाना पड़ेगा पहले। ये उग जाएगा यहाँ पर। ये लगाता हूँ साइड में, लगाते हैं ना थोड़ा। ये लगाया। इस पे मारता हूँ बोन मील। उग जा। नहीं अरे यार रीसेट 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 करना तो ऐसी है। एक सेकेंड एक सेकेंड, एक मिनट। ये लेता हूँ पहले पिकैक्स। इससे थोड़ा बोन ब्लॉक, बोन ब्लॉक से बनाया ढेर सारा बोन मील। ये उगाने के लिए ना मेरे को पहले हाथ से सारा साफ करना होगा। समझ गया मैं, यही करना है। अरे बड़ा टास्क मिल गया तो लंबे वाला। ये सारा तोड़ना पड़ेगा तभी उगेगा मेरे हिसाब से पेड़। बोन मिल लगाना तो इस पे ही है। एक पूरा हटा देता हूँ यार क्योंकि थोड़ा सा टाइम जाएगा बट एटलीस्ट लेवल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो ट्री होता है ना, मतलब ये एक ही बार में उगेगा पूरा, एक ही बोन मिल में। एक्स्ट्रा बोन मिल नहीं चाहिए होगा इसे। एक या दो में शायद, मेरे हिसाब से तो एक ही में। बाकी एक मिनट में चैट रीड कर लेता हूँ जब तक ये तोड़ रहा हूँ। बाकी 40,000 पीपल अभी भी देख रहे हैं तो भाई लाइक 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 कर दो बस, लाइक। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं चैट पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ। काफ़ी देर से चैट नहीं रीड करी, बस मैं अपना मस्ती में हेल्प के लिए रीड कर रहा हूँ मैं बस चैट। लैग हो रहेगा बीच बीच में स्ट्रीम। प्रो मोस्ट ब्लॉक से कर। अच्छा हाँ, मॉस ब्लॉक भी तो मैं इनफाइनाइट ले सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सब समझ गया अभी मैं। बट मैं सोच रहा था कि ऐसे ट्री उगाकर हम लोग उससे वुड ले लेंगे, वुड से प्लैंक बना लेंगे। वो भी तरीका अगर ट्री उगता है तो हो सकता है क्योंकि मॉस ब्लॉक। हाँ वैसे बोन मिल शायद इसीलिए मिला हो ताकि हम लोग मॉस ब्लॉक बहुत सारे बना लें। ये भी हो सकता है ठीक है। बट जितना स्टोन होगा मॉस भी उतना ही बनेगा। उग नहीं रहा ना ये तो ठीक है, मतलब मॉस से ही काम करना है हमें अपना। यहाँ से ढेर सारा मॉस मिल जाएगा हमें। लेट्स गो। जितने स्टोन है समझ लो उतना ही हो जाएगा, नहीं तो। चलो डन। एक मॉस एंड में छोड़ देना है इसके अगल बगल। यहाँ पर एक लगाता हूँ बीच में और इस पर भी हो गया। हाँ यही करना है। हो गया हो गया। नहीं बनाना था ट्री, खाली पीली मैं एक्स्ट्रा सोच रहा था। एक और कर लेते हैं। वैसे तो हो ही गया, लेवल कंप्लीट हो ही गया, और की ज़रूरत ही नहीं है। परफेक्ट। चलते हैं दूसरी साइड पे, लास्ट लेवल और स्ट्रीम एंड। भाई देखते हैं आज हम लोग कर पाएंगे या फिर नहीं लास्ट लेवल, क्योंकि अगर लास्ट है तो कुछ तो उसमें खतरनाक होगा। मतलब एंड से रिलेटेड लग रहा था मेरे को लेवल। जब मैं देखने गया था ना वहाँ पर एंड स्टोन वगैरह लगे हुए थे जब भी हम गए थे। तो थोड़े से ब्लॉक बस और लगाने, ये कंप्लीट है। अरे ये क्या लगा दिया? चलो भाई फाइनली। अरे पहुँच के रह गए क्या? इस पर कूद के जाऊंगा मैं। हो गया। वैसे वो नहीं बात है, कूद के हो गया। क्रिस्टल एंड ओ ओ ओ ड्रैगन हेड। यहाँ पर शलकर। अरे इतना सारा सामान। अरे भाई, अरे 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 भाई ये तो कंफ्यूज करने के लिए यार। ये क्या है? रिस्पॉन एंकर्स के लगाए हुए इतने। ये कौन सा कैंडल है? बोन ब्लॉक। ये बोन ब्लॉक ही है ना? नहीं ये बोन कि वो वाले। अरे नहीं 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 नहीं। अरे रीसेट करो भाई। ये तो मेरा मन ही नहीं कर रहा खेलने का। इतना सारा सामान लेकर मैं। हनी भी है यहाँ पर, इससे शायद कलेक्ट होगा। ये क्या है? पोर्शन ऑफ टर्टल मास। भाई ये लास्ट लेवल पे बंदे ने इतनी मेहनत कर दी है, शायद से इतने किसी लेवल पे नहीं करी होगी पिछले जो है। पानी की बॉटल्स देखकर मेरे को ये लग रहा है कि इन्फिनिट वाटर सोर्स तो बनने वाला है। ठीक है, वाटर बकेट है कहीं? यार इतना सामान तो मत देता भाई। फ्लावर्स के क्या करूँगा मैं? मशरूम, फ्लावर्स, बोन मिल सब कलेक्ट कर लेता हूँ पहले, दिमाग चलेगा थोड़ा सा। सारी चीज़ें एक जगह आके रखी जाएगी ना। अबे भाई सारा अलग अलग आइटम है यार। रॉकेट वॉकेट, फ्लावर पोट। क्या लग रहा है यार, कंफ्यूज करने के लिए या फिर इन सबका यूज़ है? पहले चैट में मेरे को ये बताओ। जल्दी 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 चैट में बताओ भाई। एक बो है और एक एरो है। एरो को लग रहा है उसमें मार के वो तोड़ना है, और रॉकेट है, शील्ड। ये चीज तो मेरे को पता है कि अगर मैं एरो उस पर मारूं वहां तक पहुंच के, और ऐसे एरो जब उस पर भिड़ेगी फिर ऐसे शील्ड करूं, उनको ऐसा जंप मिलेगा उसके डैमेज से और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। शायद ऐसा कुछ तो करना है जितना भी मेरा माइंड चल रहा है। बाकी जो बॉटल है ये इसमें जाने वाली है, तीसरी एरी। ठीक है, ये गई इसमें, ये रही बकेट। इन्फानाइट वाटर तो समझ लो बन गया। 1 2 3 डाला इसमें। अरे 1 2, अच्छा इन्वेंट्री स्पेस नहीं था। वेट यार, बोतल वेस्ट हो गई, एक दोबारा से रखता हूँ, कोई नहीं, जरूरत ले आता हूँ वो नीचे। वैसे जरूरत लग नहीं रही है मेरे को किसी बोतल की, नीचे जाकर कहीं तो गिरी है वो। तो 3 बोतल मेरे पास हो चुकी है, एक फ्री का वाटर बकेट मिल गया समझ लो। 1 2 3 मेरे पास अभी इन्फाइनाइट वाटर है। एक बकेट इसमें है, एक बकेट मेरे हाथ में है। फ्लावर पॉट्स हैं, ज़्यादा कहीं कन्फ्यूज़ के लिए तो नहीं है। एनवी मान लो ब्लॉक्स काउंट करूँ मैं। कैल्प है, ड्राई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। पिकैक्स नहीं बन सकती, कॉबलस्टोन नहीं है। 3 ब्रिक्स है, एंड्रोड है, एंड्रोड पे भी क्लाइंब किया जा सकता है। लेडर्स है, लेडर्स सामने जंप करने के लिए होगा। 1 एंडस्टोन है, 2 भाई थोड़ा काम का है और थोड़ा फालतू है लग रहा है मेरे को। फ्लावर पोट का यूज़ है बट फ्लावर्स का कोई यूज़ नहीं है। मैं एक काम करता हूँ ना, लगे यहाँ इसमें रखवाते जाता हूँ जिस चीज़ का मेरे को यूज़ नहीं लग रहा। जैसे बोन मील और डार्क ओक सैपलिंग्स हैं, बट डर्टी ओ ये क्या है? अच्छा बैनर्स हैं, ये बैनर्स का भी यूज़ है भाई। बैनर्स तोड़ता हूँ, नीचे चले जाएंगे एक बार को, कोई बात नहीं, कलेक्ट करके ले आऊँगा। बट बैनर तो लगेंगे, बैनर मतलब वो साइन बोर्ड की तरह यूज़ कर सकता हूँ मैं इनका। तो बैनर हो गए अपने पास 2। अब जिन जिन चीज़ का यूज़ नहीं है उसे रखवाते हैं। जैसे बॉटल का मेरे को कोई यूज़ नहीं लग रहा तो कन्फ्यूज़ कर रही है उल्टा ज़्यादा। फ्लावर्स का कोई यूज़ नहीं लग रहा, शुगर का ब्रूइंग स्टैंड नहीं है। और क्या बन सकता है शुगर और रेड स्टोन से? कोई आइडिया नहीं। एंचेंटेड गोल्डन एप्पल ले लेता हूँ, मेरे को इतना तो पता है क्रिस्टल फोड़ना है। क्रिस्टल फोड़ने के लिए बो एंड एरो चाहिए। शील्ड इसलिए पहननी है ताकि हम मर ना जाएं और डैमेज भी कम मिले, उसके लिए हमें शील्ड यूज़ करनी है। और इससे जंप भी मिल जाए, और शायद से गोल्डन एप्पल हमारी हेल्प भी करेगा उसमें। और ये जो पोशन है ना स्लो वाला, ये हमारी स्पीड कम करेगा। एनविल का क्या यूज़ है? रुको, पहले फालतू चीज़ें पहले रखवानी। ये रखवा देता हूँ, स्नोबॉल ये नहीं, ये चाहिए। ब्राउन मशरूम नहीं चाहिए, लेडर चाहिए। ब्रिक्स तो इन 3 ब्रिक्स से कुछ नहीं होने वाला। एंड ये फ्लावर्स हटा दिए। रॉकेट भी बिना इलाइट्रा के किसी काम के नहीं है, नॉर्मल फायरवर्क है ये। स्पाई ग्लास से देख लेता हूँ दूर दूर तक क्या है भाई, जो दिख ही रहा है वैसे नॉर्मली दिख रहा है तो नहीं देखना मैं कुछ फालतू। एंड वाटर बकेट चाहिए होगी विद द नेदर स्टार नहीं चाहिए। फ्लावर पॉट को तोड़ो लगा दो, तोड़ो लगाओ, उससे क्या होगा? फ्लावर पॉट ग्लिच से नहीं बाहर करना यार। नहीं, ग्लिच वाले तरीके से नहीं। मतलब तुम ये कह रहे हो अगर मैं इसे तोड़ ऐसे करूँगा तो ये डबल होएगा, ऐसा होता है? अच्छा क्लाइंब करते हुए नहीं, चलकर ब्लॉक भी, हाँ एक ब्लॉक है, ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया था। है नहीं, ये भी एक ब्लॉक था, अब नहीं है। पोशन बना सकता हूँ मैं यहाँ से, बट ब्लेस पाउडर नहीं है तो पोशन भी नहीं बनने वाले। बाकी इसके पीछे क्या है? नॉर्मल है। रीस्पॉन एंकर में ग्लोस्टोन डलेगा बट नहीं यार, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला लेवल है। ये रखवा देता हूँ स्लो। देखो मैं समझ गया हूँ, ठीक है, मैं एक बार ट्राई करने वाला हूँ। थोड़ा गलत ही सोचा है मैंने बट शायद, अरे ये तो एंड पे ही लगेगा ना। हाँ नहीं, पहले अगर ये लगा दूँ ऐसे तिरछा लगेगा, नहीं ये ऊपर को ही लगने वाला है। चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही चलते हैं फिर। ये हो गया ओ भाई ये 3-4 ब्लॉक ही थे आगे बढ़ने के लिए, फ्लावर पोट वगैरह इतने कम ब्लॉक लगा के मैं वहाँ तक नहीं पहुँचने वाला। एंड रोड है, एंड रोड भी पहुँचाएगी थोड़ा सा, एक एंड रोड थोड़ा सा आगे, दूसरी एंड रोड थोड़ा सा और आगे। एनविल नीचे गिरा देगा, बट मेरे पास यहाँ पर 2 बैनर्स भी हैं, इनको क्यों भूल रहा हूँ मैं। एक बैनर यहाँ पे, अरे नहीं बैनर के लिए ब्लॉक चाहिए ना, लैडर के लिए भी ब्लॉक चाहिए। फ्लावर पोर्ट पे लग जाएगा बैनर, फ्लावर पोर्ट पे प्लीज़ लग जाए यार। लगता है लगता है लगता है लगता है लगता है, नहीं लगता। एनविल पे तो कुछ भी नहीं टिकने वाला यार, रीसेट करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, या मैं इसको तोड़ के ले जाऊं। अब इसको खा के टेलीपोर्ट हो जाऊं, नीचे टेलीपोर्ट करेगा पक्का। ये बहुत घटिया रिस्क है। ले भाई सी यार, रीसेट कर रहा हूं भाई। इन्फिनाइट वाटर से क्या करना है यार, कुछ नहीं समझ आ रहा। वहां तक पहुंचने के लिए शलकर ही यूज कर, नहीं पहले सामान निकालता हूँ रुको। एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, ये काम का है, ठीक है। इसमें से ये ले लेता हूँ, इन्फिनाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक वाटर बकेट पहले पता चल जाए कहाँ यूज़ होनी है, फिर इन्फिनाइट भी बना लेंगे, ठीक है। इन 3 का यूज़ हो गया, तुम आ जाओ, लैडर आ जा, बस पूरी तरह भाई। वाटर बकेट दे, फ्लावर पॉट दे, एनविल दे, बो दे, एरो दे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से ले लेता हूँ पानी, यहाँ से ले लेता हूँ बैनर, सब हो जाएगा। वाओ चलो आ गया बैनर। अब ये कलेक्ट कर लेते हैं शलकर्स, एक शलकर। ऐसा कुछ है तो नहीं ना जो, अरे एंड्रो ड्रैग भाई, एंड्रो ड्रैग। ये वाला भी चेक कर लेता हूँ, पता चला कुछ ऐसा हो जो मैं प्लेस कर सकता हूँ। नहीं फिलहाल इसमें तो कुछ भी नहीं है। पोर्ट पोर्ट पोर्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। फ्लावर पोर्ट ग्लिच ही लिख रहे हैं सब लोग, वो ग्लिच यूज ही करना है क्या इसको बाहर करने के लिए? बिना ग्लिच के नहीं होगा। ब्यूरिंग स्टैंड भी है, अबे हाँ ये कलेक्ट हो जाएगा ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। शक्ल तो बता रही इसकी होएगा, टूट गया लेकिन शक्ल से ही लग रहा था होएगा, बट हुआ नहीं। यहाँ पर ये है चल कर लास्ट। ओ इधर एक बैनर हो रहा है, एक बैनर हो रहा है, मेरे को स्पॉट हुआ। ये वाला बैनर भी है, ये बैनर यूज़ होने भाई, अच्छे से यूज़ होने बैनर। अरे यार नीचे चले जाओ पहले तुम, क्या चलकर और बैनर को यूज करते करते मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। शील्ड मैं पहन लेता हूं, बो एंड एरो एकदम हाथ में रखनी है मेरे को, और जंप करके वहां पहुंचना है। और जंप करने से पहले मुझे वो वाला पोशन पीना है। पोशन किसमें था वो? इसके अंदर तो नहीं लग रहा, एक सेकेंड, एक तो इसके अंदर होगा। रेडिस्टोन डस्ट, फिशिंग रोड, फायरवर्क्स, अरे यार किसमें था पोशन? पर्पल में था, इसमें नहीं है। पोशन जिसमें था मेरे को वो ढूंढना है। पर्पल चेक हो गया, ब्लैक में ही होगा फिर तो, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। ये रहा, ये पोशन चाहिए स्लो वाला। एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खाना है, शील्ड लगानी है, बो पे एरो मारनी है, फिर जंप हो जाएगी। यही एक तरीका मेरे को लग रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ और बैनर तो नहीं पड़े। शायद से 3 ही बैनर बहुत है वहाँ तक पहुँचने के लिए। भाई साहब ये तो हाथ कपा रही है, अब ये तो टूटने नहीं वाला, ठीक है ओके। क्या लगता है गाइस, होएगा या नहीं होएगा ये एंड? ठीक है, सबसे पहले मैं लगाऊंगा बैनर, बैनर का यूज़ करके उसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें लगाएंगे जो एज इट इज़ लगनी ही लगनी है। बैनर लगा, बैनर के आगे शलकर लगा, शलकर क्या बोल रहा हूँ मैं, शकलर पकलर शकलर नहीं, शलकर, शलकर पे हमारी जंप। नेक्स्ट शलकर का है ये रहा, इस वाले शलकर के ऊपर ये लगाया और नीचे बच गए, लेकिन अपना कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। वेट, नहीं कुछ नहीं। हाँ नहीं गलत सोचो, मैं सोच रहा था अगर एक बैनर एक्स्ट्रा होता तो मैं एनविल का भी यूज कर सकता था, उसके ऊपर चढ़ के एक ब्लॉक अपना बच जाता। बट ठीक है, पहले ये करके देखते हैं, नहीं हुआ तो नेक्स्ट में वही ट्राई करेंगे। ये लगा दिया एंड अब बचे हमारे पास एक शलकर और बचा हुआ है और फ्लावर पोर्ट है, तो ये लगाया, यहाँ पहुँच गए हैं। अब अपने पास 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक हैं अभी भी जो हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्या ये 6 ब्लॉक में मैं वहाँ तक लग नहीं रहा किसी भी हालत में पहुँच पाऊँगा? ट्राई करते हैं। एक पहुंच गया, दो हो गया, एंड एंड रोड आ गई। अब तीन, अरे लग जा, लग नहीं रही यार एंड रोड। एंड रोड लगाने के लिए शायद एंड ये लग गई। थोड़ा सा साइड ही होना था वैसे, लग गई। नहीं हुआ, बहुत आगे है यार वो पोर्शन। तो नहीं बनाना वाला, स्विफ्टनेस वाला, स्पीड वाला। आपको क्लाइम करना है। आइडिया आया। बट ये आइडिया शायद पहले आना चाहिए था, लेकिन अभी भी आया तो काम हो जाएगा इससे। ये जो पीछे वाले बैनर है, मैं इसको तोड़ के ला सकता हूँ? नहीं तोड़ के ला सकता भाई, ये आगे है काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी। टूटने तो कुछ नहीं वाला। यहाँ पर खड़े होकर तोड़ सकता हूँ इसको? टूट रहा है। टूट गया। शलकर भी टूट सकता है। यहाँ पे खड़े होकर शलकर भी गया, बैनर भी गया। बट इतनी आगे मैं जंप नहीं मार पाऊंगा ना, तो पहले लेकर आता हूँ। मेरे पास अभी शलकर कलेक्ट हुआ है, बैनर वो पड़ा, बैनर भी कलेक्ट हो गया। दो बैनर कलेक्ट हो गए बाय द वे। तो अगर मैं फुल स्पीड में जंप मार के यहाँ आ जाऊँ, परफेक्ट, अभी हो जाएगा ये। अब पहुँच जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर एक शलकर और लगा दूँ। वेट, ये लगा दिया। इसके आगे मैं बैनर लगाऊँ ऐसे, फिर उसके आगे ये एंड स्टोन लगा दूँ, तो मैं काफ़ी क्लोज पहुँच जाऊँगा। थोड़ा सा ऊपर क्लाइम कर सकता हूँ मैं ये लगा के, एंड शायद अभी भी मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा। बट अगर मैं जाने से पहले वाटर लगा दूँ तो शायद अपना काम हो जाएगा। या हो गया। इससे मेरे को थोड़ा सा बच के रहना है। पहले खाता हूँ एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, फिर मैं मेरे पास शील्ड है, दूसरे हाथ में लेता हूँ शील्ड। और पानी है, पानी को वहाँ तक तो नहीं लगा पाऊँगा मैं यार। ये एन्चेंटेड गोल्डन वेस्ट हो जाएगा यार। पोशन ऑफ स्लोनेस ये पी लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एरो, अरे मिस हो गया एरो। नहीं यार, सब कुछ सही करा था, एरो ही मिस हो गया। और एरो नहीं है क्या भाई? यार कैसे करके मैं वहां तक पहुंचा? अरे यार चलो कोई नहीं, मेरे को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ओह सच में भी दोबारा करना पड़ जाता यार। लेकिन ये तो बहुत गलत सीन हुआ भाई। मेरे को इसका वो तो यूज करना ही। अरे एरो मिल गया। बट पोशन मैंने पी लिया, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी मैंने खा लिया है। यूज फ्लावर पॉट, कहाँ पे? फ्लावर पॉट तो पीछे लग गया ना। वेट एक बारी मैं ट्राई करता हूँ, थोड़े और अगर ब्लॉक्स ला पाऊँ तो शायद ये लेवल क्लियर हो जाए। ये तो टूटेगा नहीं, बट मेरे पास एक तरीका है ऐसे तोड़ने का। अगर इसे तोड़ा तो बैनर नीचे गिर जाएगा और फिर वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये टूट जाएगा वैसे। यहाँ से करके देखते हैं एक बारी ट्राई। मान लो अगर मैं ये तोड़ दूं, ठीक है, मेरे पास दो एक्स्ट्रा ब्लॉक और हो जाएंगे। वो गया शलकर, शलकर लेकर आना है पहले। ये आ गया शलकर, और ये रहा बैनर, ये ले लिया बैनर, ठीक है। अब यहाँ पर जाने से पहले ना मेरे को बहुत लंबी वाली जंप मार के पानी, अच्छा पानी प्लेस नहीं हो पाएगा, शलकर ओपन हो रहा है ना। नहीं यार, ये तो मैंने उल्टा नुकसान कर दिया। हो जाएगा। कर दिया था यार मैंने, दोबारा कलेक्ट कर लिया, फिर कलेक्ट कर लिया यार। सिंगल क्लिक क्यों नहीं कर रहा मैं? हो गया, चलो अब हो जाएगा। अरे वापस कलेक्ट। हाँ, अब वहां तक जाने के लिए लेडर, शलकर, बैनर। अगर मैं लेडर लगाऊं लेटर के ऊपर एनविल लगता है, प्लेस हो जाए यार। एनविल बदतमीज है भाई, नहीं लगता। लेटर का मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ लेकिन साइन बोर्ड की तरह, बट मेरे पास साइन बोर्ड की कमी नहीं थी तो ज़रूरत थी नहीं वैसे यूज़ करने की। बाय द वे मैं ये कर सकता हूँ क्या? हो गया हो गया हो गया हो गया, कंप्लीट भाई कंप्लीट। क्रिस्टल वाली चीज़ नहीं यूज़ करी मैंने बट फिर भी कर दिया किसी अलग तरीके से। और इस पर पता है लगाने के लिए क्राउच करना पड़ रहा है वरना इस शलकर पे ना प्लेस नहीं हो रहा पानी। हो गया भाई फाइनली। क्रिस्टल के नीचे वाटर मारो। हाँ मैं समझ गया, वो ऊपर मेरे को उछालेगा बट अभी मेरा एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और जो पोशन था स्लो वाला वो जा चुका है तो उसमें बार बार रिस्क है। और ये जो मैं तरीका कर रहा हूँ ये एक ही तरीके से कर रहा है बार, मान के चलो आप ऐसे कह रहे। ओए वेट, ले भैंस की पानी कहाँ चला गया? ये रहा, बचा बचा। अरे अभी हो गया, लेवल कंप्लीट हो गया। किसी अच्छे सस्ते तरीके से कर दिया बट कर दिया भाई। लेट्स गो, इसको भी फोड़ ही देता हूँ मैं। निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। कर दिया हमने लेवल कंप्लीट, है ना? फिनिश। एंड वाला लेवल कुछ अलग तरीके से करा बट हमने कोई भी चीट या कुछ नहीं यूज़ करा, वो अपनी स्किल है वो कर दिया हमने। ओके पूरा पूरा कंप्लीट हो गया भाई, पूरा फाइनली। तो चलो यार, आज की स्ट्रीम अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो जाओ यार स्ट्रीम को लाइक तो कर ही दिया आपने, 1 लाख से ज़्यादा लाइक हो गए हैं। तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल अभी चलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। मज़ा आया यार कसम से बहुत ज़्यादा। यूज फ्लावर पॉट फॉर ब्रिजिंग। फ्लावर पॉट तो यूज़ हो रखा था ना बीच में। ओह गेमर्स न्यूज़ भाई, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यार आप 2 ब्लॉग से ही कर सकते हो, पीछे वाले ब्लॉग छोड़ो और आगे लगाओ। हाँ ये है, बट वो पीछे वाले ब्लॉग तोड़ने के लिए ना मतलब हमें पीछे ही रहना पड़ता, आगे से नहीं टूटता। बट फिर भी हो गया भाई। मेरे को पता है लग रहा था कि वो जो चीज़ है ना वो ऐसे करने है कि एंड क्रिस्टल हमें उछालेगा, हमें शील्ड लगानी है और ऐसे उड़ के हम लोग उधर जाएंगे। बट फिर मेरे को समझ आ गया था कि ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, इससे भी हो जाएगा। बट फिर बाकी वाला था और बाकी सब लोग GTA स्पैम करने लग गए तो ओके। उनको पता है सब लोग वेट कर रहे हो। रियली सॉरी यार मैं इतना लेट कर रहा हूँ वीडियो, उसके लिए सच में सॉरी। बट यार मेरी कोशिश रहेगी आगे से मिनिमम मंथ की 3 वीडियो तो आए सबसे पहले। एंड इतनी चिंता मत करो। और अब से मैं क्या करूँगा ना, आप लोग परेशान मत हो। अगर मैं स्टोरी पे, इंस्टा की स्टोरी पे अपडेट दे दूंगा कि अगर मतलब वीडियो अगर नहीं आ रही है तो जो भी अपडेट रहेंगे मैं दे दूंगा, ठीक है? तो फिलहाल आज के वाले स्ट्रीम को यहीं पर एंड करते हैं। एंड थैंक यू यार, इतनी देर तक आप सारे लोग बैठे हुए थे भाई। 10:30 क्या 10:41 हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। 11 बजने वाले हैं, मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने, आप भी जाओ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में भी, 1-2 स्ट्रीम में और करने वाला हूँ कुछ ही दिन में। बट इस GTA का वीडियो उससे पहले कंप्लीट करके डालूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। मस्त वीडियो आने वाला है, जिस रीज़न मैंने बताया था ना किसी एक अच्छे रीज़न से वीडियो लेट हुई और वो बहुत तगड़ा रीज़न है। मज़ा आने वाला है, मतलब कुछ लोग गेम में वापस आ रहे हैं, समझ जाओ। तो इससे ज़्यादा हिंट नहीं। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। टेक केयर यार।